हेलो दोस्तों क्लास ट्वेल्थ आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर वन को लेकर के इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने पास पाइथन पांडास इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे पांडास पांडाजन को लेकर के यानी कि पांडास के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के जिसमें हम बात करेंगे सीरीज और डेटा फ्रेम को लेकर के डेटा फ्रेम जो है यहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे लेकिन उसके कुछ और कंटेंट है जो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर टू में तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं आखिर पांडास है क्या पांडास बेसिकली आपके पास एक लाइब्रेरी होती है लाइब्रेरी क्या होती है जिसके अंदर बहुत सारे अपने पास मॉड्यूल्स होते हैं और वो मॉड्यूल के अंदर अपने पास बहुत सारे फंक्शंस कहने का मतलब है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप या तो पूरा कोड खुद लिखें या नहीं तो रेडीमेड कोड आपको अवेलेबल होते हैं अब जैसे क्लास इलेवेंथ में हम लोग कुछ बेसिक्स देख के आए हैं जिसमें हमने बात करी है कि पाइथन के अंदर लूप क्या है कंडीशन क्या है या फिर हमने कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर देखा है हमने देखा है स्ट्रिंग क्या है लिस्ट क्या है टपल क्या है डिक्शनरी क्या है, है ऐसी कुछ बेसिक चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास इलेवंथ में और ट्वेल्थ क्लास में उन्हीं सब चीजों को यूज करके थोड़ा पांडास तो को लेकर और, ले और साथ साथ में सी को लेकर के तो आपको देते हैं ट्वेंटी फाइव मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एजेंडा को लेकर के आखिर हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले एक तो इंट्रोडक्शन को लेकर के देन हम बात करेंगे डेटा फ्रेम और जो सीरीज है उसमें डिफरेंस क्या होता है इसी तरीके से ही हम लोग क्यों यूज करते हैं पांडास है क्या आखिर ये सारी बातें हम लोग करेंगे फिर हम बात करेंगे पांडास के जो दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं एक है हमारे पास सीरीज और दूसरा है हमारे पास डेटा फ्रेम तो पहले बात करेंगे सीरीज क्या होता है कैसे हम सीरीज को क्रिएट करते हैं सीरीज पर और कौन कौन से एडिशनल फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसी टाइप से अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस देखेंगे जिसमें हम मॉडिफाई करके देखेंगे अपनी सीरीज को साथ साथ में रीनेम करेंगे हेड एंड टेल फंक्शन को यूज करेंगे वैक्टर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन देखेंगे हम लोग डेटा को फिल्टर करके देखेंगे साथ साथ में सॉर्टिंग करेंगे री इंडेक्सिंग करेंगे ड्रॉपिंग करके देखने वाले हैं इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सीरीज और लिस्ट में क्या डिफरेंस है इसी तरीके से सीरीज और डिक्शनरी के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं और ऐसे हम बात करेंगे सीरीज और वंडी जो नम्बाई एरे है उसमें क्या डिफरेंस है उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अपना जो सेकेंड टॉपिक है वो है डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम क्या होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है कैसे उसको क्रिएट करेंगे कैसे हम उसको डिस्प्ले करेंगे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट क्या है डेटा फ्रेम और सीरीज में डिफरेंस क्या है डेटा फ्रेम और टू डी एनडी में क्या डिफरेंस है और कैसे हम लोग ये जो डेटा फ्रेम बनाते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे उसको एक्सेस करेंगे हमारे डेटा फ्रेम के अंदर से डेटा को हम कैसे लेने वाले हैं ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को लेकर के जो पांडाज है उसकी फुल फॉर्म क्या है तो जो पांडाज है उसकी फुल फॉर्म है अपने पास पैनल डेटा सिस्टम ये आखिर है क्या दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल और सब बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी कहने का मतलब है एक ऐसा software, एक ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसे कह सकते हैं लाइब्रेरी है जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों तो डेटा को एनालिसिस करने के लिए डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए तो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथन की एक लाइब्रेरी यूज करते हैं जिसका नाम है पांडास तो चैप्टर नंबर वन में हम बात करेंगे और टू में हम बात करेंगे पंडास को लेकर के थ्री में हम बात करेंगे मैट प्लॉट लिप को लेकर के और फोर में फिर हम सी देखेंगे और सी अपने आप में पंडास का ही एक पार्ट है ठीक है इसी तरीके से अगर हम बात करें तो पंडास को डेवलप किसने किया तो पंडास को बनाया दोस्तों जिसका नाम है वैस मैकिनी इन्होंने बनाया है टू में या अगर हम बात करें कि एनालिसिस क्या होता है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस इमेज में आपको समझ में आएगा कि अलग अलग टाइप का डेटा है जिसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और डेटा एनालिसिस करने के लिए हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है और हमारा डेटा कुछ ग्राफ में हो सकता है जैसे कि पाई चार्ट में हो गया या कॉलम चार्ट में हो गया या फिर लाइन चार्ट में हो गया देखिए तो इसको हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर लाइब्रेरी होती क्या तो दोस्तों लाइब्रेरी क्या है लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ प्री रिटर्न कोड बेसिकली लाइब्रेरी क्या होती है जिसमें पहले से कुछ कोड लिखे है जैसे कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो दोस्तों तो वेबसाइट से रिलेटेड जो कोड है यानी कि उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो किसी फाइल में लिखे हो सकते हैं अगर आपको वेब से रिलेटेड काम है तो आपको इस फाइल को पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं इसी टाइप से अगर आप चाहें तो आप टर्टल यूज कर सकते हैं टर्टल शायद आपने कभी नाम सुना होगा ऐसे ही हम लोग टिकेंटर को यूज कर सकते हैं इसी टाइप से दोस्तों अगर हम गेम्स बनाना चाहते हैं अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और काम लाइक हैकिंग वगैरह कुछ भी अगर आप करना चाहें तो उसके लिए हम लोग अलग अलग टाइप की लाइब्रेरी को यूज करते हैं और ये लाइब्रेरी कॉमन नहीं है मतलब थर्ड पार्टी है तो इसको बाद में आपको कभी यूज करना हो तो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं अब बात करते हैं आखिर है क्या लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटर्न कोड ठीक है इसको हम लोग यूज करते हैं कॉमन टास्क को करने के लिए जबकि आपको उसके इंटरनल फंक्शन को सीधे सीधे यूज करना बैकग्राउंड का कोड आपको पूरा लिखने की जरूरत यहाँ नहीं होती है लाइब्रेरी जो है उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स और पैकेज होते हैं बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो ये एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के अंदर से और भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती है ठीक है यानी कि एक टाइप का फोल्डर और फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स आपके पास हो सकती है और इन फाइल्स के अंदर दोस्तों अलग अलग काम के लिए अलग अलग यहाँ पर कोड लिखे गए तो यहाँ पर लाइब्रेरी क्या है लाइब्रेरी कंटेंट मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज सच एज मैथामेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं फाइल को हैंडल करना चाहते हैं वेब डेवलप करना चाहते हैं मशीन लर्निंग करना चाहते हैं और भी कुछ अगर आप काम करना चाहें तो उससे रिलेटेड आपके पास कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो काम करना है उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं अब देखिए जैसे कि अभी हम लोग आगे भी देखेंगे जब भी आपको लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो दोस्तों एक तो ये है कि आपको इंटरनेट से इसको डाउनलोड करना पड़ता है तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं पिप ठीक है पिप इंस्टॉल और फिर उसका नाम तो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ अब जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे मतलब डाउनलोड के बाद इंस्टॉल भी कर लेंगे तो दोस्तों ये फाइल तो आपके कंप्यूटर में आ गई अब ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम बनाओगे तो अगर उस प्रोग्राम में आपको पांडास की जरूरत है या किसी भी लाइब्रेरी की जरूरत है तो फिर आपको यहाँ जाके लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्टेटमेंट इम्पोर्ट पांडास एज पी अगर आप लिखते हैं तो ही दोस्तों आप यहां पर पांडास को यूज कर पाएंगे मतलब आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पांडास का नाम बताना पड़ेगा उसको आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा और ये तभी हो पाएगा जब आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल होगा तो मैंने लिखा है इम्पोर्ट पांडास एज पी डी आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अगर हम बात करें लाइब्रेरी के, के कुछ की पॉइंट्स को लेकर के तो हम यहाँ पर बात करे थे अभी मैंने आपसे कहा था मॉड्यूल और पैकेजेस आपके पास होते हैं लाइब्रेरी क्या है कंटेंट कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स और पैकेजेस तो मॉड्यूल और पैकेजेस है क्या अ लाइब्रेरी में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स बहुत सारे आपके पास प्रोग्राम्स हो सकते हैं कोड हो सकते हैं जो सिंगल फाइल में भी हो सकते हैं ठीक है थीके? तो या कह सकते हैं मॉड्यूल्स क्या सिंगल फाइल ऑफ कोड है एंड पैकेजेस पैकेजेस क्या हो गया एक टाइप की डायरेक्ट्री होगी जिसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स या सब पैकेजेस बेसिकली एक टाइप का फोल्डर कह सकते हैं उसमें खूब सारी फाइल्स आपके पास हो सकती है ऐसे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी कि अगर मैं यहाँ पर पाइथन को इंस्टॉल करता हूँ तो पाइथन को इंस्टॉल करने के साथ मुझे बहुत सारी और लाइब्रेरी डिफॉल्ट मिलती है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आई को डाउनलोड करता हूँ तो उसमें मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर से कह सकते हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल सकती है तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होगी तो कह सकते हैं पाथन कम्स विद रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत सारी हो सकती है विच इंक्लूड्स मॉड्यूल्स फॉर और आप कह सकते हैं परफॉर्मिंग वेरियस टास्क सच एस इनपुट आउटपुट फाइल को इनपुट आउटपुट करना चाहते हैं सिस्टम कॉल करना चाहते हैं डेटा को सीरियलाइज करना चाह रहे हैं ऐसे बहुत सारे काम के लिए आपके पास पहले से ही कुछ लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है फॉर एग्जाम्पल आप ओ एस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते सिस को कर सकते हैं मैथ को कर सकते हैं डेट एंड टाइम को कर सकते हैं तो ऐसी बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें पहले से ही अवेलेबल होती है अगर कोई काम आपको करना है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वो क्या हो गई तो बिसाइड्स द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देर आर थाउजेंड्स ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अवेलेबल अबाउट पाइथन तो पाइथन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है दैट यू कैन इंस्टॉल यूजिंग पैकेज मैनेजर लाइक पिप आप इसको पिप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते मैं आपको भी आगे बताता हूँ ये आपको यहाँ दिख भी ला होगा फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या हम लोग नम्पाई को यूज कर सकते हैं जो कि हमारे चैप्टर नंबर वन और टू में है वैसे हमारे कोर्स में दोस्तों नम्पाई नहीं है लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे उसमें नम है तो अगर आपको नम आता भी है तो चलेगा नहीं आता है तो भी चलेगा क्योंकि एग्जाम में एक भी कोड आपके नंपाई को लेकर के नहीं आने वाला है क्योंकि आउट ऑफ कोर्स है और बाय द वे आ भी गया तो फिर आपको बोनस मार्किंग हो जाती है तो आप नंपाई यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इसी टाइप से आप पांडास को यूज कर सकते हैं तो नम्पाई किसके लिए काम आता है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए पांडा किसके लिए काम आता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए किस के लिए काम आता है रिक्वेस्ट है? को हैंडल करने के लिए किस के लिए काम आएगा डेटा करने के लिए जो कि चैप्टर नंबर थ्री में हमारे कोर्स में भी है फिर बात आती है इंस्टॉलेशन को लेकर के तो जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जैसे कि आप यहाँ पर पांडा नम्पाई को लेकर के बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इसको इंस्टॉल हम लोग कैसे करेंगे ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल यूजिंग पेपर पिप के थ्रू आप इसको यहाँ इंस्टॉल करते देखिए आपको क्या करना है दोस्तों आपको जाना है सी पे कमांड प्रॉम पे आप जाए ठीक है अगर आपके कंप्यूटर में दोस्तों इंटरनेट कनेक्ट है तो आप यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे पिप इंस्टॉल ठीक है पिप इंस्टॉल और उसके बाद जो भी जैसे अगर आप पांडास करना चाहें तो आप लिख सकते हैं पांडास बस इतना सा आपको लिख देना है एंटर दबा देना है अगर दोस्तों इंटरनेट कनेक्ट है तो आपके यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा फिलहाल मेरे कंप्यूटर में जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल था तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड है हमारे पास हमने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो फिर ये इसको डाउनलोड करेगा और उसके साथ साथ इसको इंस्टॉल भी कर चुका होगा ठीक है तो इस तरीके से अगर मैं आपको आगे और बता दू अगर आप चाहते हैं तो पिप इंस्टॉल और आप लिख सकते हैं मैट प्लॉट लिप आप जानते हैं दोस्तों मैट प्लॉट लिप डॉट आई हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर थ्री के अंदर तो आप अगर उसको भी चाहें तो यहां पर देख सकते हैं उसको भी आप यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं ये भी मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल है अदरवाइज ये डाउनलोड होकर के इंस्टॉल हो चुका हो तो बहुत सिंपल है कुछ खास नहीं है बस आपको पिप लिखना है उसके बाद इंस्टॉल लिखना है और उसके बाद उस लाइब्रेरी का नाम लिख दीजिए जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो नेट से ऑटोमेटिक उसके लोकेशन पे जाकर उसकी फाइल को ये डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल भी कर देगा और फिर आप सीधे यूज कर सकते हैं अब यूज करने के लिए आपको क्या करना था मैंने आपको बताया था आप क्या लिखते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट देन पांडास क्योंकि आपको बार बार पांडास लिख करके उसके फंक्शन को यूज नहीं करना पड़ेगा फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर के इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए जो हमारे पास पांडाज है वो बेसिकली हमको तीन अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर देता है जिसमें हम मेन बात करते हैं दो को लेकर के फर्स्ट है आपके पास सीरीज दूसरा है डेटा फ्रेम जबकि एक और होता है हमारे पास पैनल ठीक है इस पैनल को हम लोग हमारे कोर्स में भी नहीं देख रहे हैं लेकिन हमारे सिलेबस में भी नहीं और ज़्यादातर इसको यूज़ किया ही नहीं जाता है तो ज़्यादातर यूज़ क्या होता है आपके पास या तो सीरीज या फिर डेटा फ्रेम अब सीरीज और डेटा फ्रेम है क्या पहले हम एक बार इसको थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं आपको इसको आगे और बताता हूँ देखिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ अपना पाइथन पाइथन शुरू कर लेता हूँ एक नई फाइल पे चले जाता हूँ कंट्रोल एन किया और दोस्तों इस फाइल को सेव कर लेता हूं, कुछ भी नाम से लाइक मैं इसको एक बार डेमो नाम से ही सेव कर लेता हूँ तो ये मेरी फाइल सेव हो गई अब इसमें करना क्या है सबसे पहले आपको जाके लिखना है इम्पोर्ट पांडास एस पी ये आप लिख देंगे अब पी लिखने से ये होता है कि आप पांडास की जो फंक्शन है उसको जब यूज करोगे तो बार बार पांडास डॉट आपको नहीं लिखना पड़ेगा एक फंक्शन है दोस्तों जिसका नाम है सीरीज ठीक है तो मैं यहाँ आकर लिख देता हूँ किसका है तो पी डी आप या तो पी लिखेंगे ऊपर तो यहाँ पी लिखना पड़ेगा आप अगर ऊपर केवल पी लिखेंगे तो दोस्तों नीचे भी पी लिखना पड़ेगा तो यहाँ आप जो भी लिखते हैं पी पी या और भी कुछ तो वो आपको यहां लिखना पड़ता है तो मैं लिख देता हूँ पीडी डॉट सीरीज ठीक है पी डॉट सीरीज फंक्शन के अंदर आपको पास करनी पड़ती है एक सिक्वेंस कोई भी सिक्वेंस आप यहाँ पास कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ एक लिस्ट बना करके पास कर आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऊपर कोई वेरिएबल भी बना सकते हैं अब देखिए मैं लिख देता हूं इसमें आठ नौ सात चार पांच छह बारह अट्ठारह कोई भी वैल्यू आप लिख दीजिए अब ये क्या है कि इसने की पी डी डॉट सीरीज फंक्शन ने इन सभी वैल्यूज की बेस पर एक सीरीज बना दी है अब सीरीज हम लोग स्टोर करना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ ओबीजे वन इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल का आप नाम ले सकते हैं ओबीजे वन इक्वल्स टू पीडीडोट सीरीज ठीक है और ये जो सीरीज आपकी बन गई है दोस्तों आप उसको क्या कर सकते हैं प्रिंट कर दे और आप उसका जो भी नाम लिख रहे जैसे मैं नाम लिख देता हूँ ओबीजे वन आप इसको सेव करें और सेव कर लेने के बाद आप एफ आई करेंगे आपका कोड रन हो जाएगा आप देखेंगे आपने जो भी सीरीज बनाई है वो आपके सामने आ चुकी है इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारे पास वनडी होता है वनडी का मतलब क्या हो गया इसके अंदर आप एक ही कॉलम आप मेंशन कर सकते हैं तो ये जो भी कॉलम है सपोज ये आपके पास में किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं या फिर उनकी एज है या सैलरी है या कॉन्टेक्ट नंबर है, है कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर कॉमन रख सकते एक टाइप का कॉलम हो गया और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स तो इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होते हैं और वो जहाँ तक भी आप लेकर के जाना चाहें जितनी वैल्यू डालेंगे वो इंडेक्स बढ़ते जाएंगे पहला इंडेक्स जीरो होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे लिस्ट में टपल में और आप स्ट्रिंग में भी देखते हैं ठीक है और ये जो आपने एक बेसिकली जो सीरीज बनाई है ठीक है तो ये अभी हमारी सीरीज बन गई है अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका इंडेक्स भी बदल सकते हैं इंडेक्स बदलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो मैंने डेटा लिखा है ठीक है इसको मैं एक बार यहाँ से कट कर देता हूँ ऊपर जाके लिख देता हूँ डेटा नाम की वेरिएबल और इसमें ये पास कर देता हूँ और यहां पर मैं जाके लिख देता हूँ डेटा ये आई थिंक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो डेटा है इस डेटा को हमने किसमें पास कर दिया है सीरीज के अंदर ये भी वापस वही सारा काम होगा हम यहां पर देखेंगे फिर से हमारा वही आउटपुट आ रहा है हमने यहाँ एक सीरीज बना दी है साथ साथ में दोस्तों अगर हम चाहे तो इसमें इंडेक्स भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स अभी बाय डिफॉल्ट जो हमारा इंडेक्स था वो क्या है जीरो वन टू थ्री ठीक है मैं एक काम करता हूँ ये थोड़ी सी वैल्यू हटा देता हूँ या मैं ये फोर वैल्यूज रख देता हूँ ठीक है एक बार मैं इंडेक्स अगर देखू मैं इसको भी एक बार हटा देता हूँ वापस से जाके लिख दूंगा आप देखेंगे चार वैल्यू आपके सामने है इस तरीके से और इसका इंडेक्स क्या है जीरो वन टू थ्री फोर इस तरीके से आपका आगे चलता जाता है लेकिन अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू और इसके अंदर आप जाकर के कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं जैसे मैं जाके लिख देता हूँ ए ठीक है उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ तो जितनी वैल्यूज है तो चार इंडेक्स आप लिखेंगे तो आप देखेंगे इस बार यहाँ आपके पास जीरो नहीं आके क्या हो गया डी इसमें आप कुछ भी मैंशन करना चाहें तो कर सकते हैं आप मार्च अप्रैल में जून कुछ भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं सपोज कि मेरे पास कुछ मंथ की मैंने कितनी कार भेजी है सपोज दोस्तों अप्रैल से शुरू करता हूँ मैंने अप्रैल में पंद्रह फिर सोलह फिर उन्नीस फिर अठारह फिर मैंने यहाँ पर फोटी वन कार ऐसे बेची है तो इसके इंडेक्स में हम लोग यहाँ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसके लिए एक वेरिएबल भी बना सकते हैं सपोज़ कि एक आ, लिख देता हूँ आई नाम के वेरिएबल तो आई डी एक्स इक्वल्स टू और यहाँ पर हम लोग वो सिक्वल्स पास कर देंगे जो भी आप देना चाहें इंडेक्स के लिए ठीक है तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ सपोज कि अप्रैल ठीक है आ, मैं जाके लिख देता हूँ अप्रैल हो जाएगा उसके बाद मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर मई हो जाएगा उसके बाद जाके लिख देता हूँ सपोज कि जून हो जाएगा और इसके बाद जाके लिख देता हूँ जुलाई ठीक है इस तरीके से मैं बेसिकली चार ही ले लेता हूँ तो इनको भी एक बार हटा देता हूँ ठीक है तो ये चार महीनों में मैंने जो सेल करी कुछ कार बेची तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं एक में मैंने क्या लिख दिया डेटा एक में लिख दिया मैंने इंडेक्स आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आई एक्स और डेटा पास किया और वो जो भी आपने इंडेक्स पास किया उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने क्या आ गया उसका एक इंडेक्स ठीक है तो इस तरीके से इंडेक्स है और ये है आपका एक्चुअल में आपका डेटा तो बाय डिफॉल्ट जीरो से शुरू होता है ये आपको समझ में आ गया होगा अब ये क्या है वन डी है वन डायमेंशनल अगर आप टू डायमेंशनल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर डेटा फ्रेम जैसे कि आप एक्सेल में काम करते हैं देखिए मैं आपको इसको भी साथ साथ में दिखा देता हूँ ठीक है मैं इसे पूरा हटा देता हूँ एक बार के लिए अब मैं दूसरा बनाने वाला हूँ डेटा फ्रेम तो डेटा फ्रेम का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जैसे मैं रख देता हूँ नियर ठीक है जैसे वो भी जीवन रखा है ऐसे फंक्शन का नाम है यहाँ पर आपके पास पी डी डॉट डेटा फ्रेम ठीक है इसको ध्यान रखना डेटा और फ्रेम इसके अंदर डी और एफ दोनों कैपिटल है इसमें आप अपना कोई भी जो भी डेटा डालना चाहे डाल दीजिए आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा डीएफ में और आप उसको प्रिंट करना चाहे तो कर सकते हैं अब डेटा मेरे को अभी मैंशन करना है ठीक है अब टूडी में हम लोग क्या डालेंगे तो टूडी के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी दो चार कॉलम्स हम लोग ले सकते हैं वो हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पर अब देखिए अलग अलग तरीकों से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ डेटा ठीक है डेटा इक्वल्स टू और मैं कल प्रोसेस लगा देता हूँ इसमें जाके लिख देता हूँ मैं सपोज की नेम नेम से पहले मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ रोल नंबर ठीक है ये एक रोल नंबर हो गया मेरे पास इसी तरीके से रोल नंबर के अंदर भी अगर आप देखें तो हम लोग यहाँ पास कर देते हैं एक ऑर्डर लिस्ट जिसके अंदर मैं सपोज वन जीरो वन ठीक है ऐसे लिख देता हूँ वन जीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री ऐसे कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ तीन स्टूडेंट्स की ले लेता हूँ ठीक है इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करें तो रोल नंबर के बाद में ले लेता हूँ यहाँ पर सपोज की नेम नेम में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं सपोज कि मैं लिख देता हूँ वंश ठीक है मैं लिख देता हूं, हूं यहाँ पर स्नेहा और मैं यहाँ रखे लिख देता हूँ वैभव ठीक है इस तरीके से मैंने तीन वैल्यूज इसमें भी मैंशन कर दी है अब देखिए इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूं क्लोज इसको एक तो मेरे को यहाँ स्टार्ट करना था इसको ठीक है इस तरीके से इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इसके अंदर मार्क्स भी डाल सकते हैं लाइफ में लिख देता हूं मार्क्स तो मार्क्स को भी मुझे किस में लेना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर इस तरीके से और जो भी मार्क्स मेरे पास है सपोज कि फर्स्ट के मार्क्स 98 उसके बाद 97 सेवन उसके बाद 94 ये इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया तो ये जो डेटा है जिसने क्या बना दिया आपके पास एक डिक्शनरी और इस डिक्शनरी को हम यहाँ पर पास कर देते हैं सिंपल सा काम किया दोस्तों रन करके देखते हैं आप देखेंगे यहाँ आपके पास ये रोल नंबर भी आ गया ये नेम भी आ गया ये मार्क्स भी आ गए सारी की सारी वैल्यूज भी आ गई और आगे आप देखेंगे ये जीरो वन टू थ्री जो रो है हमारे पास वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है वैसे ही जैसे हमने पहले भी देखा अगर हम यहाँ पर ये नहीं करते तो दोस्तों यहां पर ये जीरो वन टू ये यहाँ पर भी जीरो वन टू यानी कि कॉलम्स दिखाता है और रो में भी जीरो वन टू थ्री इस तरीके से आपको डिस्प्ले करता है अब देखिए करने के तरीके आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा में ये मैंशन किया है ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर ठीक है जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं मैं यहाँ पर कुछ डेटा ले लेता हूँ जैसे कि एस स्टूडेंट वन का डेटा ले जाओ ठीक है ऐसे में यहाँ पर एस टी टू स्टूडेंट टू का डेटा लेना चाह रहा हूँ स्टूडेंट थ्री का डेटा लेना चाह रहा हूँ सपोज मेरे पास है और फिर आप डेटा इक्वल्स टू एक और लिस्ट बना सकते हैं जिसमें लिख सकते हैं एस टी वन ठीक है इसी टाइप से आप लिख सकते हैं एस टी टू और फिर आप लिख सकते हैं एस टी थ्री इस तरीके से आप स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री का डेटा पास कर सकते हैं अब इसमें है क्या तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सपोज की वन जीरो वन किसी का रोल नंबर था किसी का नाम है सपोज़ की मैं नाम लिख देता हूँ वो योगेश ठीक है और उसके जो मार्क्स थे वो सपोज नाइन्टी सेवन इसी तरीके से सेम इसमें भी वन जीरो टू और फिर इसमें जाके मैं लिख देता हूँ सपोज कि किसी का नाम था तुषार और उसके जो मार्क्स थे नाइनटी सिक्स और ऐसे ही वन जीरो थ्री जिसके अंदर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ नाम सपोज कि रोहित और रोहित जो है उसके मार्क्स में ऐसे ही मैंशन कर देता हूँ तो ये तीनों डेटा एस टी वन एस टी टू एस टी थ्री इसमें जा रहा है और ये लिस्ट हम लोग वापस इस लिस्ट में डाल देंगे तब क्या हो जाएगा आपके पास तीन कॉलम आ जाएंगे डेटा में और फिर वो डेटा आपने पास कर दे डेटा फ्रेम में तो तो इसको भी अगर आप रन करके देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है ठीक है इसका एक इशू हुआ नॉट डिफाइंड तो नहीं कह रहे तो यार देखिए हमने क्या लिखा है एस ठीक है और इसमें आपके पास फिर से आ रहा है एस तो मैं इसको एक बार स्मॉल और कैपिटल का इशू तो नहीं है बस ये देख लेता हूँ ठीक है तो यहाँ अच्छा इसमें जाकर के मेरे को क्या करना था एक छोटा सा काम बस ये वाला ठीक है क्योंकि मेरे को असाइन करना था मैं इसको सेव करके रन कर लेता हूँ आप देखेंगे हमारा डेटा आ चुका है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपसे कहा था कि पहली वैल्यू आपके पास जो कॉलम है वो जीरो देन, वन देन टू ऐसे भी चलेगा और ऐसे भी चलेगा रो और कॉलम दोनों ही जीरो वन टू थ्री है अगर आपको लगता है कि आपको उसके कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है तो जैसे आपने सीरीज के साथ किया था सीरीज में आपने क्या लगाया था वहां पर इंडेक्स ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं कॉलम्स ठीक है तो कॉलम इक्वल्स टू और फिर आप यहाँ पर पास कर सकते हैं जो भी आपका डेटा होता है जैसे कि मैं सबसे पहले डालना चाह रहा था रोल नंबर ये मेरा पहले क्या है रोल नंबर है उसके बाद है मेरे पास नेम और उसके बाद है मेरे पास मार्क्स तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप रन करके देखेंगे तो अभी यहाँ पर जो जीरो वन टू थ्री रहा था उसके कॉलम्स आपने स्पेसिफाई कर दिए अब दोस्तों ये सीरीज है, या आपका जो डेटा फ्रेम है इस पे हमको क्या काम करना है ये है सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहले तो ये समझ में आ गया होगा सीरीज और डेटा फ्रेम आखिर होते क्या है प्रैक्टिकली आपने थोड़ा देख लिया तो क्या है कि सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं ये समझ में आ गया होगा सीरीज और डेटा फ्रेम क्या है अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमको ये स्टार्टिंग में समझना क्या के आखिर सीरीज है क्या डेटा फ्रेम है क्या फिर हम उसके ऊपर दूसरे काम करेंगे तो सीरीज दोस्तों ये आप एक इमेज सकते है। इस इमेज के एक इंडेक्स, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आपके पास न्यूमेरिक होता है ठीक है जीरो वन टू थ्री आप चाहे तो लेबल चेंज कर सकते हैं उसके लिए आप कोई भी आप पास करना चाहे कर सकते हैं और जो हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर डेटा फ्रेम होता है वो होता है टू डी बाय डिफॉल्ट आपके पास जीरो वन टू थ्री होता है मैंने आपको अभी कॉलम्स नाम के एट्रीब्यूट के साथ में चेंजेस करके भी दिखा देते हैं हम इनको भी बदल सकते हैं दोस्तों हम इनको भी बदल सकते हैं कैसे बदलते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ एक इंट्रोडक्शन चल रहा था अभी सिर्फ इसलिए तो सीरीज और डेटा फ्रेम क्या है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब बात करते हैं सीरीज होती क्या है तो दोस्तों सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल डेरे ठीक है वन डायमेंशनल क्यों है हमने अभी देखा था कि हमारे पास क्या होता है केवल एक कॉलम होता है एक सिंगल कॉलम है तो वन डायमेंशनल है वन डी है हमारे पास ठीक है पेबल ऑफ होल्डिंग एनी टाइप्स डेटा किसी भी टाइप का डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं चाहे वो इंटीजर हो स्ट्रिंग हो फ्लोटिंग पॉइंट हो कोई भी टाइप का डेटा हो उसको ये स्टोर कर सकता है उसके बाद हम बात करेंगे ईच एलिमेंट इन सीरीज हैज एन एसोसिएट लेबल इसका एक एसोसिएट लेबल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं इंडेक्स ठीक है इट इज सिमिलर टू अ कॉलम इन एक्सल जैसे कॉलम आप देखते हो एक्सेल के अंदर यहां हमारे पास क्या होता है इस तरीके से कुछ आ, रो और कॉलम्स होते हैं तो यहाँ हमारे पास ये रो चल रही है जीरो वन टू थ्री और ये हमारा एक सिंगल कॉलम है जिसके ऊपर ए लिखा होता है ठीक है यहाँ हालांकि वो नंबर वन टू थ्री से होता है बट इसकी इंडेक्सिंग जीरो से होती है इसी तरीके से इसका एक एग्जाम्पल है जैसे आप लिख सकते हैं इम्पोर्ट पांडा स्पीडी फिर आप इसके अंदर कोई भी एक सिग्वेल्स पास कर सकते हैं और उसको आप प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से उसका आपको आउटपुट देखने को मिलता है जो मैं आपको दिखा भी चुका था इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट है डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम क्या होता है ये आपके पास टू डायमेंशनल होता है जैसे कि आपके पास नेम है आपके पास क्लास है इसी टाइप से अभी हमने देखा था यहाँ पर मार्क्स भी तो अलग अलग टाइप के मार्क्स आप ले रहे थे तो ये क्या हो गया हमारे पास टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है ठीक है तो डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर विथ कॉलम्स इसमें अलग अलग कॉलम्स आपके पास होते हैं विच कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप्स इसमें आप अलग अलग डेटा टाइप ले सकते हैं जैसे कि आपने इसमें स्ट्रिंग ले लिया इसमें आपने न्यूमेरिक ले लिया तो कोई और भी टाइप अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं ठीक है इसी तरीके से अगर बात करें बिल्कुल आपको टेबल की तरह दिखाई देता है एक एक्सेल के अंदर ठीक है कॉलम इज अ सीरीज ये अपने आप में एक सीरीज है ये भी अपने आप में एक सीरीज है ऐसे हो सकता है आपने मार्क्स डाल रखे हो और भी कुछ है तो सब अपने आप में एक सीरीज है इट मीनस ए कलेक्शन ऑफ सीरीज हो गया आपके पास इसको कैसे बनाते हैं तो हम देख सकते हैं डेटा जिसमें नेम लिखे हैं सपोज स्नेहा वंश भव्या और क्लास मैंशन करती है ट्वेल्थ इलेवन ट और ये डेटा फ्रेम नाम के फंक्शन में हमने ये वाला डेटा प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पर जिससे आप देखेंगे जैसे इसको प्रिंट करके देखेंगे आपके सामने ऐसा एक आउटपुट देखने को मिल जाएगा ठीक है हमने इसको भी देख लिया प्रैक्टिकली प्रैक्टिकलीवेन आपको बता दिया है इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास में सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंस क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों जान लेना हमारे लिए सबसे पहले डायमेंशनली अगर बात करें तो ये वन डे होता है सीरीज जबकि ये हमारे पास क्या है टू होता है इसी तरीके से स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सिंगल कॉलम है ऑब्वियसली जब वन डे है तो फिर ये भी आपके पास सिंगल कॉलम पे ही काम करेगा तो सिंगल कॉलम ऑफ डेटा विद एन इंडेक्स जबकि ये क्या है मल्टीपल कॉलम्स पे काम करता है इज एंड कॉमन इंडेक्सेस तो इन सभी के कॉलम्स उन सभी के लेबल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं डेटा टाइप की बात करें तो कैन होल्ड डेटा ऑफ एनी टाइप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है इन अ सिंगल कॉलम एक कॉलम के अंदर जबकि ये क्या है कि मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है ऐसी अगर हम बात करें साइज को लेकर के तो ये कह सकते हैं रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कॉलम इसमें एक ही कॉलम आपके पास होता है लगभग स्ट्रक्चर में भी देखेंगे डायमेंशन में भी देखेंगे साइज में भी वही देखेंगे कॉलम होता है जबकि रिप्रेजेंट्स अ टेबल विद रोज एंड कॉलम्स इसमें आपके पास बहुत सारे कॉलम और बहुत सारी रोज हो सकती है डीडा फ्रेम में क्योंकि ये अपने आप में क्या है आपके पास टू डायमेंशनल है इंडेक्स की बात करें तो आपके पास एक सिंगल इंडेक्स होता है इसके अंदर एक सिंगल एक्सिस के ऊपर जबकि यहाँ पर टू एक्सेस होते हैं आपके पास जीरो तो हम बात करें तो हमारे पास आता creation. Creation है क्रिएशन क्रिएशन कैसे होता है इसमें लिखते हैं पीडीडॉट सीरीज जबकि इसमें लिखते हैं हम लोग पीडीडॉट डेटा फ्रेम इसी टाइप से अगर हम बात करें यूज केस को लेकर के तो ये जो है वो एक सिंगल कॉलम के लिए और एक सिंगल वेरिएबल के लिए बहुत ज्यादा ईजी रहेगा सुटेबल रहेगा जबकि अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स या फिर मल्टीपल डेटा सेट्स है तो आप यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम को एक सिंगल कॉलम है तो आप यहाँ सीरीज को यूज करेंगे मल्टीपल कॉलम्स हैं तो फिर आप यहाँ पर डेटा फ्रेम को यूज करेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट को लेकर के बात करें तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो भी सीरीज है और उसके बाद उसके ब्रैकेट में आप मैंशन कर सकते हैं ठीक है जो भी आपको डिस्प्ले कराना है ऐसे यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप आई एल ओ सी यानी कि आप यहाँ पर इंटीजर लोकेशन बता सकते हैं या केवल लोकेशन बता सकते हैं लोकेशन में आप कॉलम का नाम और रो का नंबर बता सकते हैं जो भी आपने रखा है लेबल और, पर तो one, two, three, और, और यहाँ पर आप केवल उसकी वैल्यूज बता सकते हैं एग्जाम्पल देखें तो पीडी डॉट सीरीज हो गया एग्जाम्पल हो गया जैसे और यानी कि हम यहां पर डिक्शनरी को पास करके यहाँ पर अपना एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं इसी तरीके से दोस्तों लास्ट है अपने पास म्यूटेबिलिटी म्यूटेबिलिटी में क्या हो जाएगा कि इसकी जो साइज है वो म्यूटेबल है इसका मतलब है कि एक बार अगर आपने सीरीज बना दी जिसके अंदर आपने तीन एलिमेंट स्टोर कर दिए ठीक है थीके? अब साइज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज अगर आपने दोस्तों इसके तीन दिया आप चाहते, एक और इसके करना नहीं कर सकते नई एक्स तो नाम की, की, एक एक की बनेगी और उसके अंदर वो चार बनेंगे इसका मतलब है इंटरनली वो इसको छोड़ करके एक नई वेरिएबल बनाएगा, एक बनाएगा और फिर उसके अंदर वो डेटा स्टोर करेगा तो लिखा इफ यू वॉन्ट टू एड और ड्रॉप एन एलिमेंट इंटरनलीजेक्ट विल भी क्रिएटेड जबकि यहां पर साइज म्यूटेबल है साइज बदल सकते इम्यूटेबल जिसमें बदल नहीं सकते जबकि म्यूटेबल मतलब क्या है जिसमें आप बदल सकते तो यहां पर आप एड ड्रॉप ये सब कुछ एग्जाम्पल जो है हम लोग इसको आगे देखने भी वाले हैं ये क्लियर हो गया होगा सीरीज और डेटा फ्रेम आपके पास क्या होता है इसी टाइप से दोस्तों हम बात कर लेते हैं पांडाज पांडाजी क्यों हम लोग यूज करें तो पांडास जो है वो वाइडली यूज होता है डेटा साइंस के अंदर डेटा एनालिसिस के लिए बिकॉज इट ऑफर्स पावरफुल फ्लेक्सीबल एंड ईजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर ठीक है इसको इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है कितना ईजी था सीरीज बनाना कितना है, यहाँ पर ईजी था हमारे पास डेटा फ्रेम बनाना तो बहुत सारे रीजनस हैं पहले अगर रीजन की बात करें तो इफेक्टिव डेटा मैनिपुलेशन आप यहाँ पर बहुत अच्छे से यानी कि बहुत सारा अगर आपके पास डेटा है एक लार्ज डेटा सेट को बहुत इजी तरीके से इफेक्टिव वे में आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अनेबलिंग ऑपरेशन लाइक फिल्टरिंग आप बहुत आसानी से फिल्टर कर सकते हैं सॉर्टिंग कर सकते हैं ग्रुपिंग कर सकते हैं मर्जिंग कर सकते हैं तो ये सारे टॉपिक मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ ठीक है ये बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए और बहुत कॉमन काम है तो इसको हम लोग आगे एक बार देखते हैं फिर आपके पास इसका डेटा स्ट्रक्चर आप पाइथन के अंदर पाइथन के पांडास में आप सीरीज भी बना सकते हो और क्योंकि सीरीज वनडी है और आप इसमें टू डायमेंशनल यानी कि डेटा फ्रेम भी आप क्रिएट कर सकते हो तो इसमें काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है अगर एक कॉम्प्लेक्स डेटा भी है अगर आपके पास तो भी उसमें काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा हैंडलिंग मिसिंग डेटा अगर हमारे पास कुछ मिसिंग डेटा है मिसिंग डेटा का मतलब क्या है कि सपोज एक कॉलम है ठीक है इस तरीके से इसका ये डेटा हमारे पास पड़ा है ये डेटा है लेकिन बीच का डेटा हमारे पास नहीं है ऐसे यहाँ पर डेटा नहीं है और यहाँ यहाँ डेटा है तो ये मिसिंग डेटा है इसका मतलब एम्प्टी डेटा है तो एम्प्टी डेटा को कैसे आप मैनेज करेंगे कैसे आप उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं कैसे आप उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करना चाहे तो कर सकते हैं इसका मतलब रिमूव करना मिसिंग डेटा को फिल करना मिसिंग डेटा को स्पेसिफाइड वैल्यूज के साथ ये सारा काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है हमारे पास पांडाज में तो ये हम आगे देखेंगे जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर टू में ये सारी चीजें होने वाली है इसी टाइप से हमारे पास इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज आप पांडास को यूज करने के साथ साथ दोस्तों नंपाई को भी यूज कर सकते हैं एससीबॉन को यूज कर सकते हैं मैट प्लॉट को भी यूज कर सकते हैं

हमारा चैप्टर नंबर फोर है दोस्तों उसमें हम बात करेंगे सी को लेकर के एक्सेल को लेकर के ऐसे ही जेसन या एक्टाबेस से भी हम डेटा को ले सकते हैं रीड और राइट कर सकते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ आई होप दोस्तों सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होंगी तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है यहाँ पर कि जो डेटा हमारा होता है ठीक है उसको बहुत ईजी से हम लोग रेंगल कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ उसको क्लीन कर सकते हैं तो हमारे पास क्लीन या रीशेप या ट्रांसफॉर्म करना है किसी डेटा को तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिसको मैं आपको आगे बताता हूँ ग्रुपिंग और एग्रीकेशन कर सकते हैं जिसके लिए आपके पास अगर एक डेटा फ्रेम में बहुत सारा डेटा मान के चलता हूँ सैलरीज है कुछ आ, हमारे पास डेटा फ्रेम में कॉलम है सैलरी उसमें बहुत सारे लोगों की सैलरी है तो हम उस सम करना चाहते हैं उसका एवरेज यानी कि मीन करना करना चाह चाह रहे रहे हैं हैं हम काउंट करना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम लोग अप्लाई करा सकते हैं साथ में हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं तो ग्रुपिंग हमारे चैप्टर नंबर टू का लास्ट टॉपिक होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है वो ग्रुप कर सकते हैं जैसे कि क्लास नाइन्थ का डेटा क्लास टेंथ का डेटा क्लास इलेवेंथ का डेटा सेपरेट सेपरेट करके फिर उसके ऊपर अगर हम चाहें तो सम करना जैसे कि आप आ, कह सकते हैं कि सब टोटल जिस तरीके से होती है तो वो सारे काम हम लोग कैसे वो हम चैप्टर नंबर टू में डिस्कस करते हैं इसी टाइप से विजुलाइजेशन सपोर्ट है मैंने आपसे भी कहा भी था कि आप यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग टाइप के प्लॉट या ग्राफ या चार्ट आप बना सकते हैं तो ये हम चैप्टर नंबर थ्री में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली आई होप दोस्तों सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी आप तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीरीज डेटा स्ट्रक्चर आखिर है क्या किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं अभी तक हम लोग देख चुके हैं सीरीज और डेटा फ्रेम बनाते कैसे लेकिन दोस्तों उसको बनाने के लिए बहुत सारे और भी आपके पास अलग अलग तरीके हैं इसके साथ साथ एक असाइनमेंट भी हम लोग देखने वाले और एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा जो आप मुझे बना करके देने वाले हैं इसका मतलब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में अगर आई है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जो आप मुझे बना करके बताएंगे अगर आपका बन गया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा आप चाहे तो कोड एज इट इज भी टाइप कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर आखिर है क्या तो हम जानते हैं हमने बात कर रखी है कि सीरीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है पंडरस का और ये हमारे पास वन डायमेंशनल एक एरे होता है जिसमें मैंने आपको भी बताया था कि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू जैसे कि सेवन है एट है नाइन है फाइव है कुछ भी लिख सकते हैं इसका एक इंडेक्स होगा जो कि जीरो वन टू थ्री है और ये इंडेक्स जो होता है वो हम लोग बदल भी सकते हैं ठीक है ठीके? तो हम बात कर सकते हैं क्या हो गया कि सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज टू मेन कॉम्पोनेंट क्या क्या है एक तो Array of data, वो जो आपका data है, और बेसिकली तो तो बोल सकते है डेटा लेबल भी बोल सकते है डेटा लेबल जो की हम लोग एक लेबल देख करके बताते हैं तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको आईडिय दिखा देता हूँ यहाँ पर हम लोग एक नई फाइल बना देते हैं और इसमें जाकर के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज की इम्पोर्ट As PD, इसको आप अच्छे से जानते हैं हमने पहले भी देखा है इसके बाद मेरे को क्या लिखना है पीडीडोट सीरीज ठीक है तो इस तरीके से मैं एक फंक्शन यूज करूंगा पीडीडोट सीरीजी जो है वो Pandas का ही पार्ट है और इसके आप अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं जो भी आप चाहे ठीक है इस तरीके से जितने भी वैल्यूज आप चाहे अब ये सीरीज जो बना है आप उसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल के अंदर जैसे कि मैंने ओबीजे में ले लिया है और इसको आपको प्रिंट करके देखना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं अपने ओबीजे जो भी आपने वेरिएबल दी अपने ऑब्जेक्ट बस ये इतना सा काम का एक सीरीज बना देंगे इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं इसका नाम कर देता हूँ सब उसकी डेमो ठीक है ये हम पहले भी देख चुके हैं तो इसी नाम से इसको फिर से अपडेट कर देता हूँ और रिफ्रेश करके आप देखेंगे आपके पास ये तो रहा आपका एक्चुअल डेटा जो कि नाइन एट सेवन फोर जो भी आपकी वैल्यूज हैं और ये रहा उसका इंडेक्स ठीक है और इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ है इंडिजर टाइप का ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा वापस आ जाते हैं यहीं पर तो सीरीज क्या हो गया सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट है टू मेन पहला क्या है एक्चुअल डेटा और दूसरा क्या आपके पास में इंडेक्स ये आपका न्यूमेरिक इंडेक्स भी हो सकता है जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ये न्यूमेरिक डेटा है और अगर आप चाहें तो इसमें लेबल डेटा यानी कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कस्टमाइज कैसे करते हैं तो मैं आपको बता भी चुका था आपको इसके अंदर जाके क्या लिख देना बस एक बार सिंपल सा इंडेक्स इक्वल्स टू इसके अंदर आप जो भी लिख देंगे जैसे कि मैं लिख देता हूँ ए ठीक है मैं लिख देता हूँ बी इसी टाइप से मैं लिख देता हूँ सी इसी टाइप से मैं लिख देता हूँ डी और मैं लिख देता हूँ ई तो ये आपके जितने भी डेटा है बेसिकली छह डेटा है तो मैं इसको कर देता हूँ पांच अपन पांच ही रहे हैं ए बी सी डी ई के हिसाब से आप इसको सेव करें रन करके देखेंगे इस बार आपको यहाँ पर ये जो जीरो वन टू थ्री दिखा रहा था उसकी जगह क्या दिखा रहा है आपको ए बी सी डी ई तो ये एक हो गया न्यूमेरिक डेटा था आपके पास में जो भी हम डिस्कस कर रहे थे और दूसरा आपके पास है डेटर लेबल कहते हैं लेबल इंडेक्स भी कह सकते हैं यूजर डिफाइंड आपके पास इसके इंडेक्सेज या लेबल्स हो सकते हैं जो भी आप रखना चाहें अब इसमें अगर हम बात करें कि बोथ कॉम्पोनेट्स आर वन डायमेंशनल ये दोनों क्या होते हैं आपके पास वन डायमेंशनल है ठीक है एरे विद द सेम लेंथ यहाँ पर आप अगर चार एलिमेंट डाले तो इसमें भी आपको चार डेटा ही डालना पड़ेगा यानी कि इंडेक्स और डेटा की जो लेंथ है वो आपके पास सेम होनी चाहिए द इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा वैल्यू ये इंडेक्स हम लोग क्यों बना रहे हैं जैसे कि अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा डेटा जो भी है आपके पास इसका एक नाम होगा सपोज इसका नाम है आपके पास में ओबीजे तो मैं लिख दूंगा ओबीजे ऑफ टू तो इससे मुझे ये वाला डेटा दे देगा मैं लिखता हूँ यहाँ पर सपोज इसका भी नाम ओबीजे मैं लिखता हूँ फेबर तो मुझे ये डेटा दिखा देगा सपोज ये लिखता हूँ बी तो मुझे एडी टू दिखा देगा बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं भी दिखा देता हूँ एक बार मैं पहले पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देता हूं और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जाके लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर जो मेरा ओबीजे है उसका मुझे कौन सा डेटा डिस्प्ले कराना है वो मुझे इसके अंदर बताना पड़ेगा तो दोस्तों ए बी सी डी ई के अंदर से सपोज मैं डी लिख देता हूँ आप इस कोड को एक बार फिर से रन करके देखेंगे तो हमारे पास में क्या आ गया फोर ठीक है तो ए बी सी डी डी के अंदर क्या अपने पास फोर है इसलिए आपको क्या दिखा रहा है फोर इन केस अगर आप यहां पर डी की जगह जाके लिखना चाहते हैं बी तो बी का डेटा आपके पास है एट वो आपको ये डिस्प्ले कर देगा ठीक है तो लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके थ्रू आप उसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो एक्सेस कर सकते ये भी आपको समझ में आ गया होगा आगे वैसे मैं आपको भी सीरीज भी बताऊंगा तो आप सीरीज को भी यूज कर सकते हैं वो आपको मैं आगे बताता ये आपको समझ में आ गया होगा अगर अपन बात करें वह न्यूमेरिक इंडेक्सेस कैन कह सकते हैं कि डिपिक्टेड ऑफ द डेटा इन द ऑब्जेक्ट ठीक है अगर आप देखें तो यहाँ जीरो वन टू थ्री इस तरीके से आपका आगे चलता है इसको अपन पोजिशनल इंडेक्स कहते हैं और लेबल इंडेक्स जो है वो यूजर डिफाइंड लेबल होते हैं जो हम देते हैं तो ये क्या है क्या हो गया आपके पास इंडेक्सेस हो गए जनरली अगर अपन कहते न्यूमेरिक इंडेक्स है जबकि ये जो इंडेक्सेस है वो क्या है यूजर डिफाइंड ए बी सी जनवरी फरवरी आपको जो भी दे रहा है आप दे सकते हैं इसी टाइप से हम सीरीज कैसे बनाते हैं तो दोस्तों सीरीज बनाने के लिए हमको पांडा लाइब्रेरी का एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसका नाम क्या है सीरीज सीरीज में एस कैपिटल आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है इसी तरीके से अगर आप सीरीज यूज करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अपने पांडास को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा साथ साथ में अगर जरूरत पड़े तो आप नंबाई को भी कर सकते हैं हर बार जरूरी नहीं इसको जरूरत पड़े तो ही आप इसको इंपोर्ट करें ठीक है अगर आप कोई काम करें नम्पाई से रिलेटेड तब तो आप नम्पाई को इम्पोर्ट कर दें अदरवाइज आप दोस्तों यहाँ पर किसको इम्पोर्ट करेंगे पांडास को जैसा अभी हमने देखा अब जब सीरीज बनाते हैं तो आप यहाँ एम टी भी बना सकते हो नॉन एम टी भी बना सकते एम टी का मतलब क्या होगा बिल्कुल खाली है सीरीज में कुछ है ही नहीं और नॉन एम टी का मतलब क्या उसमें कुछ है किसी भी टाइप की वैल्यू है तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं पहले बात करते हैं एम टी सीरीज कैसे बनाते हैं अब देखिए बुक के अंदर क्या है कि सीधा आपके पास लिखा होगा कि पांडास डॉट सीरीज अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो भी यह आपका चल जाएगा जैसे लिस्ट में लिखा है पीरीडोट सीरीज सेम एग्जाम्पल है अगर आपने इसके अंदर टाइप नहीं बताया है तो पहले तो चल जाता था लेकिन अब आपको उसके अंदर उसका टाइप भी बताना होता है तो अगर आप एक एम टी भी बना रहे तो दोस्तों उसके अंदर आपको जाके लिखना पड़ेगा डी टाइप इक्वल्स टू एक डी टाइप मतलब डीटा का टाइप है किस टाइप का होगा एन टी जबल उसमें वैल्यू नहीं है कोई दूसरा टाइप भी लेना चाहे तो ले सकते हैं आप फ्लोट वगैरह कुछ भी लेकिन अगर आपको एम बनाना है तो आपको उसके अंदर उसका टाइप जरूर स्पेसिफाई करना पड़ेगा ठीक है तो टू क्रिएट एन एम ऑब्जेक्ट देखिए दैट हैविंग नो वैल्यू यू कैन जस्ट यूज द सीरीज फंक्शन लेकिन में आपको डेटा टाइप जरूर पास करना पड़ेगा इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहला एस है वो आपका अपर केस में होगा ठीक है और इसका आपका जो आउटपुट है वो आपका इस तरीके से आपका आने वाला है तो इसको हम लोग देख चुके हैं इसलिए मैं कुछ चीजें आपके लिए स्किप कर दू इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास वो है, कैसे बनाना है? मतलब कुछ भी वैल्यू आप उसमें पास करेगी तो नॉन एम बनाने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट फॉर डेटा एंड इंडेस आप इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करेंगे कौन कौन सी कर सकते हैं आप इसके अंदर जो सीरीज के लिए क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम पाइथन सिक्वेंस आप कोई भी आप सिक्वेंस ले सकते हैं इस सीक्वेंस के लिए हो सकता है कि आप एक फंक्शन यूज करना चाहें तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं रेंज ठीक है आप अरेज फंक्शन यूज कर सकते हैं जो नम्पाई का है आप लिस्ट बना करके डेटा पास कर सकते हैं आप टपल के थ्रू डेटा पास कर सकते हैं आप डिक्शनरी बना करके पास कर सकते हैं आप स्केलर वैल्यू एक ही वैल्यू को आप मल्टीपल टाइम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं आप नम टाइम नम पाई का एरे बना सकते हैं आप अपने इंडेक्सेस जो है वो खुद कस्टमाइज कर सकते हैं जो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी और अगर आपका कोई डेटा फ्रेम बना हुआ है तो उसका भी अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉलम अगर आप लेना चाहें सीरीज में तो वो भी आप कर सकते इसको मैं आपको आगे भी बताता हूँ अब देखें तो so, आप पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं रेंज जिसमें आप कुछ वैल्यू डाल रहे हैं और इसके बेस पर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं तो मैं भी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ अब आ, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ इसको हटा देता हूँ आप चाहें तो दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं एक तो क्या है कि मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम है डेटा ठीक है और डेटा इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ एक फंक्शन होता है रेंज पाइथन के अंदर हम जानते हैं और इसमें रेंज में लेना चाहता हूँ जैसे कि पांच से लेकर के पचास तक ठीक है और उसके अंदर में जो स्पेस कह सकते हैं कि पांच से पचास तक तो है लेकिन आपको उसके स्टेप यानी कि गैप कितने का चाहिए पहले पाँच उसके बाद दस उसके बाद पंद्रह उसके बाद बीस इस तरीके से और फिर या आप यहाँ पर डेटा अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं मैं इसको सेव करके रन कर देता हूँ ठीक है इस तरीके से बन जाएगा और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्रिंट और जो भी हमारी वेरिएबल का नाम है जैसे कि ओबी तो आप देखेंगे पाँच से पचास तक लेकिन पचास को एक्सक्लूड करता हम जानते हैं रेंज के अंदर जो है वो वैसे बेसिकली जो नंबर आप बोलते हैं वो स्टॉप होता है तो यहां पर 45 तक दिखाएगा लेकिन अगर गलती से भी आपने इसको 50 की जगह 51 कर दिया ठीक है तो ये आपको 50 तक चला देगा अगर 50 तक चाहते है तो ये एक आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ठीक है इस तरीके से आपके इंडेक्सेस आ जाएंगे अगर आप चाहे तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि तीन से लेकर के आपको दस तक चाहिए अगर आप नेक्स्ट वैल्यू नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिक एक एक से ही आगे बढ़ेगा तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस इस तरीके से अगर आप चाहें तीन से लेकर के आप यहाँ पर इकतीस और तीन कर सकते हैं तो आपके पास तीन की टेबल जो भी है वो एक रेंज आपके पास आएगी जो आप सीरीज फंक्शन को पास कर रहे हो तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो रेंज आई थिंक दोस्तों रेंज आपको समझ में आ गई होगी ऐसे ही आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपके पास आप एक लिस्ट पास कर सकते हो जिसमें आपने कोई भी डेटा पास किया लाइक टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी कुछ भी तो मैं इसके अंदर ऐसा ही कर देता हूँ रेंज फंक्शन हटाने के बाद मैं इसके अंदर जाकर के पास कर देता हूँ एक लिस्ट और इसमें आपको जो भी लिखना है जैसे दस बीस तीस चालीस पचास ठीक है ऐसे कुछ भी आप पास करना चाहें आप देखेंगे आपके पास टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इस टाइप से आपके पास वैल्यू आ चुकी है ये भी समझ में आगे होगा आप अगर एक डिक्शनरी बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं डिक्शनरी के लिए आप किसी भी टाइप की डिक्शनरी ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी लेता हूँ डी डी इक्वल्स टू और इसके अंदर अपन ले सकते हैं जैसे कि मैं लिख देता हूँ मैथ्स ठीक है मैं लिख देता हूं मैथ्स अब मैथ्स के अंदर मार्क्स आ गए सपोज नाइन इसी टाइप से मैं लेना चाह रहा हूं इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश के अंदर मेरे पास जो मार्क्स आ रहे हैं सपोज कि वो सपोजे नाइनटी सेवन इसी टाइप से मैं इसके अंदर जाके लेना चाह रहा हूं मैथ्स आ गया इंग्लिश आ गया और मैं इसमें साइंस भी ले देता हूं तो साइंस के अंदर जो मार्क्स आ गए वो सपोज अपने पास आ चुके हैं नाइन्टी फोर लेता हूं अब ये जो डिक्शनरी बनाई है डी जो भी आप नाम देना चाहें वो मैं इसके अंदर पास कर दूसरी रन करके देखेंगे तो इसमें इंडेक्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आपने डाल दिया है जो भी की आपकी होती है डिक्शनरी की वो सारी के सारी आपके पास इंडेक्सेस हो जाती है जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे मैथ्स है इंग्लिश है साइंसेस ये क्वेश्चन आपको मैं आगे असाइनमेंट में बताऊंगा तो तब मैं आपको कह दूंगा ये मैंने आपको करा दिया है ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा सेम टू सेम एग्जाम्पल मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ इसी टाइप से अगर हम यहाँ देखें तो इसमें क्या है हमने टेन ट्वेंटी थर्टी जो पास किया उसके लिए क्या यूज़ कर लिया ए बी और सी बस हिंदी इंग्लिश मैथ्स की जगह ठीक है इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास स्केलर वैल्यू स्केलर वैल्यू में क्या है कि हमने एक नंबर बता दिया ए बी सी डी सबके पास हुई जैसे फाइव है फाइव है फाइव है और फाइव है ये किस में जा रहा है ए में बी में सी और डी सभी के अंदर सेम जा रहा है अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम भी करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों एक स्केलर वैल्यू यहाँ पर पास कर देते हो जैसे कि मुझे भेजना है टू ठीक है आपके बुक में क्वेश्चन भी होगा Uh, आप वैल्यूज़ पे भी डाल सकते हैं जैसे कि सपोज़ पचास हज़ार रुपये है और ये अलग अलग क्वार्टर वाइज दिया जा रहा है तो इसमें जा करके मैं लिख देता हूँ एक तो आपके पास ये हो गया जैसे हमने इसमें लिखा है और दूसरा हमारे पास है इसमें हम जाकर लिख सकते हैं इंडेक्स ठीक है और इंडेक्स इक्वल्स टू इसमें आप पास कर सकते हैं जैसे हमारे बुक के क्वेश्चन के अंदर अंदर है क्यू टी आर वन या क्यू टी वन कर देता हूँ मैं क्वार्टर वन है बेसिकली ठीक है क्वार्टर क्वाटर वन हो गया इसमें सेम वैल्यू जाएगी ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वार्टर टू है इसमें भी सेम वैल्यू जाएगी ऐसी हमारे पास क्वार्टर थ्री है इसमें भी सेम जाएगी ऐसी हमारे पास क्वार्टर फोर है इसमें भी सेम जाएगी और आप जितने भी चाहे उतना हैं क्वार्टर बता सकते क्यूटीआर वन क्यूटीआर टू क्यू टीआर थ्री क्यू टीआर फोर ये हमारे इंडेक्सेस बन जाएंगे और सभी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पचास हजार आप इसको रन करके देखेंगे सभी में पचास हजार हो गई और हमारे पास क्यू टी आर नाम के क्यूटीआर वन टू थ्री फोर ये इंडेक्सेस हो चुके हैं ठीक है ऐसे ही इसमें हमने क्या करें पांच डाल दिया ए बी सी डी तो मैं इन सभी को हटा करके इसमें क्या लिख देता हूँ सपोज की ए ठीक है फिर मैं लिख देता हूँ बी फिर मैं लिख देता हूँ सी और फिर मैं लिख देता हूँ डी और इन सभी की जो वैल्यूज है वो क्या है पांच तो मैं इसमें कर देता हूं पांच आप देखेंगे पांच लिख करके चलाएंगे तो सब में पांच आ जाएगा अगर आप इसमें जाकर के साथ लिखेंगे जो कि आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बोलूंगा और इसमें आपको जितनी भी वैल्यू डालनी है ए बी सी डी ई जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं इसमें बस एक डबल कोट मैंने वापस क्लोज नहीं किया है आप देखेंगे इस तरीके से आपके सामने सभी में वो वैल्यूज स्टोर हो जाएगी तो आई होप दोस्तों कहीं कोई डाउट आपको नहीं होगा इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है नम्पाई एरे नम्पाई एरे क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें हमने बस सेम वही काम किया लिस्ट की जगह टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी लिख दिया और इसको हमने डेटा नाम के वेरिएबल में अभी ध्यान रखना एन पी डॉट एरे है ठीक है तो एरे क्या है हमारे पास एक फंक्शन होता है नम्पाई का जिसमें हम एक एरे बनाते हैं सिमिलर लाइक लिस्ट उसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं वैसे मैं आपको बताते तो नम्पाई हमारे कोर्स में है नहीं अगर आपको नहीं भी आएगा तो चलेगा बट ये सिंपल सा है जैसे हम लिस्ट बना रहे थे लिस्ट के के अंदर अंदर हम इस ब्रैकेट वैल्यू पास कर रहे थे अब इसको हम क्या बना रहे हैं एरे बना रहे हैं और एरे किसका है का एक पार्ट तो नम्पाई को पहले आपको की तरह इसको भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा फिर आपको लिखना पड़ेगा एनपी डॉट एरे और जो भी आप वैल्यू लिखेंगे वो आपका आ जाएगा डेटा में डेटा को भेज देंगे आप सीरीज के पास ठीक है तो आता है तो ठीक है अदरवाइज छोड़ सकते हैं इसी काम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज अरेंज ठीक है बिल्कुल लाइक रेंज की तरह था अरेंज क्या करेगा पांच से लेकर के अट्ठाईस तक और पांच पांच की गैप दिखा देगा तो पांच आ जाएगा उसके बाद दस आ जाएगा उसके बाद पंद्रह आ जाएगा उसके बाद बीस आ जाएगा ठीक है पच्चीस आ जाएगा और फिर रुक जाएगा क्योंकि नेक्स्ट थर्टी है और रेंज अपने पास कितनी है ट्वेंटी एट तक ही तो आपका यहीं तक ही यानी कि फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डिस्प्ले कर देगा और इसकी जो इंडेक्सिंग है वो आपको पता ही है जीरो से शुरू करेगा देन वन टू थ्री फोर इस तरीके से उसको आगे लेकर के जाता है नेक्स्ट है आपके पास कस्टम इंडेक्स आप अपने हिसाब से इंडेक्स डाल सकते हैं ये अभी अभी हम लोग देख ही चुके इंडेक्स नाम के वेरिएबल में आप पास कर सकते हैं तो ये आप देखेंगे ये हमने इंडेक्स इसके अंदर पास कर दिया वैल्यू आप जो रखना चाहें आप रख सकते हैं ठीक है तो इसके अंदर अगर आपको कोई वैल्यू लेनी है तो वैल्यू लिख सकते हैं जैसे सात हो गया आठ हो गया नौ हो गया दस हो गया ठीक है पंद्रह हो गया तो पाँच वैल्यूज है पाँच डेटा हो गया आपके पास आप सेव करें रन करके देखेंगे ए बी सी डी उसके इंडेक्स ये जरूर ध्यान रखेगा दोनों की लेंथ इक्वल आपके पास एकदम सेम होनी चाहिए अगर मैं कम कर देता हूँ तो क्या होगा आप देखिए चला करके देखे आपके सामने क्या हो रहा है एक एरर आ रही बोल रहा है भाई साहब वैल्यू आपके पास जो है वो कितनी है ठीक है तो वैल्यू तो है पाँच और इंडेक्स है आपके पास कम तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है तो इस तरीके से हम यहाँ पर जितना डेटा है उतना ही हमारे पास उसका इंडेक्स भी हमको रखना पड़ेगा इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास में कि हम अगर एक डेटा फ्रेम बनाते हैं तो दोस्तों डेटा फ्रेम के अंदर से भी एक कॉलम लेकर के हम लोग डेटा फ्रेम बना सकते हैं जैसे ये हमारा एक अलग कॉलम है इसी टाइप से ये हमारा एक अलग कॉलम है इसी टाइप से ये हमारा एक अलग कॉलम है ठीक है इसके ऊपर कुछ भी लिखा है जैसे कि रोल नंबर हो गया इसके ऊपर नेम हो गया इसके ऊपर अपने पास परसेंटेज हो गया और यहाँ पर जीरो वन टू थ्री ऐसा हमारा डेटा है मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम से उसमें से अगर हम कुछ एक सीरीज बनाना चाहें तो हम बना सकते ठीक है तो मैं आपको क्या कर देता हूँ यहाँ पर एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट बना करके आपको पहले डिस्प्ले कर ठीक है पहले हम क्या करेंगे डेटा फ्रेम बना लेते हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं अब डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या होता है हमारे पास में पहले मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ ठीक है कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे हम लोग यहाँ जाके लिख देते हैं डेटा और डेटा के अंदर जा करके मैं इस डेटा को क्या कर देता हूँ बना देता हूँ एक ठीक है एक डेटा फ्रेम बना देता हूँ तो इसमें जा करके मैं लिख देता हूँ सपोज कि पहले लिख देता हूँ मैं रोल नंबर ठीक है रोल नंबर जो है इसमें मैंशन कर दूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइक नेम ठीक है तो नेम जो है वो मैं इस लिस्ट में मैंशन कर दूंगा और इसी टाइप से मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगा वो है सपोज़ की परसेंटेज तो मैं लिख देता हूँ मार्क्स या परसेंटेज जो भी आप मेंशन करना चाहें वो आप बता सकते हैं मैं रोल नंबर लिख देता हूँ वन ज़ीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री इसी टाइप से नेम जो है वो मैं लिख देता हूँ सपोज़ की तुषार ठीक है और मैं लिख देता हूँ लाइक राहुल और मैं इसमें जा कर के लिख देता हूँ सपोज़ की विनय ठीक है तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दिए और उसी तरीके से मार्क्स है मार्क्स आगे नाइनटी एट नाइन्टी सेवन और एटी नाइन तो तीन तीन बच्चों के मार्क्स डाल रहा हूँ अब मैं इसको पहले तो क्या करता है एक बार डेटा फ्रेम बना के दिखा देता हूँ तो डेटा फ्रेम के लिख लिए देता हूँ डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम ये हमने पहले भी देख लिया था डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं फंक्शन है हमारे पास डेटा फ्रेम डी और एफ कैपिटल है और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ मेरा डेटा ठीक है हमारा डेटा फ्रेम बन जाएगा पहले हम अपना डेटा फ्रेम प्रिंट करके देख लेते हैं सपोज कि हमारा इसका नाम था डीएफ इतना ही करके देखता हूँ आप देखेंगे हमारा डेटा फ्रेम आ गया अब इस डेटा फ्रेम में से मैं केवल एक कॉलम लाइक नेम या मार्क्स या रोल नंबर इसको भी निकाल सकता हूँ तो पहले तो हम डेटा फ्रेम बना है हो सकता है डेटा फ्रेम हमारा एक्सेल में बना हुआ पड़ा हो तो उसमें से भी अगर आप एक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके क्या लिख सकते हैं जैसे कि आप लिख देंगे ओ बीजे वन ठीक है तो मैं लिख देता हूँ ओबीजे वन इक्वल्स टू क्या है पी डी डॉट सीरीज ठीक है और इस सीरीज के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ डी एफ का जो भी हमारे पास नाम है जैसे कि मैं कर देता हूँ नेम ठीक है तो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा डी एफ का नाम तो तुषार राहुल विनय बस यही आएगा और अगर आप इसको इस बार प्रिंट करके देखेंगे किसको ओ बीजे वन को तो आपको केवल वो एक ही वैल्यू दिखाएगा तो आप देखेंगे है तो डेटा फ्रेम में तो इतना सारा डेटा पड़ा है लेकिन उसमें से आपको क्या निकाल के दिखा रहा है केवल ये नेम तो उसका नाम ही क्या है नेम है अगर आप चाहें तो नेम की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ रोल नंबर आप देखेंगे इस बार आपको रोल नंबर सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे नीचे नेम क्या उसका कॉलम का रोल नंबर है तो ये भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा ठीक है सिंपल है इसी टाइप से अब असाइनमेंट असाइनमेंट है। देखिए बहुत सारे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तो पहला असाइनमेंट है हमारे पास अ सीरीज फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है इसका डिफॉल्ट इंडेक्स ही आपको रखना है क्या करना है मैं एक बार इसको यहाँ से कट कर देता हूँ बाकी आपको आगे जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखना है इम्पोर्ट पांडास वन जो भी आप नाम रखना चाहे आप लिख सकते हैं और फिर इसके अंदर आपको जो भी आपकी वैल्यू जैसे वो कह रहा था हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ठीक है ऐसे आप फोर हंड्रेड जो भी आप वैल्यू लेना चाहें ठीक है फाइव हंड्रेड तक है तो कॉमा फाइव हंड्रेड इतना आप डाल दें और फिर उसके बाद आप क्या कर दें दे पर प्रिंट कर दें किसको दे नाम की वेरिएबल को सेव करें रन करके देखें आपका डेटा आपके सामने आ चुका है डिफॉल्ट हमने रखा है इसके अंदर तो ये बोल भी रहा है यूज द डिफॉल्ट इंडेक्स ठीक है ये हमने कर लिया एंड प्रिंट द सीरीज एंड डिस्प्ले द डेटा टाइप्स ऑफ द सीरीज ये हम लोग करके देख चुके हैं सीरीज को डिस्प्ले करना ये हमने कर दिया इसका डेटा टाइप भी आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट है डिक्शनरी के थ्रू तो अभी मैंने आपको बता दिया था मैथ साइंस इंग्लिश हिस्ट्री जो भी आप नंबर लेना चाहे तो ये एग्जांपल मैं आपको करके अभी दिखा चुका हूँ इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ठीक है इसके बाद बोल रहा है एक्सेस द वैल्यू एसोसिएटेड विद द साइंस केवल साइंस का डेटा आपको दिख रहा है इंडेक्स एंड प्रिंटेड तो बस आपको यहां पर जाके क्या लिखना होता है जो भी आपका इंडेक्सेस है जो भी आपको लेना है तो अगर आप साइंस मैथ वाला ले रहे हैं तो आप यहाँ जाके क्या लिख देंगे इसके अंदर बीच में जाकर के मैथ्स ठीक है और अगर आप यहां पर कुछ और लेना चाह रहे तो मैं लिख देता हूँ वन वन पे क्या मिल जाएगा आपको टू हंड्रेड तो इस तरीके से भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो आप उसका इंडेक्स जरूर बता दीजिए इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कस्टम इंडेक्स है आप बताना चाहते तो बता सकते हैं लाइक ये कुछ वैल्यू है जिसमें ए बी सी डी कुछ आपको पास करना है तो ये भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ बट आपको इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं सपोज कि मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ इसमें लिखा है फोर्टी फाइव थर्टी टू ठीक है तो मैं इसको कर देता हूँ सपोज कि फोर्टी फाइव ठीक है थर्टी टू नेक्स्ट है आपके पास सेवेंटी सिक्स नेक्स्ट है आपके पास एटी नाइन तो यहाँ पर मैं जाके कर देता हूँ और एटी नाइन ठीक है अब इसके साथ साथ में ये क्या बोल रहा है इसमें क्या पास करना है आपको इसका इंडेक्स भी इंडेक्स क्या है दोस्तों हमारे पास ए बी सी डी तो मैं इसमें जाकर के लिख देता हूँ सपोज कैपिटल स्मॉल जो भी आप लेना चाहे बी सी और इसको क्या कर देता हूँ सी और उसके बाद कर देता हूँ डी ठीक है तो ये हमारा इंडेक्स बन गया है खैर हम इसको आप जो प्रिंट करके देखेंगे पहले हम बी को देख लेते हैं तो बी पे हमारा जो भी डेटा है वो आएगा बी पे क्या आएगा एक छोटी सी एरर है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है ठीक है डबल कोड हमको लगाना था तो आप देखेंगे क्या आ रहा है थर्टी टू थर्टी टू क्यों आ रहा है क्योंकि जीरो से शुरू हुआ है ठीक है उसके बाद ये तो ए और बी अगर आप दोस्तों इसको मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसे मैं इसमें जाकर लिख सकता हूँ ओ वन ऑफ जो भी हमारा बी है ठीक है अभी इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ठीक है थर्टी टू मैं इसकी वैल्यू करना चाहता हूँ दो सौ पचास ठीक है इसके बाद हम लोग फिर से जाके क्या कर देते हैं ओ मैं पूरा ओ वन को ही प्रिंट कर देता हूँ अगर आप देखेंगे तो इस बार हमारे सामने जो देखो पहले क्या आया था हमारे पास मी की वैल्यू थर्टी टू लेकिन उसको मैंने चेंज कर दिया उसके बाद उसकी वैल्यू क्या कर दी दो सौ पचास तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है बस आपको जिसको चेंज करना है उसका आपको इंडेक्स तो बताना ही पड़ेगा किसको आप बदलना चाहते हैं ठीक है ये भी समझ में आ गया होगा आपको फिर नम्पा एरे वाला आ गया तो ये भी हम लोग देख ही चुके थे ठीक है एन पी डॉट एरे के साथ इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास स्केलर वैल्यू ये मैंने बता दिया था आपको सेवन ए बी सी डी ठीक है इसको भी करके दिखा दिया क्वार्टर वन क्वार्टर टू आपने अभी पीछे देखा ही है इसी टाइप से डेटा फ्रेम के साथ आप कैसे ले रहे हो तो इसमें देखिए नेम है एज है स्कोर है लाइक वही मैंने रोल नंबर नेम एज जो भी लिए थे उसमें से आप किसी एक को लेना चाहते हैं तो ले सकते ठीक है इसी टाइप से आपके सामने कुछ कॉलम्स वगैरह का डेटा अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं उसमें से कैसे आप सीरीज बना सकते हैं तो ये अभी हम लोग देख चुके ठीक है अब आपको करना क्या है एक छोटा सा काम ये है आपके पास चैलेंज टास्क इसमें मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं क्या है क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम रेंज ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड जीरो से लेकर के हंड्रेड तक आपको चलना है ठीक है विद स्टेप ऑफ टेन मतलब पहले आपके पास जीरो आ जाए और दस के बाद मतलब आप ऐसा लेना चाहे तो ले सकते हैं सपोज़ कि इसके बाद आप ले दें सपोज दस बीस तीस चालीस पचास ऐसे आप लिखाना चाहें तो ले सकते हैं अगर आप ज़ीरो से करेंगे दस दस के गैप पे तो आपको मिल जाएगा ज़ीरो के बाद दस के गैप से ठीक है तो जैसे आपके सामने आ गया सपोज़ कि जो भी आपके सामने वैल्यूज़ आ रही है वो आप डिस्प्ले करते हैं लेकिन आपको कहाँ तक दिखाना है हंड्रेड तक ठीक है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है प्रिंट द सीरीज़ एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द सीरीज़ तो लेंथ के लिए हम लोग ऐसे फंक्शन यूज करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा लेंथ नाम का एक फंक्शन है जिसके थ्रू तो हम लेंथ भी ले सकते हैं ये अगर आपसे हो जाए दोस्तों ये अगर आप कर पाए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कोशिश करिएगा हो सके तो आप कोड ही टाइप कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये कोड टाइप करने में टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप सिंपल सा ओके okay लिख सकते हैं आई हैव डन लिख सकते हैं या और भी अगर कुछ इश्यूज हैं कुछ भी कहना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेगा मैं आपका दोस्तों वेट करने वाला हूं कि ये जो मैंने पहली बार आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया है ये असाइनमेंट आपसे हुआ है या नहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ एडिशनल फंक्शनिटीज देख लेते हैं ठीक है सीरीज बना ही रहे सीरीज बनाने में और भी कुछ चीजें हो सकती तो क्या क्या हो सकती है दोस्तों हो सकता है एम टी हो मतलब मेरे पास जीरो वन टू थ्री है कुछ बच्चों के मार्क्स है हो सकता है कि कुछ बच्चों के मार्क्स है नाइन्टी

वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं साथ साथ में मैथामेटिकल फंक्शन और एक्सप्रेशन भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एक एक करके इसको भी देख लेते सबसे पहले एनएन वैल्यू कैसे पास करेंगे एनएन मतलब क्या है ठीक है बेसिकली नन भी कहते हैं एनएन जो है वो एनपी के थ्रू यूज करते हैं मतलब नमपाई का पार्ट है लेकिन इसकी जगह आप खाली नन भी लिख सकते हैं जैसे दो तरीके हैं देखिए अगर आप यहाँ पर नमपाई को यूज करते हैं तो आप यहाँ पर ये यह लिख सकते हैं फाइव सिक्स सेवन कोमा एन पी डॉट नन ठीक है एन ए एन और अगर आप यहाँ पर नम को यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एनओ एन ई ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये भी नन ही है लेकिन ये पाइथन का है और ये वाला जो एन ए एन है ये हमारे पास किसका है नम का तो नम हमारे कोर्स में नहीं है अगर आप चाहें तो ये यूज करें अदरवाइज आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं दोनों ही ऑप्शन आपके पास चलेंगे आप जब इसको प्रिंट करेंगे को तो देखिए फाइव सिक्स सेवन और ये एम तो आगे क्या लिख रहा है वो नन बाकी 7. अब एक चीज और बता देता तो, अगर आपके पास सारा इंटीजर है लेकिन बीच में आपने कोई एम रख रखा है एम का मतलब क्या है आपके पास में एन ए एन है या फिर आपके पास नन वैल्यू है तो इस केस में वो इंटीजर आपका ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में ये मैं आपको बार बार आगे याद दिलाता रहूंगा कि इंटीजर जो है अगर उसमें कोई भी एक एम्टी डेटा आ गया तो वो क्या बन जाएगा फ्लोट ठीक है तो इसलिए वो नीचे आपको क्या दिखाना है फ्लोट मतलब आपको लगेगा यहाँ डेटा तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल रहे हैं इंटीजर लेकिन आ क्या रहा है फ्लोट फ्लोट क्यों आ रहा है उसका रीजन बता रहा हूँ कि एक भी एम डेटा अगर आपका हो गया तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्सेस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं हमने कई बार देख लिया है तो इंडेक्सेस कैसे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं बताइए आपको उसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा करें उसका नाम क्या है इंडेक्स ठीक है इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन जिसमें लिखा है हमारे पास ए बी सी डी ठीक है ए बी सी और डी है जो कि ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के सेक्शन है ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूट कर लेने के बाद ठीक है वो डेटा जैसे कि ए ने सपोज पांच सौ रुपए दिए ठीक है बी ने सपोज सात सौ रुपए दिए सी ने सपोज तीन सौ पचास रूपए दिए डी ने सपोज आठ सौ अस्सी रूपए दिए तो ये जो आपका डेटा है इस तरीके से आपको डिस्प्ले करना है सीरीज बना के ठीक है तो एक छोटा सा क्वेश्चन था यही है फिर से करके देख लेते हैं इसमें जाकर के मैं क्या लिख दूंगा सिंपल सा चार क्लासेस है ए बी सी डी सेक्शन वही है मजा आ गया अपन को तो अपन लिख देते नौ सौ अस्सी सात सौ अस्सी जो भी है नौ सौ साठ और चार सौ रुपये भी आए चार वैल्यू है चार इंडेक्सेस है आप इसको सेव करें और आप इसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं तो मैं यहाँ से इन दोनों को हटा देता हूँ फाइनली हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया ठीक है ये हमारा ए बी सी डी सेक्शन का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारा आ चुका है तो आप ये भी कर सकते हैं आप चाहे तो वेरिएबल्स बना सकते थे सेक्शन सेक्शन में सारे के सारे ये सेक्शंस आ जाते हैं जिसको इंडेक्स में पास कर देते और ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसको हम यहाँ डेटा के साथ ले सकते थे ठीक है ये भी आपके लिए सबसे मतलब मुझे लगता है ठीक है अच्छा समझ में आ गया होगा इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफाइक डेटा टाइप स्पेसिफाइक डेटा टाइप में आप अपना डेटा का टाइप भी बता सकते हो जैसे डेटा बताते हो जैसे आप यहाँ पर इंडेक्स बताते हो ऐसे ही डेटा का टाइप बता सकते हो दैट मीन्स फ्लूट अब देखिए ये सारे के सारे डेटा इंटीजर है लेकिन मैं इसको क्या बता रहा हूँ फ्लूट तो ये बारह की जगह बारह लिख तो अगर आप चाहें ठीक है वैसे जरूरी नहीं होता है लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना डेटा का टाइप भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं वैसे आपको पता होना चाहिए कि आप अपना डेटा का टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं ठीक है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर होती जा रही होंगी इसी टाइप से अगर आप मैथामेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वो भी कर सकते हैं जैसे कि सपोज मेरे पास में, पास में पाँच और ग्यारह है ठीक है फाइव और इलेवन ये मेरे पास में ए में डेटा आ गया एन डॉट अरेंज के साथ आप रेंज में भी ले सकते तो ये लेकिन ये जो डेटा आ रहा है दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डेटा इक्वल्स टू ए इंटू ए तो ए इंटू ए में क्या हो जाएगा यहाँ पर तो ये आपको दिखा रहा है ट्वेंटी फाइव क्योंकि फाइव इंटू फाइव है ये आपको क्या दिखा रहा है सिक्स इंटू सिक्स ये दिखा रहा है सेवन इंटू सेवन ये दिखा रहा है एट इंटू एट नाइन इंटू नाइन टेन इंटू टेन और जो इंडेक्सेस है उसमें ए डाल दिया ए में क्या आ रहा है आपके पास ये सारे के सारे वैल्यू फाइव से लेकर के ठीक है टेन तक अरेंज में आपको पता ही है और यहाँ पर जो डेटा है उसमें क्या डाल रहा हूँ मैं ए इंटू ए मतलब फाइव इंटू फाइव अगली बार चलेगा सिक्स इंटू सिक्स अगली बार चलेगा सेवन इंटू सेवन इस तरीके से भी आप इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं मैथामेटिकल एक्सप्रेशन आप अप्लाई करवा सकते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें कि किसा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एक्सेस आप दोस्तों इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जो भी हम देख चुके हैं और आप स्लाइसेस के थ्रू भी ले सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक और काम कर लेता हूँ मैं एक डेटा नाम की वेरिएबल बना के इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर लेता हूँ जैसे एट नाइन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फोर एटी सेवन एटी टू ऐसे कोई भी नंबर अगर आप पास करना चाहें तो कर सकते हैं और ये जो आपका डेटा आया है इस डेटा को मैं इसके अंदर पास करा देता हूँ ठीक है सिंपल सा इसमें जाके क्या लिख दूंगा मैं डेटा इसको सेव करता हूँ रन करता हूँ आप देखेंगे हमारा डेटा आ चुका है अब मैं अगर ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये वाला इतना वाला है डेटा मुझे ये वाला प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट करने के लिए एटी उसका इंडेक्स क्या है फाइव कैसे करेंगे ये हम जानते हैं हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर ये प्रिंट ओबीजे जो लिखा है ना यहाँ पर जाकर के मैं क्या लिख दूंगा जो भी उसका इंडेक्स है सपोज मैं वाला लेना चाह रहा हूँ रन करके देखेंगे 5 पे क्या था एटी टू अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप जाकर के लिख सकते हैं प्रिंट आपका पहले लिख दे आप ओबीजे देन और फिर आपका ओबीजे वन पहले पूरा आएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ उसका इंडेक्सेस देख रहे हैं तो जो इंडेक्सेस दोगे दोस्तों वो डेटा आ जाएगा जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर हमने फाइव पास किया है तो फाइव के बेस पे एटी टू आपको मिल गया इस बार मैं इस एटी फोर को डिस्प्ले करना चाहता हूँ ठीक है इस एटी फोर के लिए हमको क्या लिखना पड़ जाएगा इसके अंदर एट तो मैं यहाँ जाता हूँ और जाके लिख देता हूँ एट ये क्या कर रहे हैं दोस्तों पूरा का पूरा डेटा आप आपके सामने आ रहा है उसमें से एक इंडिविजुअल वैल्यू अगर आप लेना चाहें तो ले सकते लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं स्लाइसिस मतलब इसमें से ये, मैं ये चाह रहा हूं कि डेटा मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल जाए फिफ्टी सिक्स से लेकर के एटी टू तक ये एक बीच का स्लाइस आपको निकालना है डेटा निकालना है तो फिर आपको इसमें जाके बताना पड़ता है कॉलन आपके पास इसमें तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है एक होता है अपने पास स्टार्ट ठीक है एक आपके पास होता है स्टॉप और एक आपके पास होता है स्टेप बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम रेंज में भी देखते हैं ठीक है ठीके? तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे शुरू कहाँ से करना है ये है जीरो वन ये है टू ये, ये, ये है थ्री मुझे शुरू कहाँ से करना है दोस्तों थ्री से ठीक है और फिर आपके पास आ रहा है फोर फाइव सिक्स सेवन एट मैं एट तक लेना चाहता हूँ मैं लिख देता हूँ एट Osionfish. बस मुझे इतना सा ही काम करना है रन करना है तो आप देखेंगे तो हमारे पास थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन क्योंकि मैंने क्या लिखा था यहाँ पर एट ठीक है क्या लिखा है एट तो एट एक्सक्लूड होता है तो तीन चार पांच यानी कि जीरो वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये आपको इतना दिखाता है एट को इंक्लूड नहीं करता है ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से हमारे सामने ये होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें स्टेप भी होते हैं मतलब अगर आप चाहें तो इसकी जगह जाके और लिख सकते हैं नहीं? वो है कॉलन और मैं लिख देता हूँ टू ठीक है इसको रन करके देखते हैं तो ये क्या कर रहा है दोस्तों पहले थ्री दिखा रहा है फिर फोर नहीं दिखा के फाइव दिखा रहा है फिर सिक्स नहीं दिखा के सेवन दिखा रहा है ठीक है तो इस तरीके से ये क्या करेगा एक एक स्किप कर रहा है पहले ये तीन वाला डेटा दिखाएगा फिर चार को छोड़ के पांच फिर छह को छोड़ के सात ऐसे डिस्प्ले करेगा तो एक एक का गैप ले रहा है स्टेप ले रहा है तो स्टेप कितना आ रहा है आपके पास वो है टू आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें इसका ओबीजे टू दिखा रहा हूँ तो टू पे क्या कर देगा नाइन प्रिंट कर देगा अब आपको क्या करना है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है बस ये ठीक है इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ये पास करना होता है ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको इसमें जाके ये तो स्क्वायर में ये लिख दीजिए आप और अगर आप स्लाइसेस चाहते हैं तो स्लाइसिस बता सकते हैं जैसे वन वन के बाद से तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपके पास आएगा लाइक फोर नाइन सेवन एट फोर फाइव एट और सिक्स आप टू ऑफ सिक्स बताना चाहते हैं तो ये यहाँ से शुरू करेगा टू से लेकर के सिक्स तक सिक्स में भी एक्सक्लूड है तो फाइव तक आएगा तो ये टू थ्री फोर फाइव यहाँ तक आपको डिस्प्ले कर देगा यानी कि नाइन सेवन एट और फोर और ये है जीरो से फाइव यानी कि जीरो देन वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव को एक्सक्लूड करेगा चार तक ही दिखाएगा आपको तो ये कहां तक दिखा देगा आपको एट तक लेकिन उसमें भी क्या है दो दो का गैप तो पहले आपको दिखाएगा आठ फिर चार को छोड़ के नौ सात को छोड़ के आठ इस तरीके से आपके सामने आएगा ठीक है ये भी आपको समझ में आएगा होगा बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं दोस्तों सीरीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे जाते हुए और हमारे पास इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और आते जाएंगे कुछ बहुत सारे हम लोग यहाँ पर और एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करते जाएंगे हेलो दोस्तों क्लास ट्वेल्थ आईपी में अब हम लोग डिस्कस करेंगे उस कर उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि सपोज एक एस नाम की सीरीज है तो इस एस नाम की सीरीज में सपोज जीरो वन, तू, तू, ये कुछ अपने पास पे इंडेक्सेज है और इसकी वैल्यू रख रखी है सपोज मैंने की फाइव है नाइन है फिफ्टीन है ट्वेंटी है ऐसे कुछ भी वैल्यूज है तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि सीरीज की जो अपने पास में इंडेक्सेस है या उसकी जो लेबल्स हैं लेबल्स क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं तो जब आप लेबल्स लगाते हैं लाइक ए बी सी डी कुछ भी हो या जनवरी फेबर कुछ भी तो वो इंडेक्सेस या लेबल्स को रिटर्न करता है आपके पास एक इंडेक्स नाम का एट्रीब्यूट तो रिटर्न द इंडेक्स यानी कि लेबल्स भी कह सकते हैं ऑफ द सीरीज तो जो भी सीरीज आपने बनाई है अगर आप लिखते हैं डॉट इंडेक्स तो ये क्या करेगा आपको रिटर्न कर देगा यहाँ पर एक इंडेक्स ऐसे ही दोस्तों हमारे पास होता है वैल्यू वैल्यू क्या काम करता है रिटर्न द डेटा यानी कि अगर आपको केवल ये डेटा देखना है मतलब ये अगर आपको इंडेक्सेस देखने हैं तो आपको लगाना पड़ेगा इंडेक्स लेकिन अगर आप चाहते हैं केवल क्या देखें उसकी वैल्यूज तो आप यहाँ लिख देंगे वैल्यूज ये क्या करता है रिटर्न द डेटा ऑफ द सीरीज एज अ नम पाई एरे तो ये क्या कर देगा आपको नम पाई एरे की तरह आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं कि जो सीरीज है इसका टाइप क्या है आपने इसमें इंटीजर वैल्यू डाली है आपने फ्लोट डाली है आपने इसके अंदर स्ट्रिंग डाली है या आपने कोई और टाइप की वैल्यू डाली है तो दोस्तों वो टाइप टाइप देखने के लिए आप यहां लगा सकते हैं एस डॉट डी तो देखिए आपके पास इंडेक्स है वैल्यूज है डी टाइप है शेप भी है शेप में आप क्या देखते हैं रिटर्न द शेप ऑफ द सीरीज एज ए ये क्या करेगा आपको ये दिखाएगा इसके जो आपके पास में सीरीज का शेप क्या रहेगा इट मीन उसकी साइज आपको ये यह यहाँ रिटर्न करता है साइज में भी उसकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है दोस्तों इसको अपन प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं साथ साथ में और भी अपने पास यहाँ बहुत सारे एट्रीब्यूट है तो एक एक करके अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए मैं दोस्तों यहाँ एक बार पाइथन स्टार्ट कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर एक कोड बना रखा है तो मैं उसी को यहाँ एक बार ओपन कर देता हूँ देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ज्यादा मैं एक बार अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है मैंने लिख रखा है एस इक्वल्स टू पी डॉट सीरीज और इसके अंदर क्या है कि मैंने डाल रखा है अपना डेटा और यहाँ पर मैंने डाल रखा है इंडेक्सेस ठीक है तो यहाँ पर सपोज वन टू थ्री फोर ठीक है चार अपने पास में डेटा है और यहाँ अपने पास है इंडेक्सिस अगर दोस्तों इसको अपन प्रिंट करके देखें तो मैं यहाँ जाकर के क्या लिख देता हूँ प्रिंट और फिर जाकर लिख देता हूँ एस तो जो भी अपने पास एस नाम की सीरीज है उसका डेटा अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते मैं एक काम करता एक बार पहले पूरा हटा करके इस कोड को इतना ही एक बार रन करके देख लेते हैं

कमेंट बना देते हैं ठीक है तो इस तरीके से सारे के सारे अपने पास यहाँ कमेंट कर देता हूँ और एक एक करके इसको हम लोग रन करके देखते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूं एस डॉट इंडेक्स ये क्या करेगा यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न कर देगा ये इसका इंडेक्स मैं सेव करता हूँ रन करता हूँ आप देखेंगे यहां पर अपने पास क्या आएगा उसका इंडेक्स ठीक है तो यहाँ पर इंडेक्स क्या आया है ए बी सी डी ठीक है कुल मिलाकर के हमारे पास इसमें फोर एलिमेंट्स है उनका इंडेक्स आ चुका है अगर दोस्तों हम लोग ये चाहते हैं कि इंडेक्स नहीं आकर के क्या आ जाए इसकी वैल्यूज तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर इसकी वैल्यूज को ऊपर जा करके मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा देता हूँ ठीक है अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है ट्वेल्व सिक्सटीन नाइनटीन और एटी फोर तो ये क्या था हमारे पास पहले था इंडेक्स इसने क्या दिया केवल इंडेक्स लेकिन अगर आपको क्या चाहिए केवल उसकी वैल्यू तो आप क्या लिख देंगे वैल्यूज ठीक है ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट वो है हमारे पास में एस जो है उसका डेटा का टाइप क्या अगर आप ये देखना चाहते हैं क्या लिख देंगे एस डॉट डी टाइप आप देखेंगे इसके अंदर जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर की गई है तो उसने क्या दे दिया आपको ठीक है इसी से अगर हम बात करते हैं तो हमारे वो कितने फोर है ठीक है तो ये आपको क्या दिखा रहा है कुछ और वैल्यूज ऐड या डिलीट करते हैं जैसे कि मैं इसमें से एक एलिमेंट हटा देता हूँ आप इसको सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे ये आपको क्या दिखा रहा है थ्री कॉमा इट मीन इसमें तीन एलिमेंट आपके पास है ठीक है तो ये आपको टपल में रिटर्न करता है ये मैं आपको अभी अभी जस्ट बता भी चुका था ठीक है मैं वापस वो चारों एलिमेंट्स ले लेता हूँ इसी टाइप से दोस्तों अगर हम शेप के बाद देखें तो हमारे पास आता है साइज इसकी साइज क्या है ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से इसका शेप भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ आप देखेंगे साइज इसकी क्या है तो दोस्तों आपके पास आया आप फोर इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर चार एलिमेंट्स है अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था शेप शेप क्या दे रहा है आपको ये भी चार दे रहा था जो इसकी वैल्यूज थी और साइज जो है वो भी आपको चार ही दे रहा है इस एक तरीके से अगर हम कहें तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही काम कर रहे हैं मैं इसको भी एक बार हटा देता हूँ आप देखेंगे तो एक के अंदर आपको थ्री दे रहा है और दूसरे के अंदर भी आपको थ्री दे रहा है लेकिन ये किस में दे रहा है आपको टपल में और ये आपको केवल उसकी साइज आपको रिटर्न कर रहा है तो देखिए शेप भी आपको साइज की तरह ही दिखाता है लेकिन शेप में क्या करता है वो साथ में आपको डिस्प्ले करता है कि तीन इसके अंदर कॉलम्स है मतलब बेसिकली जो इसके अपने पास जो एलिमेंट्स है ठीक है तो ये आपको वो दिखा रहा है लेकिन टपल में आपको डिस्प्ले कर देता है, है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा अभी सपोज हमारे पास थ्री एलिमेंट्स ही है मैं अगर दोस्तों इसमें देखना चाहता हूँ एन बाइट्स ठीक है इसके नंबर ऑफ बाइट्स कितने ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी के अंदर तो आप देखेंगे ट्वेंटी फोर ठीक है कितने कर रहा है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके पास है तीन इंटीजर ठीक है और एक इंटीजर की साइज होती है आठ ठीक है तो यहाँ आप कह कहेंगे कि इसकी जो साइज है वो होती है एट इन जितने भी आपके एलिमेंट से अगर थ्री है तो आपके पास हो जाएगा ट्वेंटी फोर अगर सपोज इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ जैसे कि सपोज ऐसे ही कुछ भी एक नंबर डाल देता हूँ ए बी सी और यहाँ जाकर के लिख देता हूँ मैं इसको डी तो आप देखेंगे इस बार फिर इसके अंदर आठ और एड हो जाएंगे ठीक है तो थर्टी टू हो चुके हैं आपके पास इस तरीके से अगर आपने फोर एलिमेंट डाल दिए तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ये थर्टी टू इसी तरीके से दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग यहाँ पर जो है उसकी साइज देख सकते हैं मेमोरी में कितनी साइज हो रही है अगर आप नंबर ऑफ डायमेंशन डायमेंशन यानी कि आपके पास वन डी है या टू डी अगर आप ये देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपको दिखा देगा कि ये वन डी है ये मोस्टली आपको वन ही देगा एंड ठीक है इसी टाइप से अगर आप देखें तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ आता है एक आइटम साइज अब देखिए मैं इसको एक बार वापस से चला करके दिखा देता हूँ लेकिन यहाँ आएगी एरर जो नए आपके पास में आए हैं ठीक है मतलब कह सकते जो अपडेट्स आपके पास में है अगर अपन बात करते हैं तो अभी हम लोग जो है वो यूज करें यहाँ पर थ्री पॉइंट ट्वेल्व ठीक है यानी कि आइडियली जो सॉफ्टवेयर यूज करें इसमें क्या है आपको एक एरर दिखा देगा ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर आपको भी एक एरर शो कर देगा क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इसको नहीं मिलने वाला है ठीक है तो बेसिकली इसको मैंने क्या कर रखा है आगे कमेंट कर रखा है इसको हटा करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने एक एरर आ चुकी है ठीक है इसी तरीके से आइटम साइज यहां पर आपके पास नहीं चलेगा अगर हमने यहां पर कोई एलिमेंट ठीक है अगर हमने कोई एलिमेंट यहाँ पर एम टी छोड़ रखा इट मीनस यहां पर नन है तो ये क्या करता है एक फंक्शन है एस डॉट हैज नंस अगर इसमें कोई एम टी है तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू नहीं तो कर देगा फॉल्स आप देखेंगे क्या आ रहा है फॉल्स अभी कुछ एम टी है नहीं लेकिन दोस्तों अगर बाई द वे मैं इसको नन कर देता हूं ठीक है आप देखेंगे ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है ट्रू इट मीन्स इसके अंदर कोई एम है नन है ब्लैंक है ठीक है अब एन एम क्या होता है इसको अगर आप देखना चाहें तो मैं वापस जाके लिख देता हूँ प्रिंट और एस ठीक है तो आप देखें इसको किस तरीके से आपको दिखाता है ये एन एन है मतलब ये एम टी ब्लैंक है इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं इसको एन एन भी कह सकते हैं ठीक है ठीके? और इसको कैपिटल एन ओ एन यानी कि नन भी आप इसको कह सकते हैं ठीक है ठीके? तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा है कि इसके अंदर नन है या नहीं ये देखना चाहते हैं दोस्तों अगर हमारे पास में हमारा सीरीज अगर एम है ठीक है तो वो अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए ये आपको दे रहा है फॉल्स क्योंकि एम टी नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको एम भी कर सकते हैं अगर आपने एम कर दिया तो फिर आपको रिटर्न कर देगा ट्रू तो क्या है एस डॉट एम क्या रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स इसी टाइप से अगर आप चाहें तो इसका दोस्तों नाम भी रख सकते हैं अपनी सीरीज का तो ठीक है एक तो हो गया आपके पास सीरीज का नाम तो मैं एक बार इसका नाम चेक कर लेता हूँ इसका नाम आखिर है क्या आप रन करके देखेंगे एस डॉट नेम ठीक है तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा आप देखेंगे यहां पर इसका नाम क्या आ रहा है नन अभी आपने इसका कोई नाम नहीं रखा हुआ है लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी सीरीज का एक नाम भी रख सकते हैं तो मैं इसका नाम कैसे रख दूंगा मैं जाके लिख दूंगा एस डॉट नेम माई सीरीज देखिये इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है ये है आपकी वेरिएबल यानी कि जो सीरीज ऑब्जेक्ट है ठीक है उसको होल्ड कौन कर रहा है उसको होल्ड करना है एस नाम का आपका एक ऑब्जेक्ट ठीक है लेकिन जो सीरीज आपने बनाई है उस सीरीज का नाम अगर आप रखना चाहे तो वो है माई सीरीज इट सीरीज का नाम तो क्या है माई सीरीज और उस ऑब्जेक्ट का नाम जो सीरीज बनी है उसको होल्ड कौन कर रहा है वो वेरिएबल का नाम क्या है आपके पास एस तो मैंने यहाँ पर इस बार नाम रख दिया है और नाम रखने के बाद अगर दोस्तों मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कि उसका नाम क्या है तो आपको क्या दिखा रहा है यहाँ माई सीरीज आप जो भी नाम रखेंगे वो नाम आपको देखने को मिल जाएगा अगर नाम आपने यहां पर नहीं रखा है तो आपको क्या डिस्प्ले कर रहा था ये आपको अभी नन कर रहा है ठीक है आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ चुका होगा इसी टाइप से अगर आप चाहे तो यहां पर यूज कर सकते हैं अपने इंडेक्स का नाम भी एक नाम तो क्या था आपके पास सीरीज का और दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है हम लोग यूज कर सकते हैं इंडेक्स का भी नाम ठीक है जैसे ये आपने अभी जो नाम रखा था वो क्या था इसका कंप्लीट नाम था इस पूरी सीरीज का नाम था लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ केवल इस इंडेक्स का नाम रख रहा हूँ तो वो भी हम चाहे तो कर सकते हैं मैं काम करता हूँ एक बार इसको भी हटा देता हूँ ठीक है आप देखेंगे कि ये क्या करेगा ये जो नाम है माई इंडेक्स वो इस कम्प्लीट ए बी सी डी का नाम रखा है ठीक है उसके बाद में ये आपके पास दूसरा कॉलम है तो अगर आप अपने इंडेक्स का नाम रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं उसके लिए आप क्या यूज करते हैं एस डॉट इंडेक्स डॉट नेम ठीक है तो एक था खाली इंडेक्स एक था खाली नेम और क्या आपके पास में इंडेक्स डॉट नेम यही सारी बातें दोस्तों यहाँ हम लोग करने वाले हैं तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था एक था आपके पास यहां पर इंडेक्स ठीक है ये इंडेक्स क्या कर रहा था रिटर्न कर रहा था आपको इंडेक्स या फिर लेबल जबकि वैल्यू क्या कर रहा था केवल आपको रिटर्न कर रहा था उसकी वैल्यू यानी कि उसका data. इसी टाइप से डी टाइप क्या कर रहा था उसका यहां पर रिटर्न कर रहा था डेटा का टाइप जो आपने देखा था इंटीजर ऐसे ही शेप था तो शेप क्या है या तो थ्री या फोर आपको ऐसे कुछ वैल्यूज रिटर्न कर रहा था तो मैंने लिखा है थ्री कॉलर इस तरीके से तो क्या है रिटर्न द शेप ऑफ द सीरीज एज अ टपल इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास था साइज ये क्या करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सीरीज के अंदर वो रिटर्न करता है जैसे कि थ्री या फोर जो भी आपने लिखा था एक में क्या डिफरेंस था कॉमा करके लिखा था और एक के ले 3। तो ये था टपल जिसके लिए आपने यूज किया था शेप जबकि ये क्या आपके पास साइज इसी टाइप से नंबर ऑफ बाइट कितनी ऑक्यूपाई कर रहा था ये ऑब्जेक्ट ठीक है नंबर ऑफ बाइट्स ये क्या करता है

जो हम हमारे सीरीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है दोस्तों वो होता है एन एन वैल्यूज को यूज करना वैक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करना अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाना और ऐसे बहुत सारे और भी अपने पास अलग अलग टाइप के ऑपरेशन होंगे जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी सीरीज पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखने वाले होंगे कि मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को जैसे अगर सपोज मेरे पास है फाइव सेवन एट नाइन थ्री तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मैं बदलना चाहता हूँ इसके इंडेक्सेस के बेस पे तो हम कैसे उसको बदल सकते हैं बिल्कुल सिंपल हम पहले कर भी चुके हैं इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे रीनेम कैसे कर सकते हैं हम अपने इंडेक्सेस को इसी टाइप से हम बात करेंगे हेड और टेल फंक्शंस को लेकर क्योंकि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं साथ साथ दोस्तों कुछ वेक्टर ऑपरेशन से जो हम लोग देखने वाले हैं इसी तरीके से कुछ अर्थमैटिकेशन होंगे जो सीरीज के ऊपर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे साथ साथ में दोस्तों हम लोग देखेंगे फिल्टर एंट्रीज कैसे हम लोग कर सकते हैं ठीक है जो भी हमारे सीरीज के अंदर डेटा पड़ा उसको कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐसे दोस्तों हम लोग यहाँ सोर्टिंग जो है उसके साथ साथ सोर्टिंग तो करके देखेंगे हम लोग अपनी सीरीज के ऊपर इसी तरीके से हम लोग री इंडेक्सिंग देखने वाले हैं इसी तरीके से ड्रॉपिंग को देखेंगे कि ड्रॉपिंग क्या होता है ड्रॉप मतलब बेसिकली डिलीट करना है तो कैसे आप डिलीट कर सकते हैं अपने एन एन वैल्यूज को वो भी अलग अलग एक्सेसिस ऐसे ही दोस्तों लोग एग्रीगेशन ऑपरेशंस को देखने वाले हैं जैसे कि सम है मिन है, सीरीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो और लास्ट अपने पास है यहाँ पर हैंडलिंग मिसिंग डेटा तो मिसिंग जो डेटा अपने पास है जैसे कि एमटी डेटा है ब्लैंक डेटा नहीं सकते है सकते हैं तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं एक एक करके ये सारे ऑपरेशन हम लोग देखने वाले है। सब हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि हम हमारे जो सीरीज के जो एलिमेंट्स है उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं देखिए एक एग्जांपल है अपने पास में एक सीरीज है ठीक है जिसमें लिखा है एट फोर नाइन सेवन मैंने लिखा है एट फोर नाइन और सेवन और इनका जो इंडेक्स है वो क्या होगा जीरो वन टू और थ्री उसके बाद लिखा है दोस्तों मेरे जीरो तो हम सब जानते हैं कि इसका इंडेक्स हमेशा मैडिफर जीरो से शुरू होता है और टू की वैल्यू ट्वेंटी करनी इसका मतलब ये जो वैल्यू है जिसका इंडेक्स टू है वैल्यू हमको क्या, हम तो क्या तो साथ -साथ तो कोड तो छोड़ है इसलिए इसको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ नेक्स्ट है आपके पास रीनेमिंग इंडेक्स रीनेमिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो इंडेक्स है जैसे मैंने लिखा है एट फोर नाइन सेवन तो होगा क्या एट फोर नाइन और सेवन है अब इसका जो इंडेक्स है वो क्या होता है आपके पास जीरो अगर आप चाहते हैं दोस्तों अगर आपने इंडेक्स बना भी लिया और बाद में अगर आप इसको बदलना चाहते हैं इसके इंडेक्स को तो वो आप कैसे बदलते हैं तो 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 अभी तक तक तो क्या है कि इस केस तक तो ऐसा कुछ काम हुआ है जीरो वन टू थ्री लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं ओबीजे डॉट इंडेक्स ठीक है क्या लिखते हैं ओबीजे डॉट इंडेक्स ए बी सी डी आप जो भी लिखेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर ए बी सी डी हो जाएगा और ये जो आपने देखा है एक एट्रीब्यूट है जिसको मैं आपको बता चुका था पिछले वीडियोस में जिसमें हमने बात करी थी कि इंडेक्स है या फिर वैल्यूज है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इनफेक्ट ये आपको रिटर्न भी करता है और सेट भी आप कर सकते हैं तो ओबीजेस जो फंक्शन है या इसका कह सकते हैं एट्रीब्यूट है इसके थ्रू आप यहाँ पर उसको रीनियम कर सकते हैं अपने इंडेक्सेस को ठीक है इसी टाइप से अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिमिलरली दोस्तों हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है हेड और एक नाम है टेन अब देखिए जो आपके पास डेटा है जैसे बहुत सारा डेटा है सपोज है एट फोर नाइन सेवन ट्वेंटी थ्री ठीक है ऐसे ही अपने पास है यहाँ पर सपोज फोर्टी थ्री है या फिर फोर्टी फाइव है फिफ्टी सिक्स सिक्सटी सेवन सेवेंटी एट वन या ट्वेंटी थ्री इनका जो इंडेक्स है वो क्या होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और एलेवन अब देखिए अगर आपका डेटा इतना ही है तो भी आप आसानी से डेटा निकाल सकते थे लेकिन अगर आपका डेटा और बड़ा होता है? तो आप चाहते थे कि स्टार्टिंग के दो रिकॉर्ड लेने ठीक है या आप चाहते थे स्टार्टिंग के पांच रिकॉर्ड लेने या आप चाहते थे स्टार्टिंग के दस रिकॉर्ड लेने तो स्टार्टिंग के अगर कुछ रिकॉर्ड आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन का नाम है हेड और अगर आप एंडिंग के आप चाहते हैं एंडिंग के पांच रिकॉर्ड एंडिंग के दो रिकॉर्ड एंडिंग के तीन रिकॉर्ड तो अगर आप एंडिंग के दो रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन का नाम है टेन ठीक है तो हेड फंक्शन क्या करता है रिटर्न फर्स्ट एन रोज एन रोज का मतलब क्या है

आप चाहते हैं पांच देना तो ये पांच देगा लेकिन अगर तो आप यहाँ पर चाहें तो दो तीन या उसके आगे कम कुछ भी आप ज्यादा कम आप यहाँ लिख सकते हैं तो ये क्या करेगा लास्ट के दो रिकॉर्ड देगा और ये स्टार्टिंग के पांच रिकॉर्ड आपको देने वाला है ठीक है हम क्या करें इसी सीरीज के ऊपर अगर हम लोग ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे जीरो वन टू तो, थ्री फोर कुल मिलाकर के पांच रिकॉर्ड दे दिए है इस फंक्शन ने ठीक है और अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसने क्या करके दिए आपको लास्ट के दो रिकॉर्ड आपको दिए हैं टेन और इलेवन ठीक है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा हेड और टेल क्या करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा हेड फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग के और जो आपके पास टेल फंक्शन है वो लास्ट के कुछ आपको वैल्यूज देता है हेड में क्या है या टेल में भी क्या बाय डिफॉल्ट फाइव वैल्यूज आपके पास होती है नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यहाँ पर वैक्टर ऑपरेशन वैक्टर ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया जैसे कि मेरे पास एक सीरीज है एट फोर नाइन सेवन ठीक है तो यहाँ पर है एट यहाँ है फोर यहाँ है नाइन यहाँ है सेवन अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपके पास सीरीज की वैल्यू इसमें दो दो और एड हो जाए इसका मतलब नाइन प्लस टू इसका मतलब है सेवन प्लस टू और जो रिजल्ट जो रिजल्ट है वो वापस रिटर्न आ जाए ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ओबीजे और दोस्तों इसमें क्या करो ओबीजे टू ओबीजे प्लस टू जो भी वैल्यू आपके पास इस ऑब्जेक्ट की है इसमें दो और ऐड हो जाए तो जितने भी आपके पास इसमें एलिमेंट्स हैं सभी में दो दो और ऐड हो जाएंगे और जब आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको क्या देगा टेन की जगह दे देगा सिक्स और ऐसे नाइन की जगह दे देगा आपको इलेवन और सेवन की जगह दे देगा नाइन क्योंकि इन सभी में आप देख रहे हैं दो दो एलिमेंट और या दो दो वैल्यू जो है इसमें और ऐड होती जा रही है तो वेक्टर ऑपरेशन क्या करता है वेक्टर ऑपरेशन मीन

नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों आता है अपने पास सीरीज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया जैसे आपके पास एक सीरीज है जिसमें है ठीक है एक में क्या अपने पास है ऐसे ही नाइन और सेवन जो दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट है जैसे ओबीजे वन और ओबीजे टू में क्या अपने पास नहीं वो है टू फिर अपने पास एट फिर अपने पास फाइव फिर अपने पास एट और फिर है सिक्स अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये कि इसमें इधर एक कोई वैल्यू नहीं है ये क्या करेगा जब हम लोग लिखेंगे ओ वन और ओ टू तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा एट प्लस टू तो आपके पास क्या हो जाएगा टेन फोन प्लस एट आपके पास हो जाएगा ट्वेल्व आप लिखेंगे नाइन प्लस फाइव आपके पास हो जाएगा फोर्टीन आप लिखेंगे सेवन प्लस एट तो आपके पास हो जाएगा फिफ्टीन और आप लिखेंगे एम टी प्लस सिक्स अब अगर जीरो होता सपोज तब तो सिक्स आता तो ये जीरो प्लस सिक्स तो आपके पास सिक्स बन जाता या एम टी है एम को अगर आप किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका रिजल्ट क्या आएगा N, A, N, मतलब M, D, A, वाला है 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 ठीक ठीक आपको ध्यान रखना दो सीरीज ऑब्जेक्ट्स पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं एंड इट विल कैलकुलेट रिजल्ट ऑन टू कॉस्पॉन्डिंग आइटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गिवन इन एक्सप्रेशन तो आपने जो लिखा है ओबीजे वन और ओबीजे टू तो इन दोनों के ऊपर ये जो क्या करेगा इस तरीके से

और रिजल्ट क्या आएगा आपका उसका एन एन कि आपका नन आएगा ठीक है ऐसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर सकते जैसे भी भी दिखाई चुका था ठीक है मैंने आपको कहा था कि आप एडिशन अप्लाई कर सकते आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं जैसे कि जो भी सीरीज था तो एस प्लस टेन अगर आप करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप चाहे तो दो अलग अलग जो भी आपके Uh, सीरीज है उनको भी आप ऐड कर सकते हैं तो इस वाले को मैं आपको दिखाई चुका था अभी पहले भी ठीक है ऐसे ही हमारे पास है फिल्टरिंग एंट्रीज इन सीरीज ऑब्जेक्ट कंपेरिजन ऑपरेटर आप यहाँ यूज कर सकते हैं वो सारी वैल्यूज आ जाए जा जा जो कि पांच से बड़ी है या वो सारी वैल्यूज आ जाए जा 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 जो सपोज दस से छोटी है तो ऐसी कोई भी आप यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन ऐसे ऑपरेशंस आप यहाँ परफॉर्म कर सकते है अपनी सीरीज पे अब यह ध्यान रखेगा जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते तो वो कंडीशन जो जो ट्रू होगी वो रिजल्ट आपको देगा ट्रू और जो नहीं होगी वो देगा फॉल्स ठीक है तो फिल्टरिंग के लिए क्या है हम लोग कह सकते हैं यू कैन फिल्टर आउट एंट्रीज फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सप्रेशन दैट आर ऑफ बुलियन टाइप बुल ट्रू और फॉल्स आपको देगा वेन यू अपलाई कंपेरिजन ऑपरेटर डायरेक्टली ऑन अ पंडा सीरीज ऑब्जेक्ट देन इट वर्क लाइक वैक्टराइज ऑपरेशन इट मीन क्या कि वो एक एक एलिमेंट में जा जा करके चेक करेगा इसको करेगा कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर देगा ट्रू इसको करेगा नहीं है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स इसको करेगा सपोज फॉल्स इसको करेगा सपोज ट्रू इसको करेगा सपोज ट्रू तो ऑपरेशन काम करेगा एक एक एलिमेंट पे जाके काम करेगा एंड अप्लाइज द चेक ऑन ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट ठीक है ये ध्यान रखेगा आपको क्या देगा ट्रू 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 या फॉल्स 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 टाइप से वैल्यूज देगा लेकिन अगर दोस्तों आपने इसी ऑपरेशन को जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर एस इज ग्रेटर ऐसा अगर मैंने लिखा है तो ये ट्रू फॉल्स देगा लेकिन अगर मैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो वो सारी वैल्यूज देगा ट्रू और फॉल्स की जगह उनकी वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा बट इफ इन साइड ब्रैकेट जो आपने ब्रैकेट यूज करा है यू विल फाइंड दैट इट रिटर्न फिल्टर रिजल्ट कंटेनिंग ओनली द वैल्यूज ठीक है दैट रिटर्न ट्रू ट्रू वो वैल्यूज जो हो रही है वो आपको ये रिटर्न करता है ठीक है, तो आपको डिस्प्ले करेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है एट फोर नाइन सेवन ये करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ठीक है एट फोर नाइन और सेवन फिर मैं बोल रहा हूँ ओबीजे देन फाइव क्या ये फाइव से बड़ा है हाँ है ये है क्या नहीं ये है क्या हाँ ये है क्या हाँ तो दोस्तों जो ट्रू है उसके सामने ट्रू और उसके आगे फॉल्स आप देख रहे हैं लेकिन अगर आप इसी कंडीशन को आपने जो is greater than 5 लिखा इसी को आपने लिखा ओपीजी और फिर उसके बाद ब्रैकेट में आपने is greater than 5 लिख दिया तो ये आपको क्या दे रहा है वो जो भी वैल्यू ट्रू हो रही थी ठीक है जैसे एट जैसे नाइन जैसे सेवन तो जो ट्रू हो रही है बस वही आपको वैल्यू ये डिस्प्ले करता है ठीक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा आप यहाँ पर ऐसे अलग अलग कंपेरिजन ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आप शॉर्टिंग करना चाहें तो आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं शॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया कि सपोज आपके पास में लिखा था यहाँ पर ए बी सी डी और इसमें लिखा था एट सेवन थ्री और यहाँ नाइन तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास 3, 7, 8, 9. ये आप जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं ये किस पे कर रहे हैं वैल्यूज पे आप वैल्यूज पे भी कर सकते हो और आप इंडेक्स पे भी कर सकते अगर आपका इंडेक्स भी उल्टा है थोड़ा तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यू कैन सोल्ड द वैल्यूज ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज पे भी कर सकते हो और इंडेक्सेस भी कर सकते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए हमने क्या कर दिया दोस्तों यहाँ लिखा है टू थ्री सिक्स और एट और इसकी जो इंडेक्सेस है वो थोड़ा चेंज किया दोस्तों मैंने ए सी बी और बी आप ऐसा लिख सकते हैं अब देखिए मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे आप लिखेंगे ओ बी जे डॉट शॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज ये आपका एक फंक्शन है ये क्या कर देगा आपकी जो वैल्यूज है इसके हिसाब से आपको सॉर्टिंग करके देगा ठीक है जो है टू थ्री सिक्स और तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपके सामने सॉर्टेड रिजल्ट आ जाएगा ये किस पे है वैल्यूज पे अगर आप चाहते हैं दोस्तों वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना बाई डिफॉल्ट असेंडिंग है तो आप डिसेंडिंग चाहते हो तो क्या लिखेंगे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स ये आपको लिखना पड़ेगा असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स ठीक है तो ये किसके लिए बेसिस ऑन वैल्यूज और डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपके इंडेक्स है ये सॉर्टेड हो जाए तो आप क्या देखेंगे ओबीजे डॉट शॉर्ट अंडर स्कोर इंडेक्स इसमें क्या लिखा है शॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज इसमें क्या लिख रहे हैं शॉर्ट अंडर स्कोर इंडेक्स ठीक है और इसमें भी वही है बाई डिफॉल्ट ट्रू है फॉल्स करना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे असेंडिंग टू फॉल्स आप चाहे तो ट्रू भी लिख सकते हैं वैसे डिफॉल्ट आपका ठीक है जैसे इसमें डिफॉल्ट था तो ये इंडेक्सेस के बेस पर है और ये वैल्यूज के बेस पर ये दोनों के दोनों मैंने डिसेंडिंग में ही रखे हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दोस्तों अपने पास होता है री इंडेक्सिंग इसका मतलब है एक बार हमने इंडेक्स कर रखा है बाद में आप इसको मतलब चाहते हैं इसको फिर से एक इंडेक्स देना तो आप वो कर सकते हैं री इंडेक्सिंग री इंडेक्सिंग के लिए क्या करते हैं जैसे आपने लिखा है इसके इंडेक्सिंग क्या है आपके पास सी ए डी बी ये सी ए डी बी इस तरीके से आपने इसको प्रिंट करके देख लिया है

इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं स्पेसिफाइड इंडेक्स लेबल्स को भी ठीक है जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पी डी डॉट सी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 2, 7, 5, 6, इस टाइप से मैंने यहाँ स्टोर कर दिए कुछ वैल्यूज ठीक है तो ये रहा आपके पास टू सेवन फाइव सिक्स और एट अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ओबीजे डॉट ड्रॉप ऑफ टू थ्री तो ये क्या कर देगा टू और थ्री यानी कि जो इसका इंडेक्स है जीरो वन टू थ्री फोर इसका जो इंडेक्स नंबर टू है इसको आप अगर डिलीट करना चाहते हैं और जो इंडेक्स नंबर थ्री है इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप लिख देंगे ओ बीजे डॉट ड्रॉप जो भी आप नाम रख रहे हैं अपने उसका तो आप रख सकते हैं आप क्या लिखेंगे टू और थ्री इसमें पास कर देंगे दो तरीके से दोस्तों आप ड्रॉप कर सकते हैं एक जब आप ये लिखते हैं ओबीजे इक्वल्स टू ओ बीजे डॉट ड्रॉप और आप सीधा भी लिख सकते हैं ओबीजे डॉट ड्रॉप टू और थ्री बट

जो डिलीट हो चुके होंगे उसके बाद जो बचे हुए रिकॉर्ड है वो आपको ये डिस्प्ले कर रहा है ठीक है तो इन प्लेस ड्रॉपिंग इस तरीके से होता है तो फंक्शन होते हैं जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखें वन फोर फाइव नाइन सेवन ठीक है एक ए वन उसके बाद आपके पास में फोर ठीक है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज की वन फोर फाइव नाइन सेवन दोस्तों सबका सम कितना होता है मुझे

ऐसी मेन फंक्शन क्या काम करता है एवरेज देता है मीडियम नंबर आपको देगा वाला ऐसे मेन क्या करता है मिनिमम वैल्यू वैल्यू मैक्सिमम स्टैंडर्ड देता है और ऐसे रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन नल एलिमेंट काउंट जो है वो जो नल नहीं है वो काउंट करके आपको देता है दोस्तों इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं एक बार एक मैंने यहाँ पर एक कोड बना रखा है जिसमें हम लोग यहाँ एग्रीगेशन फंक्शन को देख लेते हैं ठीक है थीके? तो पर दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल है इसको एक एक करके हम लोग यहाँ कर करा के आपको बता देता हूं तो इसमें क्या करता हूं सबसे पहले तो मैं वही एक एग्जाम्पल था जो आप अभी थे। इसके अंदर मैं आपको डिस्प्ले करवा रहा सम कितना होता है अगर हम इसको देखना चाहे तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं ठीक है इसके अंदर बस एक और लगा देता हूँ आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा ट्वेंटी सिक्स इट मीन दोस्तों इन सभी का सम जो है अपने पास वो क्या है ट्वेंटी सिक्स है इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर जाकर के देखना चाहता हूँ सम की जगह इसका मीन ठीक है तो मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ मीन ये क्या कर देगा इसका मीन जो है वो यानी कि एवरेज जो है वो मुझे डिस्प्ले कर देगा ठीक है इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर इसका मीडियम देखना चाहता हूँ तो वो मीडियम कैलकुलेट करके मुझे बता देगा इसका मीडियर आ रहा है फाइव पॉइंट ज़ीरो इसी टाइप से अगर आप देखें इसके अंदर मिनिमम नंबर कौन सा है तो मिनिमम नंबर वन आपको ये डिस्प्ले कर देगा ठीक है ऐसे अगर आप इसमें देखना चाहते हैं इसका मैक्सिमम नंबर क्या है तो आप इसमें जा करके मैक्सिमम देख सकते हैं जो आपको नाइन देखने को मिल जाएगा ठीक है इसी टाइप से अगर आप देखें यहाँ पर तो आप इसमें काउंट करके भी देख सकते हैं ठीक है काउंट इसमें टोटल नंबर कितने हैं तो दोस्तों आपके पास है वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि पाँच नंबर इसके अंदर अभी है इसी टाइप से अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है बहुत सारी चीजें आपको बताएगा इसमें क्या करता है कि जैसे आपका आपका जो मेन है ठीक है और इसके साथ स्टैंडर्ड एविशन मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड एवियशन क्या काम करेगा आपके मेन के साथ साथ और भी ये बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है और फिर उसके बाद ये आपको डिस्प्ले करता है बेसिकली आपका एवरेज आपका जो मीडियन uh, है ठीक है और उन सबको ये कंपेयर करके आपको रिटर्न करता है तो इसको मैं आपको एक बार आगे और बताता हूँ जब हम लोग डेटा फ्रेम पे काम कर रहे होंगे ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी यहाँ पर इस एक तो इसको देख लिया है यानी कि हमारे एग्रीगेशन को एग्रीगेट फंक्शन को मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे दोस्तों कैसे हम लोग यहाँ पर मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं मिसिंग डेटा का मतलब क्या हो गया है वो वैल्यूज जो एम है तो उसको भी हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसके लिए भी मैं फिर से वापस शुरू कर देता हूँ अपना आइडियली और यहाँ पर मेरे पास है मिसिंग का ठीक है तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जो सीरीज है यहाँ पर सीरीज ठीक है और इसका जो मिसिंग है ये कुछ मेरे पास पहले से फंक्शन है इसमें क्या है

तो ये आपको दिखा रहा है कि ये वाला तो एन है नहीं क्योंकि ये सबसे पहले क्या दिखा रहा है आपको इसने वैल्यू पड़ी है ये वाला भी आपका एन नहीं है इसलिए इसमें भी फॉल्स लेकिन ये है आपके पास में नॉट अ नंबर ये आपका एम है इसलिए क्या दे रहा है ट्रू फिर ये वाला इसमें भी वैल्यू पड़ी इसने फॉल्स दे रहा है और यहाँ पर आपका एम है तो यहाँ आपको दे रहा है ट्रू ठीक है तो इस तरीके से आपके सामने जो भी आपके सीरीज के एलिमेंट जहाँ कहीं पर भी नन होंगे या एन होंगे उसको ये ट्रू करके आपको रिटर्न कर देता है ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा इसी टाइप से दोस्तों हम करें। जैसे मैं इसको एक बार देता हूं। अगर हम बात वन टू उसके बाद क्या नन तो ये एक है। इस एम की जगह आप क्या फिल करना चाहते है तो हमारे पास एन ए में जीरो मतलब फिल कर दो वो वैल्यूज है वहां पे जीरो कर दो तो इसका रिजल्ट रिजल्ट आपके पास क्या आने वाला है वन टू ठीक है उसके बाद जीरो देन 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 जीरो इस दिखाएगा ठीक है तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ सेव करता हूँ रन करता हूँ आप देखेंगे वन टू जीरो फोर जीरो सिक्स यानी कि जो आपके पास एम था उसको इसने यहां पर जीरो से फिल कर दिया है अब देखिए आपके पास एक और तरीका है ठीक है आपके पास है एफ फिल यानी कि फॉरवर्ड फिल तो यानी कि आपके पास ये जो टू है ठीक है ये आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा आप देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है इसमें क्या है आपके पास वन टू यानी कि इस वाले में टू आ जाएगा और इस वाले में आपके पास पीछे जो भी ये वैल्यू वो फोर वो आपके पास आ जाएगी तो आप देखिए वन टू टू फोर फोर सिक्स कौन दे रहा है आपको ये एफ फिल ठीक है एफ फिल के बाद आपके पास आता है एक बी फिले की बैकवर्ड फिल भी आपके पास होता है इसमें क्या आप जाएगा वन टू पहले क्या था, 1, 2, 2 हो रहा था। क्या हो जाएगा कि जो next वाली वैल्यू वो पीछे आ जाएगी इस बार इसका ठीक है 1, 2, 4, 4, 6, 6, इसको भी रन करके देखते हैं वन टू फोर फोर सिक्स सिक्स यानी कि बाद वाली वैल्यू पहले आ रही है ये आपके ऊपर है आप कौन सा इसको यूज करना चाह रहे हैं ठीक है तीन टाइप के फंक्शन मैंने बताया फिले के अंदर एक था फिलहने एक था फिल आपके पास एफ फिल और दूसरा आपके पास है बी फिल फंक्शन ठीक है इसी टाइप से अब एक चीज और बता देता हूँ आपके बुक में अगर आप देखें शायद तो आपको वहाँ पर अलग अलग एट्रीब्यूट मिल सकता है फिल एने के अंदर ही ठीक है तो फिल एने के जो एट्रीब्यूट है वो बांट चुके हैं उसकी जगह ये फंक्शन आपके पास आ चुके हैं ऐसे ही अगर हम देखें तो ड्रॉप एने ड्रॉप एने का मतलब है उसको डिलीट ही कर दो ठीक है यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ वन टू सीधा फोर सिक्स नन नन जो भी लिखे हैं उन सभी को अपन डिलीट करके देखते हैं तो ये क्या कर रहा है उस सभी को डिलीट कर देगा ड्रॉप ठीक है तो ड्रॉप करना चाहते हो आप एन को तो आप यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन यूज कर सकते हो इसी टाइप से दोस्तों आपके पास एक और है अगर आप आ, कह सकते हैं कि जहां पर एम उसकी वैल्यू करना चाहते हैं तो वो आप जो फिल्म एन ए में देखते वैसा ही है लेकिन यहाँ आप चाहे तो किसी और को भी रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं किसी एने को रिप्लेस करना है या किसी और को भी करना है तो कर सकते हैं एन को तो वैसे में दिखा चुका हूँ फिल एन के साथ में भी लेकिन अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो जैसे वन टू None, four, none, अब को 2, 50. मतलब दो, लिखा है, नहीं पे दो लिखा है उसकी जगह क्या हो जाए अपने पास फिफ्टी हो जाए ठीक है मैं फिर कह रहा हूँ वैल्यूज में चेंज कर देगा इंडेक्स में नहीं ठीक है तो आप इस तरीके से बदल सकते इंडेक्स में करना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एस डॉट या सोरी एस के अंदर ब्रैकेट करके आप टू वो इंडेक्स बता करके आप इक्वल्स टू करके चेंज कर सकते थे लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यूज को बदलना है तो आप रिप्लेस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा तो हमने अभी यही बातें करी है कि कैसे आप मिसिंग डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है इस एन और इज नल ठीक है इज एन या इज नल दोनों ही फंक्शन है आप यूज कर सकते हैं मैंने आपको इज एन बता दिया अगर आप चाहें तो इस आप नल को भी यूज कर सकते हैं ऐसी नॉट एनी और नॉट नल नाम का भी फंक्शन होता है जो ये बताता है कि ये नल है या नहीं है ये क्या बताएगा नल है तो ट्रू बताएगा जबकि ये नल नहीं है तो ट्रू आपको बताएगा ठीक है अ रिटर्नियन सीरीज ठीक है इंडिकेटिंग एफ वैल्यूज आर एन एन जबकि क्या करे वेदर इच एलिमेंट इज नॉन नॉट मिसिंग ठीक है अगर सारी वैल्यूज है तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा ऐसे ही अगर आप फिल करना चाहते तो क्या यूज करेंगे दोस्तों एस डॉट फिल एन ए या फिर आप फिल एन ए ठीक है इसके अंदर मैथड आपके पास जो है ऐसे लिखना पड़ता है एट्रीब्यूट ठीक है लेकिन मैंने आपको अभी अभी कहा है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट जो है वो आप देखेंगे आपकी बुक में भी होगा बट इसकी जगह आपको जो फंक्शन यूज करना है वो क्या है एस डॉट ठीक है एफ फिल है इसी तरीके से यहाँ पर एस डॉट बी फिल है ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा फंक्शन अब आपके चेंज हो चुके हैं नए वर्जन में पहले आपके पास एफ फिल एन के अंदर ठीक है एफ फिल एन के अंदर मैथड इक्वल्स टू फिल आपको लिखना पड़ता था इसी टाइप से अगर आप ड्रॉप करना चाहें तो कैसे करेंगे दोस्तों वो मैंने बता दिया जो भी हैं उन सभी को डिलीट कर देगा और आप रिप्लेस कैसे करना चाहते हैं वो भी आपके पास था एस डॉट रिप्लेसमेंट टू कहूंगा फिफ्टी था तो जो वैल्यू जहां पर टू वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू को फिफ्टी कर देगा आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेशन है जो हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस कर करे थे अब देखिए ये जो कोड मैंने लिखा है उसी को अपन वापस यहाँ पर देख सकते जो भी हमने एक एक करके एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आपको बताया है है ठीक हेलो फ्रेंड्स क्लास में अब हम लोग बात करने वाले सीरीज वर्सेज वनडी डेटा स्ट्रक्चर एंड नम्पाई एरे को लेकर के तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि जो सीरीज है और जो लिस्ट है अपने पास उसमें क्या कुछ डिफरेंसेस है और ऐसे ही दूसरे और भी डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट वर्सेस लिस्ट को लेकर के जो हमारे पास में सीरीज होती है यानी कि पांडास का एक डेटा स्ट्रक्चर है और जो अपने पास में पाइथन में लिस्ट है उनमें क्या कुछ डिफरेंस है ये हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन को लेकर के बात करते हैं दोस्तों ये आपके पास वन डायमेंशनल लेबर एरे होता है

ये कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं लिस्ट को लेकर के तो लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर करेक्शन है इसका मतलब जीरो उसके बाद वन उसके बाद टू इसी तरीके से चलेगा तो दोस्तों जो आपके पास लिस्ट होती है वो इस तरीके से चलती है या फिर लास्ट वाले का एड्रेस होता है माइनस वन उससे पहले वाला माइनस टू माइनस थ्री ऐसे करते हुए आप चल सकते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं इंडेक्सेस होता है एक फॉरवर्ड और एक होता है आपके पास बैकवर्ड तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जबकि यहां वन डायमेंशनल के अंदर अगर अपन बात करें तो लेबल्ड एरे होता है इंडेक्सिंग को लेकर के बात करें तो आप इंडेक्स जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं जबकि यहां पर हमेशा आपके पास इंटीजर बेस्ड ही रहने वाला होता है हमेशा जैसे मैं आपको बताता पे चलता है टाइप्स को लेकर के बात करें तो दोस्तों आपके पास होमोजीनियस है मतलब ऑल एलिमेंट्स जब मन कह सकते हैं मस्ट बी वन ऑफ द सेम डेटा टाइप या तो आपका पूरा डेटा किस टाइप का होगा इंटीजर या आपके पास वो पूरा डेटा होगा फ्लोट या फिर वो सारा का सारा डेटा होगा स्ट्रिंग तो आपके पास ये ये या फिर ये कोई भी एक डेटा आप ले सकते हैं लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं फिर वो सब एक ही टाइप के आपके पास होने वाले हैं जबकि लिस्ट को लेकर के बात करें तो दोस्तों लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा भी डाल सकते हैं हो सकता है आप इंटीजर डाल दें हो सकता है आप उसके अंदर फ्लोट भी डाल दें और हो सकता है लिस्ट के अंदर आप लिस्ट भी ले लें जैसे कि आप

ठीक है तो लिस्ट में क्या है नो बिल्ट इन वैक्टराइज ऑपरेशन लिस्ट के अंदर ऑपरेशन नहीं होता है ठीक है इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है? है लूप लूप चलाना पड़ता है के बेसिस पर आप ये सारे काम कर सकते हैं अगर बात करते हैं मिसिंग डेटा हैंडलिंग को लेकर के तो कैन हैंडल मिसिंग डेटा विद एन एन वैल्यू जबकि हमारे पास लिस्ट के अंदर दोस्तों नो बिल्ड इन सपोर्ट फॉर मिसिंग डेटा इसके लिए आपको फिर जो है वो कस्टम हैंडलिंग करनी पड़ती है ठीक है तो इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर खुद अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं जबकि सीरीज में आप इसको कह सकते हैं कि इनबिल्ड इसके फीचर्स हैं इसी टाइप से अगर हम बात करें कि इंटीग्रेशन को लेकर के तो हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेल टू तो पांडास डेटा फ्रेम आप सीरीज के बेस पे डेटा फ्रेम बना सकते हैं जबकि आप बात करें नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विथ पांडास यही डायरेक्ट आपके साथ जो है वो लिस्ट वो पांडास के साथ कनेक्ट नहीं होता है ठीक है बट कैन बी कन्वर्टेड टू सीरीज और डेटा फ्रेम आपको क्या करना पड़ेगा लिस्ट को बनाना ऑक्यूपाई तो करता है थीके? क्योंकि इसकी जो कह सकते हैं है तो मोर मेमोरी एफिशियंट ड्यू टू फिक्स डेटा टाइप जबकि अगर हम लिस्ट को लेकर के बात करें तो लेस मेमोरीट होता है मिक्सड टाइट तो आप यहाँ पर जो है वो जनरली लिस्ट को ज्यादा यूज करेंगे सीरीज के बजाय क्योंकि ये जो है वो इसकी साइज जो है मेमोरी में वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है इसी टाइप से परफॉर्मेंस को लेकर के बात करें तो सीरीज जो है वो फास्टर है ठीक है तो फास्टर फॉर लार्ज स्केल डेटा ऑपरेशन ड्यू टू ऑप्टिमाइजेशन जबकि अगर अपन बात करते हैं लिस्ट को लेकर के तो स्लोअर फॉर लार्जर स्केल ठीक है तो ये थोड़ा अगर बड़े लेवल पे बात करेंगे तो लिस्ट जो है वो थोड़ी धीरे काम करेगी उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होगी यूज केस की बात करें तो कह सकते हैं सुटेबल फॉर लेबर डेटा टाइम सीरीज एंड लार्ज स्केल डेटा ऑपरेशन जबकि लिस्ट को लेकर के बात करें तो सुटेबल ऑफ जनरल प्रोग्रामिंग एंड स्मॉल कलेक्शन ऑफ डेटा तो थोड़ा ही डेटा है आप यहाँ यह लिस्ट को यूज कर सकते हैं बड़ा डेटा है लेबल डेटा है तो फिर आप यहाँ पर सीरीज को यूज कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हमने बात करा है सीरीज और लिस्ट में क्या डिफरेंस है अभी हम बात करेंगे सीरीज और डिक्शनरी को लेकर के इनमें क्या डिफरेंस है तो देखिए

तो सीरीज आपके पास कह सकते हैं डुप्लीकेट भी हो सकता है इंडेक्स जबकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है डेटा टाइप को लेकर के बात करें तो होमोजीनियस होता है होमोजिनियस का मतलब क्या होगा ऑल एलिमेंट मस्ट बी सेम टाइप जबकि ये आपके पास हाइड्रोजीनियस है बिल्कुल है, जैसे कि लिस्ट की तरह ठीक है तो इसमें आपके पास की और वेन्यू का पेयर होता है और ये सभी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं

यूज करना पड़ेगा गेट फंक्शन को इसी तरीके से दोस्तों अगर तो बात करते हैं हम लोग तो हमारे पास आएगा मेमोरी को लेकर के तो मोर मेमोरी है जबकि यहाँ पर लेस मेमोरी होगा ठीक है इसी टाइप से परफॉर्मेंस को लेकर के बात करें तो लार्ज स्केल पे आप इसको यूज कर सकते हैं न्यूमेरिक कम्प्यूटेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं जबकि इसको बात करें तो कह सकते हैं कि एफिशियंट फॉर लुकअप एंड इंसर्शन बट नॉट ऑप्टिमाइज फॉर न्यूमेरिकल कम्प्यूटेशन तो ठीक है आप डेटा स्टोर कर सकते हैं ठीक है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लेकिन अगर अपन बात करें न्यूमेरिकल कंपटीशन uh, को लेकर के मतलब कैलकुलेशन uh, वगैरह उस लेवल पे तो यहाँ आप इसकी जो है परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है इसी टाइप से इंटीग्रेशन को लेकर के बात करें तो कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ पांडा डेटा फ्रेम एंड कैन बी इजीली कन्वर्टेड कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग टू फ्रॉम अदर पांडा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे में जैसे कि डेटा फ्रेम में या किसी और में भी अगर आप बदलना चाहें सीरीज को तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं जबकि इसमें क्या कैन बी कन्वर्टेड टू अ सीरीज ठीक है और डेटा फ्रेम बट नॉट इनहेरेंटली पार्ट ऑफ पांडास यूज की बात करें तो कह सकते हैं आइडियल फॉर न्यूमेरिकल डेटा बात करें तो ये क्या है की और वैल्यू के पेयर में अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है टेबल या की तरह तो तो आप इसको यूज कर सकते हो तो डिक्शनरी हम लोग पहले भी यूज करके दे चुके ठीक है इसी टाइप से दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सीरीज और वनडी नम्पाई एरे को लेकर के बात करें तो नम्पाई क्या हो गया आपके पास में ये भी आपके पास एक लाइब्रेरी है जैसे कि पांडाज होती है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो लंपाई को डाउनलोड करना पड़ेगा इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपने कोड के अंदर इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद आप इसको यूज करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है इन केस ऑफ एनडीएर एस यू कैन परफॉर्म वैक्टोराज ऑपरेशन ओनली इफ द शेप ऑफ टू एनडीएस मैच इसका मतलब वैक्ट्रेज ऑपरेशन क्या हो गया कि जैसे कि आपके पास इसके अंदर सपोज तीन एलिमेंट है और दूसरे के अंदर भी अगर आपके पास तीन एलिमेंट है तो ही आप यहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे अगर आप किसी भी टाइप के आ, कह सकते हैं कि पास इक्वल होने चाहिए शेप ऑफ टू एंडी एरेज मैच दोनों के शेप दोनों की साइज अगर इक्वल है तो अदरवाइज आपको क्या दे देगा एरर लेकिन मैं बता चुका हूँ सीरीज में क्या होता है हमने प्रैक्टिकली करके देखा है दोस्तों अगर ऑपरेशन कर रहे हैं और दोनों की अगर यहां पर लेंथ इक्वल नहीं भी है ठीक है? तो हमने क्या आपको कौन सी इसी टाइप से इन एनडीए कह सकते हैं आपके पास इंडेक्स अगर मैं ऐसे कहता हूं तो यहाँ पर आपके पास इंडेक्स क्या होगा देन टू देन थ्री इस तरीके से जबकि सीरीज में क्या होता है सीरीज में आप इंडेक्सेस बदल सकते हैं इसकी जगह ए इसकी जगह बी इसकी जगह सी इसकी जगह डी या कुछ और भी कुछ और नाम कुछ और वैल्यू रखना चाहते हैं आप इंडेक्स में तो वो भी आप कर सकते हैं यानी कि अगर मैं कहूँ तो इंडेक्सेस हमेशा न्यूमेरिक रहेंगे किसमें वन डी नम्पाई एरे में जबकि आप यहाँ पर लेबल्ड इंडेक्स है तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं ऐसे ही दोस्तों अगर अपन टेबल देखें डिफरेंसेस तो क्या हो वो जिनमें सेम टाइप होता है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं इसमें भी आपको बोल रहा है इट इज स्टोर ओवोजीनियस एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप इसमें भी आपका डेटा टाइप सेम ही रहेगा और इस वाले में भी आपका सेम डेटा टाइप ही रहने वाला है टाइप ये तो आप इंडीजर रखेंगे या फ्लोट या कोई और टाइप इट सपोर्ट एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग ठीक है जबकि इसमें क्या बोल रहा है इट डज नॉट सपोर्ट एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग तो इसमें आपके पास आप अपने हिसाब से इंडेक्सेस नहीं कर सकते सीरीज में आप अपने हिसाब से इंडेक्सेस रख सकते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास जीरो से ही शुरू होता है फिर सपोर्ट इंडेक्सेस ऑफ न्यूमेरिक आप इसके अंदर इंडेक्सेस को न्यूमेरिक के साथ साथ स्ट्रिंग भी रख सकते हो जबकि इसमें क्या आपके पास हमेशा है ऐसे ही इट कैन परेशन कर सकते हैं जबकि वन डी में क्या इट कैन परफॉर्म वैक्टराइज ऑपरेशन ऑन टू एंड ओनलीम शेप आपके पास होंगे अगर शेप मैच होंगे तो यही कर पाएगा जबकि इस वाले में आपके पास यहाँ कह सकते हैं एन एन आपको दे देगा ठीक है इसी टाइप से इट टेक मोर मेमोरी कम्पेयर एरे जबकि जो मेमोरी uh, है वो कम ऑक्यूपाई करता है तो बहुत क्लास में अब हम लोग बात करने वाले हैं अपना एक और नया डेटा स्ट्रक्चर इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं सीरीज को लेकर के तो जो सीरीज है अपने पास वो क्या है दोस्तों वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर था लेकिन अगर अपन बात करें पांडास के दूसरे और एक टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के तो ये है आपके पास डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल होता है मैं आपको सीरीज के साथ में ऑलरेडी करके दिखा चुका था प्रैक्टिकली हम लोग बात कर चुके थे कि डेटा फ्रेम हम लोग कैसे बनाते हैं तो एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले क्योंकि फ्रेश टॉपिक शुरू हो रहा है डेटा फ्रेम तो डेटा फ्रेम होता क्या है कैसे क्रिएट करते हैं कैसे हम उसको एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट्स को एक एक रो को एक एक कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं उनके एट्रीब्यूट क्या है उसपे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं ऐसे बहुत सारी बातें करने वाले है सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जैसे एक्सेल की फाइल अपने पास होती है तो उसमें क्या है कि रोज और कॉलम्स में हमारा डेटा स्टोर होता है तो यहाँ पर भी क्या है कि हमारा जो डेटा है आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास क्या है बहुत सारे कॉलम्स है जैसे कि ये अपने पास है कॉलम नंबर वन कॉलम नंबर टू कॉलम नंबर एज्यूम कर सकते हैं आपके नाम है तो मैं यहाँ मान लेता हूँ ये कुछ लिखा है मैंने नेम ये हो सकता है कि क्या हो सकता है उसकी एज ये हो सकता है उनके कोई कॉन्टेक्ट नंबर या मार्क्स ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है कोई स्टूडेंट से दोस्तों उसका नाम है सपोज की स्नेहा मैं यही एग्जाम्पल बार बार ले लेता हूँ दोस्तों ये है हैव्या ठीक है और इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एक और नाम जो की था वंश अब देखिए उनकी जो एज है सपोज सेवनटीन एटीन या सेवनटीन जो भी उनके मार्क्स है सपोज 98 एट है 97 सेवन है नाइन्टी नाइन है अगर अपन बात करें कंप्लीट रो को लेकर के तो ये क्या है अपने पास एक रिकॉर्ड है ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये एक बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं जनरली अगर देखें तो दोस्तों जो हमारे पास फर्स्ट रो होता है ठीक है उसका जो इंडेक्स है वो हमेशा हमारा क्या होता है बाय डिफॉल्ट जीरो वन और टू इसी टाइप से जो कॉलम्स है उनका भी इंडेक्स क्या होगा जीरो वन और आप चाहें तो इनके कॉलम्स या इंडेक्सेस को बदल सकते हैं तो हम इसको आके देखेंगे भी पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर ऐसा एक डेटा फ्रेम बनाएंगे डेटा फ्रेम को बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन का नाम भी क्या है सिम्बल सा डेटा फ्रेम जैसे हम सीरीज बना रहे थे इसमें आप कह सकते हैं कि टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है इसलिए आप इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स में अलग अलग टाइप का डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ तो दोस्तों अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर क्या है कलेक्शन ऑफ सीरीज है जिसमें बहुत सारी कॉलम्स या बहुत सारी सीरीज अपने पास हो सकती है ठीक है तो हम फिर से बात कर लेते हैं डेटा डेटा फ्रेम फ्रेम क्या है फ्रेम इन इज टू डायमेंशनल ये तो क्या है एक तो टू डायमेंशनल है जिसमें आपके पास रोज और कॉलम्स दोनों दो फॉर्म में हम बात करते हैं तो ये अपने पास रोज और ये रहे हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स तो आपके पास टू डायमेंशनल है दूसरा बात करते हैं साइज ब्यूटेबल है मैंने आपको याद होगा सीरीज में ऐसा कहा था कि अगर आपने एक सीरीज बनाई जिसके अंदर सपोज आपने फोर एलिमेंट्स स्टोर किए जिसकी इंडेक्स जीरो वन टू थ्री थी इसके अंदर अगर आपने फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे कोई भी वैल्यू डाल दी अब दोस्तों बाद में आप इसके अंदर कोई भी एक और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं करना कर सकते हैं और अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आप ड्रॉप या डिलीट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते अगर आप ऐड या डिलीट करते हैं तो होगा क्या एक नई सीरीज बन जाएगी मान लो कि आपने इसमें से कुछ डिलीट कर दिया आपने कर दिया फाइव सेवन और एट तो दोस्तों पहले जो सपोज एस इसको पॉइंट कर रहा था अब एस इसको पॉइंट करेगा एक नई सीरीज बनेगी इंटरनली जो एक्चुअल में हमको पता नहीं चलती है ठीक है तो आप एक्चुअल में उसमें ऐड या ड्रॉप या डिलीट नहीं कर सकते हैं तो लेकिन यहाँ आप कर सकते हैं इसकी साइज म्यूटेबल है आप डेटा फ्रेम के अंदर एक और नया रिकॉर्ड अगर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं एक नया कॉलम अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है है तो ये आपके पास क्या साइज हाइट्रोजीनियस हाइट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हैं और आप इसके अंदर यहाँ पर जो है वो फ्लोट वैल्यू भी रख सकते हैं और आप दोस्तों यहाँ पर किसी के अंदर यानी कि स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते तो डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें तो लेबल्ड इंडेक्स है लेबल्ड इंडेक्स का मतलब क्या कि जो बाय डिफॉल्ट आपके पास जीरो वन है। आप इसको बदल सकते हैं कॉलम के नाम या जो भी आपके पास इनकी लेबलिंग है वो आप चेंज कर सकते हो तो लेबल्ड इंडेक्स है रोज और कॉलम्स में दोनों में इंडेक्स है यहाँ पर भी आपके पास एक इंडेक्स होगा और यहाँ पर भी आपके पास एक इंडेक्स होता है फिर कह सकते हैं कि सिमिलर टू अ अ टेबल इन डेटा फ्रेम एन एक्सेल स्प्रेडशीट तो कह सकते हैं एक्सेल की तरह ही आपके पास ये होता है एक बार अपन एक्सेल देख लेते हैं जैसे मैं आपको एक्सेल एक बार ओपन करके दिखाऊं तो दोस्तों एक्सेल में क्या होता है हमारे पास में जो वर्क बुक है उस वर्क बुक में एक शीट है और शीट के अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक एक्सेल की फाइल हम लोगों ने ओपन कर दी है और इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं ठीक है

ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया सपोज भव्य भव्या की एज लिख दी और भव्या के मार्क्स लिख दिए ऐसे मैंने यहाँ पर सपोज वंशिका लिख दिया वंशिका की एज लिख दी और उसके भी मैंने कुछ मार्क्स मैनेज कर दिए तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर आपके पास क्या है मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स मतलब यहाँ अगर आप देखें तो ये एक रो है ये आपके पास जिसके अंदर आप ये डेटा देख रहे हैं ठीक है ठीके? और ऐसे ही आपके पास ए बी सी ये सब क्या आपके पास कॉलम्स तो रोज और कॉलम्स का जो आपके पास में कलेक्शन है ये यह, यहाँ पर क्या कहलाता है डेटा फ्रेम ठीक है डेटा फ्रेम तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम बात कर लेते हैं फिर से टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल क्यों क्योंकि इसमें आपके पास रोज और कॉलम्स होती है मेक इट टू वर्क डेटा तो आपके पास में टू डायमेंशनल है टू डायमेंशनल है तो आपके पास में कॉलम्स भी होते हैं अलग अलग और आपके पास में यहाँ पर रोज भी होती है फिर साइज म्यूटेबल यू कैन एड और रिमूव रोज एंड कॉलम्स जैसा मैंने आपसे कहा है ठीक है इसका मतलब क्या डिफरेंट टाइप का डेटा इसके अंदर आ सकता है इसी टाइप से लेबल इंडेक्स इसमें आप इंडेक्स जो है वो चेंज भी कर सकते हैं कॉलम के नेम भी आप मैंशन कर सकते हैं अब हम बात कर लेते दोस्तों जो डेटा फ्रेम है वो बनाते कैसे तो हमारे पास के एक फंक्शन है उस फंक्शन का नाम ही क्या है डेटा फ्रेम ठीक है हमको क्या लिखना है डेटा फ्रेम का डी कैपिटल और फ्रेम का एफ कैपिटल तो हम क्या लिख देंगे जो भी हमारे पास फंक्शन अभी ये फंक्शन है किसका डेटा फ्रेम फंक्शन किसका दोस्तों पांडास का तो हम हाँ क्या लिखते हैं पांडास डॉट डेटा फ्रेम या अगर आपने इसका नाम रख रखा है ठीक है पी तो हम हाँ क्या लिख देंगे पी डी डॉट डेटा फ्रेम और ये जो एरिया मतलब फंक्शन के बीच में हम यहाँ पर कोई भी अपना डेटा यहाँ पर पास करेंगे जब पास करेंगे तो ये उसको क्या बना देगा डेटा फ्रेम तो यही हम लोग देखते हैं इम्पोर्ट ठीक है पांडास एस पी इसी चीज को मैं आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता देता हूँ हम लोग यहाँ पर अपना एक आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों मैं एक नई फाइल बना देता हूँ क्या लिख दूंगा पहले तो इम्पोर्ट पांडास एस पी और फिर मैं यहाँ जाके क्या लिख दूंगा सपोज की पी डॉट डेटा फ्रेम और दोस्तों अगर आप इसमें कोई वैल्यू पास कर दोगे तब तो क्या है कि ये वैल्यू वाला मतलब नॉन एम टी दिखाएगा और अगर आपने इसमें कुछ भी पास नहीं किया तो ये क्या कर देगा एक एम डेटा फ्रेम बना के दे देगा आप इसको किसी भी वेरिएबल में रख सकते हैं मैंने सपोज डी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया पी डॉट डेटा फ्रेम अब मुझे क्या करना है दोस्तों इसको जाकर के सिंपल सा प्रिंट कर देना है किस को डी एफ को ठीक है इस फाइल को सेव करना है आप सेव कर सकते हैं मैं इसका नाम सपोज डेमो कर देता ठीक है और इस कोड को हम एक बार रन करते हैं आप देखेंगे इसके अंदर कॉलम और इंडेक्सेस क्या है है आपके पास इसका मतलब हमने पर अपना एक डेटा फ्रेम बना लिया है, जो कि एम टी डेटा फ्रेम है ठीक है तो हमको एम टी डेटा फ्रेम बनाना आ गया होगा दोस्तों सिंपल है वो तीन लाइन का कोड था यहाँ पर मैंने लिख के बता भी दिया है नेक्स्ट है हमारे पास में कि अगर आप नॉन एम टी बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं दोस्तों नॉन एम बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके इनमें से किसी भी को भी आप यूज कर सकते हैं आप चाहे याद रखिएगा चीज को जरूर देखिएगा आपसे बोलते हैं क्वेश्चन में लिखा होता है आपसे पूछेंगे यूजिंग लिस्ट ऑफ लिस्ट या आपसे पूछा जा सकता है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ठीक है अब टू डी नम्पाई आ क्योंकि नम्पाई तो अपना आ रही तो इसके क्वेश्चन आने के चांस नहीं लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐसे डिक्शनरी ऑफ सीरीज के थ्रू बना सकते हैं ठीक है आपके पास पहले से वो डेटा फ्रेम बना हुआ है उस डेटा फ्रेम से आप एक नया डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं CSV फाइल से बना सकते हैं अगर आप चाहे तो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर फोर भी है और आप यहाँ पर एक्सल की फाइल से भी अपना एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं इन सभी को दोस्तों एक एक करके हम प्रैक्टिकली समझते हैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट डिक्शनरी ऑफ लिस्ट में आपको क्या करना है आपको यहाँ पर जाकर के बस एक डिक्शनरी बनानी है इसके लिए आप क्या लगाओगे करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस के अंदर क्योंकि आप जानते हो डिक्शनरी है तो एक तो क्या लिख देंगे हम लोग उसकी की और जो वैल्यू है वो मल्टीपल वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे इसको भी दोस्तों प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं यहाँ पर मैं जाकर के एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं जिसका नाम रख देता हूँ सपोज की डेटा ठीक है डेटा इक्वल्स टू मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना देता हूँ और इस डिक्शनरी को मैं इसमें पास कर देता हूँ अभी इसके अंदर काम क्या करना है वो देख लेते हैं इसमें क्या करें दोस्तों हम लोग तीन एलिमेंट्स ले रहे हैं एक है नेम एक है एज एक है मार्क्स तो मैं इसमें जाके लिख देता हूँ एक तो नेम है अपने पास ठीक है मैं इसमें जाके लिख देता हूँ नेम इस तरीके से और जो नेम है अपने पास में इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ कोई लिस्ट ले लेता हूँ ठीक है तो मैं इसके अंदर नाम लिख देता हूँ जैसे अपन ने पहले भी लिखा था स्नेहा या फिर भव्या या फिर दोस्तों ऐसे ही मैं लिख देता हूँ वंशिका ठीक है ऐसे कुछ नाम आ गए अब देखिए ये आपके पास में यहाँ पर अगर, अगर अपन बात करें तो एक की है ठीक है इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा नेम के बाद आप क्या लिख ले लेंगे जैसे कि मैं ले लेता हूँ एज ठीक है इस एज में भी वैल्यू डाल देंगे और फिर अपन क्या देख लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे मार्क्स ठीक है तो मैं लिख देता हूँ मार्क्स और मार्क्स के अंदर अपन यहाँ पर मार्क्स को प्रोवाइड करा देंगे तो यहाँ पर वो क्या रहा है? जाते हैं हम लोग सपोज एन सेवनटीन नाइनटीन जो भी आप लिखना चाहेंटी 97 और सपोज की 87 अब ये जो डेटा अपन ने पास कर दिया वो हम लोग यहाँ ला करके देख रहे हैं क्या करना है दोस्तों एक बार सेव करें रन करके देखेंगे आपके सामने यहाँ पर जो नेम एज और मार्क्स है ये क्या है? इसके कॉलम बन गए और यहाँ पर हम लोग उसकी कोई वैल्यू पास कर सकते हैं ये अपने कॉलम बना दिया नेम जिसमें स्नेहा स्नेहाव्या वंशिका लिखा है एज जिसमें लिखा है और मार्क्स जिसमें नाइनटी एट और ऐसे कुछ वैल्यूज मैंने प्रोवाइड कर दिए तो देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा है अभी यहाँ पर फॉर्म अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हमने क्या कर दिया डिक्शनरी ऑफ लिस्ट प्रोवाइड कर दी ठीक है जो लिस्ट है हमारे पास ये लिस्ट उसको हमने प्रोवाइड किसमें है, में। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा इसी टाइप से अगर हम बात करें नेक्स्ट नेक्स्ट तो next है अपने पास यहाँ पर क्या है वो लिस्ट लिस्ट ऑफ इसमें क्या करे हम लोग ऐसी मल्टीपल लिस्ट यहाँ प्रोवाइड कर देंगे तो इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है और यहाँ पर जाकर के हम लोग क्या करते हैं अभी जो हमने डिक्शनरी बनाया था ठीक है इस डिक्शनरी की जगह हम लोग बना रहे हैं अब अपने लिस्ट 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 ऑफ है इसके इस लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाते हैं हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या करना होता है हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होता है इसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू पास कर देंगे जैसे कि मैंने लिखा था स्नेहा ठीक है और स्नेहा जो है उसकी एज मैंने सपोज मैंशन कर दी उसके मार्क्स मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए कॉमा करते हैं ऐसे ही हमारे पास एक और वैल्यू हम लोग ले लेते हैं जैसे मैंने स्नेहा का लिखा मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट वंशिका वंशिका जिसकी एज है सपोज सेवेंटीन ईयर और उसकी मार्क्स uh, में ऐसे कुछ मेंशन कर देता हूँ ठीक है और ऐसे ही हमारे पास एक और लिस्ट है जिसमें मैं लिख देता हूँ सपोज की बव्या और बव्या जो है सपोज की दोस्तों ये भी एटीन और इसके मार्क्स नाइनटी सिक्स कर देता हूँ अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है और इस लिस्ट को हम लोग यानी कि इस डेटा को हम लोग यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं सेव करते हैं रन करते हैं आप देखेंगे फिर से आपके पास ये आपकी डिक्शनरी बन गई दोस्तों आप अगर आप यहाँ पर अगर डिक्शनरी के थ्रू डेटा पास करते तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो उसकी की है वो यहाँ पर क्या बन जाती है कॉलम्स और अगर आप चाहते हैं मैनुअली खुद इसको कॉलम्स देना तो फिर आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कॉलम्स ठीक है आप लिख देंगे कॉलम्स इक्वल्स टू और इसमें आप जाके लिख सकते हैं नेम ठीक है आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं एज और आप लिख सकते हैं मार्क्स इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं सेव करके अगर आप रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो जीरो वन टू आ रहा था वहां आपका क्या आ गया नेम एज और मार्क्स आ चुका है ठीक है तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं अपना कॉलम देना तो आप कॉलम दे सकते हैं और अगर आपको लगे नहीं देना है तो फिर वो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है जीरो वन और टू इस तरीके से ये भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कैसे आप लिस्ट ऑफ लिस्ट या यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी इसमें क्या है मल्टीपल डिक्शनरीज है एक डिक्शनरी रही एक डिक्शनरी ये रही एक डिक्शनरी ये जिसमें मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ तीन की वैल्यू दे रहा हूँ एक है नेम एक है एज एक है मार्क्स ठीक है उसको भी वापस से प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ दोस्तों तो हम लोग क्या कर लेंगे लिस्ट ऑफ क्या है अपने पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरी तो इस लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ एक डिक्शनरी बना देता हूँ ऐसे ही और भी बहुत सारे डिक्शनरी मैं यहाँ क्रिएट करता जाऊंगा तो एक दो और तीन हम लोग को यहाँ पर तीन डिक्शनरीज को यूज कर लेते हैं ठीक है तो मैं एक दूसरी और ये रही अपने पास थर्ड डिक्शनरी इसमें जाके क्या लिख देंगे मैं जाके लिख देता हूँ नेम ठीक है मैंने क्या लिख दिया है नेम और जो नेम है अपने पास वो है सपोज की मैंने लिखा है जैसे स्नेहा स्नेहा इसके साथ इसकी जो एज है ठीक है तो एज में कर देता हूँ ही लाइक एटीन और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मार्क्स ठीक है तो मैंने लिख दिया मार्क्स और मार्क्स इसके आए हैं सपोज यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सपोज की नाइनटी से ठीक है सेम टू तो सेम चीज अपन को यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी इसके बाद यहाँ पर भी जाके क्या लिख देंगे नेम ठीक है तो ये अपना नेम इसका नेम क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर सपोज की भव्या ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा एज तो जो एज है वो क्या है अपने पास सेवनटीन सपोज और लास्ट अपने पास क्या रहेगा मैं लेता हूँ मार्क्स तो मार्क्स आपको क्या लेना है जो भी आप लेना चाहें मैं इसको कर देता हूँ सपोज की 94 और तीसरा अपन एक और ले लेते हैं सपोज इसको भी जाके कर देता हूँ मैं नेम और इसका जो नेम है वो मैं कर देता हूँ सपोज की वंशिका ठीक है तो ये अपने पास यहाँ पर वंशिका इसी तरीके से वंशिका की मुझे यहाँ पर क्या बतानी पड़ जाएगी एज ये एज सपोज की इसकी एज में सेवनटीन कर देता हूँ और लास्ट अपन यहाँ पर क्या बता देंगे मार्क्स ठीक है मार्क्स में कर देता हूँ सपोज की यहाँ पर नाइनटी नाइन कर देता हूँ ठीक है तीन टाइप के आपने यहाँ पर क्या बना दिए अपनी डिक्शनरीज एक डिक्शनरी ये दी जिसमें नेम एज और मार्क्स है ठीक है इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ मैं मार्क्स ऐसे यहां पर भी आपके पास नेम एज और मार्क्स है ये आपके एकदम एक इक्वल होना चाहिए ऐसे इसमें भी आपके पास नेम है एज मार्क्स ये तीन डिक्शनरीज हैं आपके पास जो आपने पास कर दी एक लिस्ट में और आपने उस डेटा को यहाँ पर भेज दिया है इसको अपन रन कर लेते हैं यहाँ पर जो इशू है वो क्या है दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा एक कॉलन लगा देना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर अपन अपने जाके कॉलन लगा दिया है बाकी ऑलमोस्ट सभी जगह लगे हैं सेव करते हैं रन करते हैं आ, ये रहा अपने पास में नेम्स नेम स्नेहा कॉलन रहा ठीक है

ठीक है तो टूडे नम्पाई एरे से हम लोग कैसे बना सकते हैं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले तो नम्पाई को यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा सब काम छोड़ते हैं सबसे पहले आके क्या लिख देंगे हम लोग इम्पोर्ट ठीक है और आपको जो भी नाम लेना है तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर एनपी ठीक है इसके बाद क्या है अपने यहां पर एक फंक्शन यूज करेंगे नम्पाई का एनपी का एरे ठीक है तो इसको अपन देख लेते हैं तो यहाँ पर ये जो आपने जो डेटा लिखा है इतना ठीक है ये सारा डेटा मैं एक बार आटा देता हूँ ठीक है ये पूरा डेटा हटा देता हूँ और इसके अंदर डेटा नाम की जो वेरिएबल्स हैं ठीक है इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ जाएगा इस फंक्शन के अंदर जो टू एरे बना रहे हैं आप तो यहाँ पर आपको जा करके मैंशन करना पड़ जाएगा जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं जैसे इसमें सपोज वही नेम एज और मार्क्स का ही है तो अपन जाके लिख देते हैं इसमें स्नेहा इस ठीक है और उसके बाद उसकी एज और उसके मार्क्स कुछ भी रेंडमली डेटा हम लोग यहाँ डाल सकते हैं एक वैल्यू अपने पास ये रही इसी राइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और हम लोग लिख देंगे इसमें देखे लिख देता हूँ सपोज की भव्या और बव्या की एज ऐसे ही मैंशन कर देता हूँ और यहाँ पर उसकी सपोज की मार्क्स और ऐसे ही एक और अपन देख लेते हैं जिसमें हम लोग लिखे रहे जो एग्जाम्पल ठीक है मैं लिख देता हूँ सपोज की वंशिका और वंशिका जो अपन डेटा ले रहे हैं इसकी जो एज है सपोज मैं कर देता हूं, 19, और उसके मार्क्स कर देता हूँ मैं ऐसे कुछ तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है कुल मिला करके तीन अलग अलग आर्ग्यूमेंट पास कर दिए एन पी डॉट एरे नाम के फंक्शन में और ये जो एरे आपका है वो किस में डाल रहे हैं डेटा के अंदर इस डेटा को दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ डिस्प्ले करा देंगे तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिर से और इसको रन करते हैं अब देखेंगे आपका डेटा आ रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले भी देख चुके थे तो लेकिन यहाँ पर क्या है जीरो वन और टू तो मैंने आपको बताया था अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाकर के क्या कर सकते हैं अपने वो कॉलम्स आप बता सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ सपोज कि कॉलम्स इक्वल्स टू और फिर इसके अंदर अपन मैंशन कर सकते हैं ठीक है तो क्या था आपके पास सबसे पहले है सपोज की नेम जैसा अभी हमने पहले भी देखा था उसके बाद आ जाएगा अपने पास यहाँ पर एज और उसके बाद अपने पास आ जाएगा मार्क्स ठीक है तो जो भी आप जैसे भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं इसको सेव करें रन करें आप देखेंगे इस तरीके से आपके कॉलम्स भी आ जाते हैं ठीक है ठीके? तो ये भी बड़ा सिंपल था कुछ खास था नहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास नेक्स्ट आता है डिक्शनरीज ऑफ सीरीज अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर जो नेम की जो वैल्यू है ये अपने आप में क्या कर रहे हैं हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर एक डिक्शनरी ठीक है तो यहाँ पर पीड़िड और सीरीज को भी मैं यूज कर रहा हूँ जाकर के क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर इसी चीज को हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से अब करने वाले नम पाई की जरूरत आपको आया नहीं तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर डेटा ठीक है मैं क्या लिख देता हूँ डेटा इक्वल्स टू और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज है तो हम लोग यहाँ कर देंगे और इसके अंदर क्या है अपने पास में सीरीज है तो डिक्शनरी तो के अंदर तो जाके मैं क्या कर देता हूँ देता हूँ सपोज की नेम और नेम की जो वैल्यूज है वो अपन क्या कर देते हैं पीडी डॉट सीरीज तो मैं लिख देता हूँ पीडी डॉट सीरीज ठीक है और पीडी डॉट सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे पास कर देंगे वो वैल्यू जो सेम टाइप की आपके पास होगी जैसे कि स्नेहा ठीक है दूसरा नाम अपने पास क्या था यहाँ पर वंशिका ठीक है और सपोज की तीसरा नाम अपने पास क्या चल रहा है यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर ठीक है इस तरीके से हमने तीन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर दिए ठीक है स्नेहा स्नेहाव्या और वंशिका हमने इसमें पास किया और इसको अपन ने बंद कर दिया इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो अपने अपन बात करें तो नेम के बाद क्या है एज ठीक है ना तो एज एज क्या होगी अपने पास पीरियड ऑट सीरीज ठीक है और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे पास कर देंगे कोई वैल्यूज जैसे कि सेवनटीन एटीन और नाइनटीन इसके बाद लास्ट अपन क्या देखने वाले हैं यहां पर मार्क्स ठीक है तो मैंने लिख दिया मार्क्स और मार्क्स जो होंगे वो क्या कर देंगे पीडीडॉट सीरीज और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे कोई भी मार्क्स जैसे 96, 97, 98 इस तरीके से हमने प्रोवाइड करा दिया है

तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ सीरीज क्रिएट कर लेते हैं इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसी डेटा 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 फ्रेम फ्रेम से भी भी ले सकते हैं सपोज कि हमने जो भी बना रखा है ठीक है किसी भी तरीके से आप बना ले और भी बहुत सारे देखे थे आप डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट लिस्ट ऑफ लिस्ट जो भी आप देखना चाहे हमको यहाँ पर क्या है सपोज हमने डेटा फ्रेम बना लिया अब हम लोग उसी के अंदर से कुछ डेटा लेना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ से क्या लेना चाह रहा हूँ नेम और मार्क्स तो मैं यहां जाता हूँ और इसमें जैसे इसको अपन एक बार सिंपल सा प्रिंट कर रहे हैं आपने देखा ही होगा इस तरीके से आ रहा है मैं एक नई डिक्शनरी बना रहा हूं जिसमें मुझे क्या चाहिए केवल नेम और उसके मार्क्स ये एज मुझे नहीं चाहिए ठीक है तो मैं इसके लिए क्या कर दूंगा यहां पर जाके देखेंगे आप एक नई डिक्शनरी बना रहा हूँ कुछ भी नाम रख दीजिए जैसे मैंने लिखा है डी एफ अंडर स्कोर न्यू इक्वल्स टू डी एफ ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पास कर दिया है नेम और मार्क्स तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मैं ऐसे कर देता हूँ डी एफ टू इक्वल्स टू ठीक है और इसमें से किस में से चाहिए आपको ये डेटा आपको चाहिए या डीएफ में से ठीक है जो भी आपने डी बनाया और डीएफ का क्या चाहिए आपको तो आप इसमें जा करके फिर से मैंशन करते हैं एक आपको यहाँ बताना है नेम जो हमने यहाँ पर डाल रखा है ठीक है और नेम के अलावा आपको और क्या चाहिए आपको उसका चाहिए मार्क्स इस तरीके से तो दोनों दो आपने यहाँ पे कीज बता दी है जो कॉलम्स आपको चाहिए और वो डेटा में आ गया दोस्तों अपना यहाँ पर डी में और आपको क्या करके देखना है प्रिंट करना है डी टू बस सिंपल सा डी एफ वन भी करके देख सकते हैं और डी एफ टू भी मैं फिलहाल इसका नाम डी DF और डी टू ही कर रहा हूँ मैं इसको रन करता हूँ आप देखेंगे एक में तो क्या है दोस्तों आपके पास में तीन कॉलम्स आ रहे हैं नेम एज और मार्क्स और दूसरे में क्या आ रहा है नेम और मार्क्स इसका मतलब है कि आप किसी डेटा फ्रेम के अंदर से भी अपना एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा बड़ा सिंपल सा है ठीक है मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ क्योंकि आगे मुझे कुछ ऐसा ही कुछ बताना है तो देखिए एक तो ये था आपके पास एग्जाम्पल क्या लिखा है इससे लिख इस पहले हमने क्या लिखा है केवल डीएफ उसका डेटा फ्रेम का नाम बता करके ले लिया है लेकिन इस वाले में हम लोग क्या करें फिर से वही फंक्शन लिख रहे हैं जैसे ऊपर लिखा है पी डी डॉट डेटा फ्रेम ठीक है तो मैं यहाँ पर इसी काम को करने का एक तरीका ये था दूसरा मैं क्या कर लेता हूँ df2 एफ टू इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम ठीक है और इसके अंदर कहाँ से डेटा लेना है आपको df से तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल है बस आगे आपको क्या लिखना है कॉपी इक्वल्स टू ट्रू ठीक है कॉमा कॉपी इक्वल्स टू ट्रू अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो क्या होगा दोस्तों दोनों सेम टू सेम बन जाएंगे ठीक है अगर आप एक में चेंजेस करेंगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक हो जाएगा इसका मतलब है एक ये आपका ऑब्जेक्ट होगा बट उसके नाम आप दो कर देंगे डी एफ वन भी हो जाएगा डी एफ टू भी हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर इतना सा काम किया और प्रिंट करके देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है दोस्तों सेम आउटपुट आया आपके पास इसमें भी नेम एज मार्क्स है इसके अंदर भी नेम एज और मार्क्स है इसका मतलब ये है कि आप इसको दो तरीकों से ले सकते हैं एक आप इसमें पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स लेना चाहते हैं एक इसमें एज इट इज पूरा का पूरा आप लेना चाह रहे हैं ठीक है दोनों आपको शायद समझ में आ गए होंगे एक में हमने ये देखा था और इसके अंदर से आपको डेटा लेना था कुछ पर्टिकुलर और इसमें आपने पूरा का पूरा डेटा ले लिया दोनों क्लियर हो चुके होंगे इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग सी एस वी को लेकर के सी एस वी यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हमारा जो चैप्टर नंबर फोर है वो इसी से रिलेटेड होगा इसमें हम बात करेंगे सी एस वी तो बड़े लेवल पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जितना भी आप कुछ पढ़ेंगे उसका एक छोटा पार्ट आपके पास यहाँ मैं आपको विद इन वन टू टू मिनट्स में खत्म करवा दूंगा अब देखिए इसमें क्या है आपने डेटा फ्रेम बना दिया दे। डेटा फ्रेम का नाम आपके पास जो भी जैसे डी आपको इस डेटा फ्रेम को एक सी फाइल में स्टोर करना है अब सी एस वी फाइल लोडपेड जैसी एक फाइल होती है ठीक है मैं यहाँ पे इसको एक बार हटा देता हूँ मैं दूसरा कुछ अब कर लेता हूं, जो डेटा फ्रेम अपना बना हुआ पड़ा है क्या लिखना होता है यहाँ पर डी एफ डॉट टू अंडर स्कोर सी ठीक है तो आपको क्या करना है इस डी को भेजना है कहीं पे आप क्या लिखेंगे df. एफ एक फंक्शन है और इस फंक्शन को आप प्रोवाइड करते करवाते कोई नाम आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं जैसे कि मैं इसका नाम कर देता हूं डेमो csv ठीक है मैं क्या नाम रख रहा हूं डेमो csv ये क्या है हमारे एक फाइल का नाम तो हम लोग यहां पर इस फाइल का एक नाम दे सकते हैं ठीक है डेमो csv या डेवो डॉट भी कर सकते हैं माइ डेमो कर सकते हैं जो भी आपको नाम रखना रख दीजिए डॉट सी एस बी आपको जरूर लगाना है क्योंकि ये एक्सटेंशन है आपकी फाइल का इसके साथ साथ आपको इसमें लिखना पड़ता है इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स ठीक है तो इसमें आप क्या लिख देंगे याद आकर लिख देंगे इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब क्या है कि जो आपके इंडेक्सिंग है जैसे जीरो नाम है वो फिर आपको यहाँ पर मैंशन करवाने है या नहीं उसके लिए हम लिखते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स ज्यादा चीजें हम लोग चैप्टर फोर में डिस्कस करेंगे तो आप एक बार उसको भी जरूर देखिएगा काम किया हमने क्या किया है? File, उसमें हमारा डेटा जाकर के स्टोर हो चुका है ठीक है अब हम लोग क्या चाहते है हम चाहते हैं हमारे एक सी फाइल से डेटा आ जाए वैसे तो हम सी एसवी डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन मैंने इसी डेटा फ्रेम को सी एस वी में भेज भी दिया है और सी एसवी से हम वापस लेकर के भी आने वाले हैं तो लेने के लिए हमारे पास क्या है हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं सपोज मैं मैं नाम इसका DF2 कर देता हूं। DF2 में क्या ले रहा हूं? दोस्तों तो मैं लिख दूंगा .read एक फंक्शन है हमारे पास उसका नाम क्या है रीड अंडर स्कोर सी एस वी कौनसी फाइल से ले रहा है दोस्तों वो नाम जो आपने यहाँ पर मैंशन किया है ठीक है तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा था पहले मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया ये वाला डेटा नाम से ये डेटा फ्रेम बन गया डीएफ में डीएफ वाले डेटा को मैंने इस डेवो डॉट सी एस टी में जाके स्टोर करवा दिया और वहां से मैं डेटा उठा करके लेके आ रहा हूँ इस डी एफ टू में अब देखिए इससे अगर ये फाइल नहीं है तो दोस्तों ऑटोमेटिक एक फाइल क्रिएट कर देगा ठीक है क्रिएट करके आपका डेटा वहां स्टोर करेगा और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है उस फाइल से जाकर के वापस डेटा लेकर के आने वाला है ठीक है और जो डेटा आपके पास आया है उस डेटा को अगर आप प्रिंट करके देखना चाहे तो आप देख सकते हैं मैं लिख देता हूँ प्रिंट डी एफ टू ठीक है तो लास्ट में क्या होगा पहले तो एक बार हम पहले वाले को प्रिंट करा के देखेंगे फिर टू को जो वहां से डाटा लेकर के आने वाले स्कोर को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं सेव और इसको करते हैं अपन रन आप देखेंगे कि ये जो डाटा था वो था वन वाला और ये वाला जो डाटा है वो df2 का अब हमने जो यहां पर एक फाइल बनाई थी बड़ी बात ये भी हमको ये भी देखना है mydemo.csv फाइल इसको मैं क्या करता हूं दोस्तों कंट्रोल ओ करता हूं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार ऑल फाइल्स करके तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो अभी फाइल बनाई है माइ डेवो डॉट सी एस वी ये नहीं एक फाइल जो अभी अभी जस्ट यहाँ पर क्रिएट हुई है ठीक है तो माई डेवो डॉट सी एस वी थर्टी वन जो अभी जो अभी, को, अभी का जो टाइम है रिकॉर्डिंग का उसमें आपके पास ही आई और यहाँ पर एक्सेल लाइक -like फाइल आपकी बन चुकी है उसमें आपका ये पूरा का पूरा डेटा जा चुका और आप उसको लेकर के आ चुके हैं यहाँ अब देखिए दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया गए आप सी एस वी में डेटा स्टोर करते हैं लास्ट आपके पास जो है वो क्या है एक्सेल पेन आप एक्सेल फाइल से भी डेटा लेके आ सकते हैं लेकिन एक्सेल फाइल से डेटा लाने के लिए हमको एक और यहाँ पर दोस्तों आ, कह सकते हैं पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा ओपन पाई एक्सेल को एक और आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं लाइब्रेरी है इसको आपको पहले एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा ओपन पाई एक्सेल ठीक है ये आपको करना पड़ेगा तो आप क्या लिखते हैं ओपन पाई एक्सेल के लिए पहले आप सी में जाएंगे तब ये काम चलेगा अदरवाइज आपके पास एनआर आ जाएगी सीएमडी में जाने के बाद आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो आपको जाकर के यहाँ पर क्या लिख देना है आप जाके लिखेंगे पिप फिर आप लिख देंगे इंस्टॉल और फिर आप लिख देंगे यहाँ पर ओपन पाई एक्स एल ठीक है इतना आपको लिखना है वैसे मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो ये आपको क्या दिखा रहा है सेटिस्फाइड ठीक है मतलब ये पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे कंप्यूटर में तो तो आप ऐसे इसको इंस्टॉल कर सकते सी एम में जाकर के ठीक है अब इसी को मैं दूसरा एग्जाम्पल के साथ ले लेता हूँ अभी हमने क्या देखा था दोस्तों यहाँ पर टू एक्सएल अभी लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा था टू अंडर स्कोर सी एस वी ठीक है तो हम इसी एग्जाम्पल में टू अंडर स्कोर सी एस वी की जगह क्या लिख देते है ई एक्स सी एल ठीक है ई एक्स है ठीक है एक्सएल लिखना है हमको तो मैं लिख देता हूँ एक्सएल बाकी सब कुछ वही है एक्सटेंशन देखिए इसका एक्सएलएस एक्स है इसमें सी एस वी में सी एस वी होता है इसका क्या कर दूंगा एक्स एल एस ठीक है और एक्स ये एक्सएल का एक्सटेंशन हो गया बाकी सब कुछ वही ये क्या करेगा आपके इस पूरे डेटा को अब एक्सेल फाइल में डाल देगा एक एक्सेल की फाइल अलग होती है दोस्तों और सी एस सी फाइल अपने पास अलग होती है और अगर आपको उसको रीड करना है तो रीड अंडर स्कोर सी एस वी की जगह क्या है फंक्शन का नाम रीड अंडर स्कोर एक्सएल ठीक है इस टाइप से और वो फाइल का नाम जो आपका लिखा हुआ था एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ क्योंकि अब हम नई फाइल बना रहे हैं उसका एक्सटेंशन है एक्स एल एस एक्स ये आपके पास है, एक्टेंशन है? एक्टेंशन है? एक्टेंशन है? एक्टेंशन है और ये जो डेटा है वो डी एफ टू में आएगा डी एफ टू का डेटा आप प्रिंट करके देख लेंगे सेव करें रन करें आप देखेंगे हमारा जो डेटा है यहाँ से एक इसने इसने थोड़ा सा टाइम लिया क्या करा ये डेटा डिस्प्ले कराया एक्शन की फाइल बनाई वहां पर डेटा डाला वहां से वापस उस डेटा को लेकर के आया है ठीक है तो इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा हल्का सा एक गैप आया था वो इसीलिए क्योंकि वो इतना प्रोसेस बैकग्राउंड में कर रहा होता है तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अपना डेटा फ्रेम एक्सेल से भी बना सकते हैं एक्सेल से बनाने का काम बस ये वाला था एस सी ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे अलग, अलग अलग आपके पास तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स क्लास आईपी में अब हम लोग डिस्कस करने वाले कि जो डेटा फ्रेम हम लोग अभी तक क्रिएट करके देख चुके हैं उस डेटा फ्रेम के ऊपर हम लोग कौन कौन से एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आज का टॉपिक यही है डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर एट्रीब्यूट होते क्या है तो क्या है तो एट्रीब्यूट क्या कि दोस्तों जो भी हमारे पास हमारा एक डेटा फ्रेम होता है उससे रिलेटेड हमको क्या करता है कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ठीक है तो इन डेटा फ्रेम इज अ पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेबुलर डेटा जिसमें आप टेबुलर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं डेटा फ्रेम के थ्रू

मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सपोज की तीन अलग अलग रोज है ठीक है ऐसे तीन रोज है और दोस्तों इसके अंदर मेरे पास सपोज की फोर अलग अलग कॉलम्स है जिसमें मैंने अपना एक डेटा फ्रेम बनाया है तो ये क्या करेगा मुझे ऐसा एक टपल बनाएगा इट वेन्स ब्रैकेट के अंदर लिख देगा थ्री कॉमा फोर मुझे रिटर्न करेगा ठीक है एक आपके पास है शेप एक आगे मैं आपको इसी में अभी आगे बताने वाला हूँ नेक्स्ट आएगा आपके पास में जिसका नाम है साइज साइज भी क्या करता है रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम तो ये क्या करेगा कि ये आपको फोर इन टू थ्री टोटल आपके पास कितने हो गए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ऐसे इलेवन आपके पास कुल मिला के ट्वेल्व तक आपको दे देगा तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्वेल्व नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसके अंदर है ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहा है साइज में और शेप क्या करता है आपको ये बताता है टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं इसी को अपन दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिससे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अलग अलग टाइप से डेटा बना सकते हैं मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ पूरा एक बार जीरो लेवल से कि हमने एक इम्पोर्ट करा है पंडास है और इसके बाद हम लोग यहाँ पर डेटा नाम की वेरिएबल बना के हम इसके अंदर अपना एक डेटा फ्रेम बना देते हैं सपोज कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम ठीक है और नेम के जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले रहे हैं ठीक है जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था अलग अलग तरीकों से आप ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट बना करके इसके अंदर लिख देता हूँ कुछ बच्चों के नाम जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर स्नेहा ऐसे मैंने लिखा था वंशिका और ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया था भव्या ठीक है तो आप ऐसे एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं इसी टाइप से दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर जाकर के लिखा था ठीक है नेम ऐसे हम लोग यहाँ पर जाकर क्या लिख सकते हैं एज तो हम लोग यहाँ पर एज भी यहाँ पर मैंशन कर देते हैं एज जो है वो सपोज की सेवनटीन एटीन और मैं नाइनटीन कर देता हूँ और इसी टाइप से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स तो जो मार्क्स है अपने पास में वो है नाइनटी एट सपोज नाइन सेवन और मैं लिख देता हूँ नाइनटी सिक्स इस टाइप से हमारा एक यहाँ पर डेटा फ्रेम बन जाएगा जिसको मैंने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास किया है और हमारा एक डेटा फ्रेम यहाँ पर आपके सामने आ चुका है अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है तो कॉलम कितने हैं तो नेम एज और मार्क्स तो ये आपको उसकी साइज या शेप या जो भी आप देखना चाहें आपको बताता है ठीक है तो आप यहाँ पर सपोज एक और अगर वैल्यू ले लेते हैं जैसे मैं किसी का नाम लेता यहाँ पर सपोज के लिख देता हूं आसिम ठीक है इसी टाइप से सपोज की आसिम की एज में कर देता हूँ सेवनटीन और यहाँ पर आसिम के जो मार्क्स है वो मैं कर देता हूँ नाइनटी फाइव ठीक है तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज कर दी आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी हो चुकी है फोर और कॉलम्स कितने हमारे पास थ्री अब मुझे इसके ऊपर कुछ काम करना है तो मैं इसमें क्या काम करूंगा एक तो डेटा आ गया अपने पास जो हमारा फंक्शन है उसका या एट्रीब्यूट उसका नाम क्या है शेप तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ प्रिंट कर देता हूँ किसको करना है जो डी है उसका भी क्या करना है आपको शेप ठीक है तो आपको जाके सिंपल सा लिखना है डी एफ डॉट शेप इतना आप लिख देंगे दोस्तों इसको सेव करके रन करेंगे आप देखेंगे कि ये तो था आपका एक्चुअल डेटा और इसमें आप जा करके देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स तो नंबर ऑफ रोज कितनी है फोर और ये क्या है कॉलम्स ठीक है ये आपको किस में दिखा रहा है टपल के अंदर तो यही हमने यहाँ देखा था ठीक है तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि रिटर्न द डायमेंशन रोज एंड कॉलम्स में आपको दिखाता है नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास कॉलम्स अब इसमें क्या आपने कोई कॉलम है नहीं एक बार हम लोग अगर यहाँ शेप की जगह क्या लिख देते हैं कॉलम्स ठीक तो है तो मैंने यहाँ देख लिखते हैं कॉलम्स मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू ये जो कॉलम्स है आपके पास ठीक है वो क्या थे Name है, age और mark वो आपके सामने यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है तो आपके पास में कॉलम इंडेक्स पे क्या क्या है दोस्तों नेम है एज पर ये डिस्प्ले कर रहा है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कॉलम्स के बाद अपने पास आता है इंडेक्स इसके जो इंडेक्सेस है वो अगर हम देखें तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इंडेक्स ठीक है तो इंडेक्स है इंडेक्स में क्या आएगा आपके पास में क्योंकि इंडेक्स क्या आ रहे हैं आपके पास जीरो वन टू थ्री इस तरीके से तो कहा से शुरू

आपके पास स्टेप जो कि कोई भी लूप का एक पार्ट होता है इस टाइप से आपने इंडेक्सेस को देख लिया है तो शेप में क्या करता है कॉलम में आ, रोज और कॉलम्स आपको बताता है ते, ते, आपके टपल्स में और ऐसे ही कॉलम्स में सारे कॉलम्स और ऐसे इंडेक्स में सारे इंडेक्सेस आपको बताता है नेक्स्ट आपके पास है डी टाइप अगर आप देखना चाहते हैं डेटा का टाइप क्या है इसमें तो आप जाके लिख देंगे यहाँ पर डी टाइप्स बस आपको ये जाके लिख देना डी टाइप्स ठीक है सेव करेंगे और आप इसको जाके रन करेंगे आप जैसे इसको सेव करके रन करते हैं आप देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है कि जो नेम है वो तो है ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यूज हैं बहुत सारी जो कि स्ट्रिंग टाइप की के तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है एज में किस टाइप का डेटा दोस्तों आपके पास इन और मार्क्स में क्या है आपके पास यहाँ पर वो भी इन अगर मैं मार्क्स में सपोज जाके लिखता हूँ नाइनटी सपोज नाइनटी ठीक है ऐसे में यहाँ पर 96.23 और फोर सेवन करता हूं तो आप देखेंगे इस बार क्या आ जाएगा आपके पास फ्लोट यहाँ आपके पास क्या आ चुका है इस बार फ्लूट आ गया है ठीक है एज तो आपके पास है इंटीजर ठीक है इस टाइप से आप अगर चाहते हैं आपके डेटा का टाइप देखना तो आप देख सकते हैं साइज भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसके लिए जा आपको जाके क्या लिख देना होगा सिंपल सा साइज आप इसको सेव करें रन करें आप देखेंगे आपके पास साइज आ गई ट्वेल्व मतलब क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट मिला के रोज एंड कॉलम का आपके पास यहाँ एक प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है तो ये क्या बोल रहा है देखिए रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम ठीक है दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ठीक है आपको समझ में आ गया होगा अगर आपके पास यहाँ पर फोर कॉलम्स हैं ठीक है और आपके पास में सपोज की फाइव रोज हैं तो आपके पास ये आपको दिखा देगा फाइव फोरज ट्वेंटी ठीक है तो मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ये आपको दिखाता है नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यहाँ पर वैल्यूज ठीक है रिटर्न द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम एज अ एरे ये आपको नम्पाई एरे बना करके आपको आपके डेटा को दिखा देगा तो मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर वैल्यूज बस इतना सा आपको जाके लिख देना है आप रन करेंगे तो आप देखेंगे पहला डेटा आपके पास स्नेहा का है दूसरा वंशिका का है तीसरा भव्या का है और फिर आपके पास आसिम का है तो जो डेटा आपने डाला था वो आपको टूडे नम्पाई एरे बना करके डिस्प्ले कर देगा तो आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है रिटर्न द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम एज अ एरे ठीक है नेक्स्ट है आपके पास एनडिन एनडिन क्या करता है नंबर ऑफ डायमेंशन आपको बताएगा नंबर ऑफ डायमेंशन का मतलब क्या हो गया मैं इसको जाकर के लिख देता हूँ एनडिम ये बताएगा आपको टू क्योंकि नंबर ऑफ डायमेंशन कितना है अपने पास मैथ तो आपके पास होता है टू डेटा फ्रेम क्या है रोज और कॉलम्स होते हैं ठीक है टू डायमेंशन आपके पास होता है इसलिए आपको ये टू दिखा देगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास में दोस्तों वो है टी टी क्या होता है जैसे मैं एक काम करता हूँ एक बार इसी को रन करता हूँ कॉलम्स और कॉलम्स बन जाए रो मतलब यहाँ पर नेम एज और मार्क्स तो मतलब लिखा है ऐसा अगर मैं चाहू तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा मैं जाके लिख दूंगा प्रिंट और क्या करना है मेरे को यहाँ पर डी एफ डॉट टी बस इतना मुझे जाकर के मेंशन कर देने ठीक कैपिटल होगा ध्यान रखिएगा इस तरीके से आपके सामने आपका डेटा आ जाएगा इसमें क्या हो रहा था पहले आपने देखा था यहाँ पर स्नेहा आ रहा था जबकि यहां पर नेम वंशी मतलब स्नेहा वंशिका और भव्य आसिन ये जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है अब आपके पास आपका जो डेटा है ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है रिटर्न द ट्रांसपोज ठीक है टी का मतलब क्या ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम फ्रेमेंस रोज बी कम कॉलम एंड कॉलम रो में और रो कॉलम में बन जाएगा इसके बाद है आपके पास डी एफ डॉट एम टी डी एफ डॉट एम टी का मतलब returns true if the data frame is empty. क्या आपका डेटा फ्रेम एम टी है अभी तक नहीं है मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ लिख देता हूँ एम टी मैं इसको चलाता हूँ एक बार तो आप देखेंगे क्या लिखा रहा है आपके पास फॉल्स वो एम टी नहीं है लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सपोज डी एफ टू एक डॉट डेटा फ्रेम मैं अगर ऐसा एक एम बना देता हूँ ठीक है डी अब मैं डी को भी चेक कर लेता हूँ और मैं जाके लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर डी DF. डॉट या डी कर देता हूँ डी डॉट एम ठीक है बस इतना मुझे चेक करना है एक बार इसको तो फर्स्ट वाले में तो क्या दिखाना है फॉल्स और सेकेंड वाले में क्या दिखा रहा है आपको ट्रू क्योंकि सेकंड वाला जो डी मैंने बनाया है वो एकदम एम टी इसमें ने कुछ भी डेटा पास नहीं किया है ठीक है ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद एक्सेस रिटर्न लिस्ट ऑफ द डेटा फ्रेम्स रो एंड कॉलम एक्सिस मुझे इसमें जाके क्या लिख देना है मैं जाके लिख दूंगा बस यहाँ पर एक्सेस ठीक है बस इतना सा मुझे लिख देना है ठीक है तो आप इसको सेव करें रन करके देखेंगे ये आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर एक्सेस एक तो क्या दिखा रहा है ये जीरो जी से शुरू होकर चल रहा है आपके पास आगे ठीक है और इस तरीके से वो आपके पास आगे क्या कंटेंट दिखा रहा है रोज और कॉलम्स का बस सिंपल सा ठीक है अभी मैं डी एफ टू पे कर रहा हूँ मैं काम करता हूँ इसको एक बार हटा देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ क्योंकि वो तो एम टी था आपके पास जीरो से जीरो मैं खाली इसको डी एफ पे ले लेता हूँ एक बार तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो जीरो से फोर यानी कि जीरो वन टू तो और थ्री जा रही है आपके पास रोज और ऐसे कॉलम्स आपके पास क्या है नेम एज और मार्क्स इस तरीके से आपको ये रोज और कॉलम्स दोनों के एक्सेस के इंडेक्स आपको बता देता है ऐसे ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखना ठीक है तो आप यहाँ पे जाके क्या लिख सकते हैं डीएम डॉट इन्फो बस आपको जाके इन्फो यूज करना आप info info है इन्फो के पीछे ब्रैकेट लगा तो इन्फो अपने आप में क्या है एक फंक्शन है तो exactly method. एक मैथड है ठीक है तो कह सकते हैं नॉट एग्जैक्टली एंड एट्रीब्यूट ठीक है दिस मैथड बेसिकली क्या है एक मैथड एक फंक्शन है दैट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द डेटा फ्रेम्स जिसमें ये बताएगा कि इसके इंक्लूडिंग uh, इंडेक्स का डेटा टाइप क्या है कॉलम का डेटा टाइप क्या है अगर कोई नन वैल्यू है तो वो बताएगा मेमोरी क्या दे रहा है ये मेमोरी में मतलब वो सब कुछ आपको दिखाता है एक बार सेव करते हैं रन करते हैं आप देखेंगे आपको बता रहा है आपका डेटा क्या दिखा रहा है क्लास पंडास डॉट कोर के अंदर इस तरीके से रेंज बता रहा है इंडेक्स में फोर है जो कि जीरो से थ्री तक रोज जा रही है कॉलम्स की बात करें तो तीन कॉलम है कौन कौन से है नेम है एज है और मार्क्स है इसमें नल कोई भी नहीं है इसमें भी नल कोई भी नहीं है इसमें भी नल कोई भी नहीं है ठीक है नेम है ऑब्जेक्ट एजे आपके पास सिक्सटी फोर और मार्क्स है आपके पास फ्लोट इसी टाइप से इसका डेटा का टाइप बता रहा है फिर से फ्लोट इंडेजर और ऑब्जेक्ट और मेमोरी यूज कर रहा है टू टू एट पॉइंट जीरो प्लस बाइट्स रैम में कितनी जगह खा रहा है वो ठीक है ऐसे ही आपके पास नल है या नहीं है इसके अंदर तो न, ये भी आपको दिखा रहा है ऐसी बहुत सारी चीजें ये आपको यहाँ पर शो करता है आई होप दोस्तों सारे एट्रीब्यूट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे इस तरीके से जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स करके दिखाया वही आप पर देख सकते हैं इस प्रोग्राम में भी ठीक है तो कुछ प्रोग्राम मैंने एक स्लाइड में लिखा है दूसरा अपन ने इस वाले में देख लिया है सारी की सारी चीजें दोस्तों आप एक बार जरूर देखें ये सारी चीजें मैंने, मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया है तो इसमें बस एक मैसेज डाल डाल के मैंने दिखाया तो आप चाहें तो एक बार इस कोड को जरूर एग्जीक्यूट करें दोस्तों अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में कुछ अपने कमेंट लिख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स क्लास 12th आईपी में अब हम लोग बात करेंगे कि जो अभी तक हम लोग अपना एक डेटा फ्रेम बना चुके हैं और साथ में दोस्तों जो सीरीज होती है या फिर जो दूसरे अपने पास में 2D एरे हैं उनमें आखिर डिफरेंस क्या होता है तो एक-एक करके हम सारे डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं

डेटा फ्रेम में हमारे पास सपोज फाइव नाइन एट या सेवन थ्री टू या वन फाइव एट ऐसे मल्टीपल हमारे पास में कॉलम्स हो सकते हैं ठीक है तो ये एक अलग कॉलम ये एक अलग कॉलम ये एक अलग कॉलम इट मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कई बार हमने बोला भी है कि जो डेटा फ्रेम होता है वो क्या होता है कलेक्शन ऑफ सीरीज इसका मतलब एक एक कॉलम हमारा यहाँ पर सीरीज होता है ठीक है इसी टाइप से डेटा टाइप को लेकर के बात करें तो हमारे सीरीज के अंदर एक ही टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं चाहे वो कोई भी टाइप का हो चाहे वो इंटीजर हो या फिर वो फ्लोट हो या वो स्ट्रिंग हो जबकि दोस्तों डेटा फ्रेम को लेकर के बात करें तो इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को आप यूज कर सकते हैं किसी एक कॉलम में आपने स्टोर कर रखा है तो किसी के अंदर दोस्तों आपने इंटीजर या किसी के अंदर आपने फ्लोट स्टोर कर रखा है तो बिल्कुल पॉसिबल है हो जाएगा साइज को लेकर के बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एक आपके पास सिंगल कॉलम ही होता है जबकि यहाँ पर आपके पास टेबुलर फॉर्मेट होता है इसका मतलब यहाँ पर रो और कॉलम दोनों होते हैं हमारे डेटा फ्रेम में इसी टाइप से इंडेक्स को लेकर के बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंगल इंडेक्स होता है जैसे कि हम लोग ये जानते हैं एक सिंगल इंडेक्स होगा आपके पास जबकि अगर हम डेटा फ्रेम को लेकर के बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रो के जो इंडेक्स है लाइक जीरो वन टू और जो कॉलम है उसके भी अपने पास जीरो वन टू इस टाइप से हमारे कॉलम्स होते हैं तो कॉलम भी है हमारे पास और यहाँ पर रो भी है ठीक तो है तो कह सकते हैं इसमें टू एक्सेस होते हैं एक रो इंडेक्स भी है और एक अपने पास में कॉलम इंडेक्स भी होता है इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रिएशन को लेकर के बात करते हैं सबसे पहला आता है पीडीडॉट सीरीज हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन यूज करते हैं पीडीडॉट सीरीज जबकि यहां पर फंक्शन क्या है अपने पास डेटा फ्रेम ठीक है तो पीडीडोट डेटा फ्रेम को यूज करके हम लोग यहाँ पर अपना एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यूज केस को लेकर के तो ये हमारे पास क्या अगर एक सिंगल कॉलम बनाना जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें डेटा फ्रेम को लेकर के तो अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स का डेटा अगर स्टोर करना चाहते हैं पांडाज में तो हम यूज करेंगे डेटा फ्रेम ऐसे ही एक्सेस कैसे करते हैं दोस्तों तो एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं सीरीज ऑफ जीरो सीरीज ऑफ वन जो भी हमारे पास सीरीज का नाम है जैसे कि मैं लिख सकता हूँ एस ऑफ सपोज की टू ठीक है तो जो भी सीरीज है उसका इंडेक्स नंबर टू होगा लाइक जीरो सामने ये डेटा डिस्प्ले कर देगा ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम में तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है या कह सकते हैं कि एक्सेस करने के लिए हमारे पास में जो तरीका है उसमें हम लोग यूज करते हैं एल तो हम लोग लिख सकते हैं डी एफ डॉट एल और फिर हम लोग उसके अंदर रो और कॉलम बता सकते हैं इसी टाइप से हम लोग आई एल यानी कि हम लोग इंटीजर लोकेशन भी बता सकते एक तो हमारे पास लोकेशन है और एक हमारे पास इंटीजर लोकेशन है जिसमें हम लोग इंडेक्सेस बता सकते हैं रो वाइज या तो पीडी डॉट सीरीज है जबकि इसमें पीडी डॉट डेटा फ्रेम है इस तरीके से दोस्तों ये कुछ कॉमन डिफरेंस है साथ साथ में एक और डिफरेंस अगर मैं आपको तो जो सीरीज हम लोग दोस्तों क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते इसका मतलब है कि आप एक नया यहां पर एलिमेंट ऐड भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं करते कर सकते अगर आप दोस्तों ऐसा कर भी देते हैं तो होगा क्या इंटरनली एक नई सीरीज बन जाएगी ठीक है लेकिन अगर अपन डेटा फ्रेम को लेकर के बात करें तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया है तो आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं ठीक है यू कैन एड और ड्रॉप एलिमेंट इन एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं मतलब वैल्यू को तो आप कर ही सकते थे वैल्यू तो क्या आपके पास दोनों में ही म्यूटेबल ही है ठीक है सीरीज हो चाहे डेटा फ्रेम हो वैल्यू बदल सकते हैं लेकिन अगर आप उसकी साइज बदलने की कोशिश करेंगे तो सीरीज में आप नहीं बदल सकते लेकिन डेटा फ्रेम में आप चेंजेस कर सकते हैं उसकी साइज में एक नया एलिमेंट ऐड या डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं तो दोस्तों डेटा फ्रेम और सीरीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेटा फ्रेम और यहाँ पर टू डी नम्पाई एरे को लेकर के तो जो हमारे पास में टूटी नम्पाई एरे है देखिए ये जो आपके पास टूटी एरे होगा या एनडी एरे है ये बेसिकली नम्पाई का पार्ट है ठीक है जबकि डेटा फ्रेम किसका पार्ट है अपने पास पांडास का और पांडास जब आप यूज करते तो पांडास कहीं ना कहीं लंपाई के ऊपर ही काम करता है जैसे सीरीज को लेकर के भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नम्पाई के ऊपर ही काम करता है तो डेटा फ्रेम और नम्पाई में क्या कुछ डिफरेंस है कॉलम्स तो है है है। तो होते हैं जैसे अगर मैं बात करता हूँ सपोज मेरे पास टाइप से एट थ्री टू और मैं लिख देता हूँ वन फाइव फोर अब देखिए अगर आप यहाँ पर क्या बना रहे हैं डेटा फ्रेम तो डेटा फ्रेम होता तो क्या होता है इनकी इंडेक्सिंग हो जाती है जीरो वन टू

और इसमें जो इंडेक्सेस आपके पास होते हैं दोस्तों वो केवल केवल और केवल क्या होंगे न्यूमेरिकल ही होंगे जबकि इसमें आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से लेबल बना सकते हैं ऐसे अगर हम बात करें डेटा टाइप को लेकर के तो इसमें यानी कि डेटा फ्रेम में आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन अगर आप टूटी एरे को लेकर के बात करेंगे तो इसमें केवल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू तो ऑल एलिमेंट मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप आप यहां पर या तो इंटीजर यूज करेंगे या फ्लोट यूज करेंगे बेसिकली आपके पास टू डी नम्पाई एरे जो आपके पास है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है अगर हम डेटा मैनिपुलेशन को लेकर के बात करते हैं इसमें हम लोग मर्जिंग कर सकते हैं रीशेपिंग कर सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जो हम लोग यहाँ अप्लाई करवा सकते हैं अपने डेटा फ्रेम पे लेकिन अगर हम बात करते हैं टू डी नम्पाई एरे को लेकर के तो इसके अंदर क्या है कि मेनली न्यूमेरिकल ऑपरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है परफॉर्मेंस को लेकर के बात करें तो अपना जो पांडास का डेटा फ्रेम है वो थोड़ा स्लो है लेकिन अगर हम बात करते हैं नम्पाई को लेकर के तो फिर यहाँ पर आपके पास एनडीए थोड़ा फास्ट है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट है इसी टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के बात करें तो ये हाई फ्लेक्सिबिलिटीज आपको प्रोवाइड कराता है क्योंकि कि किसी भी टाइप का कोई भी डेटा किसी भी टाइप के ऑपरेशन आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन के अंदर क्या है कि मुश्किल से आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे ज्यादातर इसलिए यहाँ पर लिमिटेशन भी, भी ज्यादा होती है इसी टाइप से दोस्तों अगर इंडेक्सिंग को लेकर बात करें तो लेबर बेस्ड इंडेक्स है जो कि मैं आपको बता चुका था यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल होती है फंक्शनिटीज को लेकर के बात करें तो यहाँ पर फंक्शनिटीज बहुत है जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मर्जिंग है फिल्टरिंग है ग्रुपिंग है ऐसे सारे काम आप यहाँ कर सकते हैं जबकि टूडी नंपाइरे में क्या होगा आपके पास मैथामेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर मोस्टली परफॉर्म किए जाते हैं केस को देकर के बात करें तो बेस्ट फॉर डेटा एनालिसिस आप डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं मैनिपुलेशन के लिए करते हैं क्लीनिंग के लिए करते हैं जबकि अगर आप टूडी नंपाई एरे को लेकर के बात करें तो ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए मोस्टली इसको यूज किया जाता है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो रहे है, क्या होता। friends, 12 IP में, अब हम लोग, लोग अपना एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर चुके हैं उस डेटा फ्रेम का डेटा हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक कंप्लीट रो अगर आप लेना चाहे कंप्लीट कॉलम अगर आप लेना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सेल का डेटा अगर आप लेना चाहते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर कैसे ले सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम डेटा फ्रेम तो डेटा फ्रेम से हम लोग जो डेटा लेते हैं वो, वो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है हमको कौन सा डेटा चाहिए ठीक है तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी रोज कौन से कॉलम से डेटा यहाँ पर लेना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं एक सिंगल कॉलम का डेटा लेना तो आप ये यह यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेलेक्टिंग और एक्सेसिंग अ सिंगल कॉलम एक सिंगल कॉलम का अगर आपको डेटा लेना है सपोज आपने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना रखा है जिसके अंदर आपने तीन अलग अलग कॉलम बना रखे हैं एक जिसमें हमने नेम एक के अंदर हम लोगों ने यहाँ एज और एक के अंदर सपोज हमने मार्क्स डाल रखे हैं तो कौन सा डेटा लेना है कौन से कॉलम से डेटा लेना है वो हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो तरीके आपके पास है पहला आपके पास है कि आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आप देखें तो आप यहाँ पर जाके लिख सकते हैं डी एफ जो भी आपका डेटा फ्रेम होगा तो डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम बताना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपने कॉलम का नाम बता देंगे जैसे कि सपोज आप यहां पर लेना चाह रहे हैं डेटा एज में से तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक और तरीका दोस्तों वो डॉट को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसी को देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर के तीन अलग अलग कॉलम्स uh, यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं तो एक कॉलम है अपने पास यहाँ पर जिसके अंदर मैंने लिख रखा है सपोज नेम और दूसरे के अंदर अपन ने ले रखा है एज और फिर अपने पास है मार्क्स तो ये रहे अपने पास यहाँ पर कुछ नेम उसके बाद अपने पास है यहाँ पर एज और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा मार्क्स ठीक है अब डेटा फ्रेम बनाते कैसे हम लोग अच्छे से जानते हैं बाकी मैं आपको भी वापस एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा इसके अंदर हमने जो डेटा डाला है दोस्तों वो एक डेटा है अपने पास यहाँ पर सपोज की स्नेहा का ठीक है दूसरा जो डेटा है वो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा सपोज भव्या का और इसी टाइप से एक डेटा हो जाएगा अपने पास वंशिका का एज है सेवनटीन एटीन और सेवनटीन और जो मार्क्स हैं वो है सपोज नाइनटी एट नाइनटी सिक्स और नाइनटी एट अब हमको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों डेटा फ्रेम बनाना ये जो डेटा था हमारा ठीक है जिसमें हमने एक डिक्शनरी पास करी है ये डेटा हमने डाल दिया डेटा फ्रेम में जिससे कि ये बन जाएगा डीएफ के बाद डीएफ को प्रिंट करेंगे पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने आ जाएगा फिर हम लोग यहाँ जाके देखेंगे डीएफ के अंदर यहां एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके एज तो दोस्तों इस केस में क्या होगा हमको केवल ये एज मिलेगी 17 18 और 17 इसी टाइप से एक और तरीका है जिसमें हम लोग लिख देंगे डी एफ डॉट एज उसमें क्या होगा उसमें भी हमारे पास केवल एक एज ही एक कॉलम आएगा तो इसको थोड़ा आप एक काम करते हैं प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना देता हूँ सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर इम्पोर्ट पांडास एस ठीक है तो यहाँ पर हमने एक इम्पोर्ट कर लिया पांडास को डेटा नाम की वेरिएबल बना देता हूँ दोस्तों डिक्शनरी के थ्रू मैं इसके अंदर कुछ डेटा डाल देता हूँ जैसे कि नेम है और नेम में स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है इसी टाइप से नेम के बाद हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं अपने पास आ जाएगा सपोज कि हम लोग ले लेते हैं एज एज की भी मैं यहाँ एक लिस्ट डाल देता हूँ और उसके बाद हम लोग ले लेते ले हैं यहाँ पर सपोज की मार्क्स ठीक है तो हमने यहाँ पर मार्क्स को भी मैंशन कर दिया है और फाइनली यहाँ हमारा एक डेटा फ्रेम यहाँ बन जाएगा तो इसकी वैल्यूज खैर मैं डालता हूं लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं डी एफ इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा पी डी डॉट डेटा फ्रेम ठीक है और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा पास कर देता हूँ अपना डेटा फाइनली मैं अपने इस डेटा को एक बार देखना चाहता हूँ क्या डेटा आएगा तो जो भी वैल्यू हम लोग इसमें लिखेंगे एक दो पांच दस जितनी भी वैल्यू वो आपको दिखाएगा तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था एक नाम लिया है स्नेहा एक नाम दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर भव्या और एक नाम मैंने यहाँ पर लिया है वंशिका ठीक है तो ये तीन नाम मेरे पास आ गए हैं इनकी जो एज है वो थी 17, 18 और 17 और मार्क्स है सपोज 98, 97 और 96 अब मुझे एक बार इसको चला करके देखना है तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ सेव कर लेता इसका कुछ भी नाम रख देते हैं जैसे कि मैं इसका नाम देवो कर देता हूँ और अपन इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है मुझे क्या करना है दोस्तों इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम लेना है या तो एज का या मार्क का या नेम का एक कॉलम लेने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका था अभी हमने यहाँ देखा था क्या लिखना पड़ेगा प्रिंट में डीएफ ऑफ एज ठीक तो प्रिंट प्रिंट है लेना, तो लेना है दोस्तों डीएफ का क्या लेना चाहते हैं हम लोग लो यहाँ पर एक एज ठीक है तो जो कॉलम आपको लेना आप ले लीजिए सेव कर दीजिए रन कर देंगे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऊपर तो अपना कंप्लीट डेटा आ रहा था लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है केवल एक ही कॉलम आ रहा है कौन सा कॉलम आ रहा है वो एज है अगर आप यहाँ पर एज की के जगह कुछ और लिख देंगे सपोज कि आपने जाके लिख दिया यहाँ पर मार्क्स ठीक है तो इस बार क्या हो जाएगा आपके पास में केवल यहाँ पर मार्क्स का ही डेटा देखने को मिलने वाला है अब देखिए इसी काम को करने के लिए हमारे पास एक और तरीका था मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ठीक है एक तो हमने यहाँ पे क्या लिया है एक तो लिया था स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा क्या हमारे पास एक डॉट भी है तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों एक तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज अब अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं और अगर स्ट्रिंग है तो आप उसको सिंगल कोट या डबल कोट जरूर लगाए और अगर आप यहाँ पर डॉट नोटेशन को यूज करें तो आप बिना सिंगल कोट डबल कोट के भी लिख सकते हैं सेव करते हैं दोस्तों रन करते हैं आप देखेंगे ये भी आपको सब कुछ वैसा ही दिखा रहा है ठीक है आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं जैसे कि मार्क्स की जगह मैं चाह रहा था यहाँ पर कुछ लेना लाइक मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ तो आप देखेंगे सारे के सारे नेम अपने पास आ जाएंगे आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा एक सिंगल कॉलम हम लोग कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमको यहाँ मल्टीपल कॉलम लेने मल्टीपल कॉलम में भी कुछ खास चेंज नहीं है एक तो ये है कि आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं और दूसरा जो आपके पास है वो है एल को आप यहाँ यूज कर पाएंगे ठीक है डॉट को आप यूज नहीं कर पाएंगे खैर मैं आपको आगे बताता हूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं अगर आप चाहते हैं मल्टीपल कॉलम्स को यूज करना ठीक है मल्टीपल कॉलम को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा

ठीक है उनके नाम भी आ जाए और साथ में उनके मार्क्स भी आ जाए अगर मैं इतना ही करके चला देता हूँ मैं इसको एक बार वापस हटा देता हूँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मैं अगर इतना ही करके चलाता हूँ तो दोस्तों तो यहाँ पर क्या है? एक इशू हो जाएगा देखिए आप एक बार मैं इसको रन करता हूँ आप देखेंगे कुछ इशू हो चुका है क्यों हुआ है क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो क्योंकि आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है लेकिन नेम और मार्क्स दो अलग अलग आपके पास यहाँ पर आ, कह सकते हैं कि वैल्यूज आप दे देते तो इसको आपको वापस किस में लिखना पड़ेगा यहाँ जाकर के आप फिर से लिखेंगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब आपने ये जो पास करी है वो है आपके पास एक लिस्ट आप इसको सेव कर करें, रन करेंगे इस बार आपके पास कंप्लीट डेटा आ रहा है मतलब आप देख सकते हैं स्नेहा जिसके मार्क्स ये भव्या जिसके मार्क्स ये वंशिका जिसके मार्क्स आपके यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं तो सिंगल कोट और डबल कोट ठीक है ये आप यूज करेंगे अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करें और दूसरा मैंने आपको भी क्या कहा था आप सिंपल से ताकि लिख सकते थे प्रिंट और इसमें आप लिख सकते डी एफ डॉट और फिर आप जाकर के लिख सकते थे एज ठीक है तो ये एक अलग नोटेशन था उसमें आपके पास एक कॉलम आ रहा था अगर आप मल्टीपल कॉलम्स लेना चाहते हैं डॉट के थ्रू तो फिर आपके लिए यहाँ पर इम्पॉसिबल है देखिए एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया अगर आप मल्टीपल कॉलम लेना चाहते हैं कैसे लेंगे दूसरा आपके पास एक और है वो है आपके पास दोस्तों एल आप एल को भी यूज कर सकते हैं ठीक है एल का मतलब क्या है लोकेशन तो आप बता सकते हैं कौन कौन से कॉलम को आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं लेकिन दोस्तों एल लोकेशन में आपको पहले कॉलम लगा करके कॉमा करके खत्म करना पड़ जाएगा इट मीन यहाँ पर सारी रोज आपके पास आएंगी और फिर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन कौन से आपको कॉलम्स लेने तो सिंपल सा मैं काम कर लेता हूं। इसी को करने के लिए एक और तरीका अपन देख लेते हैं ऊपर वाले को कर देता हूँ मैं कमेंट इसमें आ जाता हूँ मैं ठीक है अब इसमें क्या लिख देंगे डी एफ डॉट एल ओ सी तो क्या लिख देंगे डॉट एल ओ सी और साथ में क्या करना है हमको यहाँ पर इसके अंदर हमको पास कर देना है ऐसा एक कॉलम कॉमा कर देंगे और उसके बाद हमको यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है एक लिस्ट जो अपने पास एक नेम यहाँ पर और एक मार्क्स हम लोग यहाँ ले रहे हैं ठीक है ठीकी? तो इस तरीके से बस ये इतना सा चेंज आप करें सेव करेंगे रन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास में जो है वो दो कॉलम्स आ रहे हैं जैसा कि पहले भी हम लोग अभी देख रहे थे और एक सिंगल कॉलम के लिए हमने यहाँ पर एज को यूज कर लिया है तो दोनों के दोनों तरीके आपके पास है दोस्तों मैं एक बार दोनों को ही दिखा देता हूँ इस वाले को एक बार हटा देता हूँ ठीक है या मैं इसको कर देता हूँ कमेंट एक सिंगल कॉलम हम लोग कैसे लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा अभी हम लोग मल्टीपल कॉलम्स को देख रहे हैं तो आपके पास दोनों तरीकों से ले सकते हैं इसमें भी सेम डेटा है वही का वही डेटा है इसमें भी है एक आपने क्या देखा है आप डी के अंदर यहाँ पास कर सकते हैं मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट बना करके आपको प्रोवाइड करना होगा नहीं तो आप दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक है एलओसी मतलब लोकेशन है आपके कर लेते क्या है कि नोटेशन, जैसे कि आप लिखते थे डी एफ डॉट कॉलम अंडर स्कोर नियम जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है ठीक है डीएफ डॉट एज इस वाले डॉट नोटेशन को आप क्या है ओनली अलाउ एक्सेस टू वन कॉलम इसके थ्रू केवल आप एक कॉलम यूज कर सकते हैं एट ए टाइम एंड कैन नॉट बी यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम आप इसको मल्टीपल कॉलम्स के अंदर यूज नहीं कर सकते अगर आपने ट्राई करा मल्टीपल कॉलम को एक्सेस करने के लिए तो फिर यहाँ पर आपके सामने एक एरर रेस की जाएगी ठीक है ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ये वही एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको अभी अभी प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ ठीक है इसके बाद आता है कि हम लोग अगर रोज या कॉलम्स को एक्सेस करना चाहें उसका भी एक सबसेट बना करके देखना चाहे तो कैसे हम लोग कर सकते इट मीन हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर जैसे दो कॉलम्स आपने अभी देखे थे ये वाला एग्जाम्पल वही जो भी हम लोग जस्ट डिस्कस कर चुके हैं तो आपने देखा होगा एरा एल ओसी और फिर आपने लगा दिया कॉलन और नेम और मार्क्स तो यहाँ पर भी हमने क्या करा एज और मार्क्स ले लिया है अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपको सारे कॉलम्स ये दो कॉलम्स चाहिए और साथ में रोज भी चाहिए ठीक है जैसे आपको फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो वो भी आपको चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं जैसे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास डेटा इतना सारा पड़ा है और आपको यहाँ पर ये जो रो है एक ये भी रो चाहिए एक ये भी रो चाहिए और ये वाला कॉलम चाहिए और ये वाला कॉलम चाहिए इस कॉलम का कुछ भी डेटा आपको नहीं चाहिए तो वो कैसे लेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपने कॉलम के नाम भी बताने पड़ेंगे और कौन कौन सी रो से आपको डेटा लेना है वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा तो इसके लिए आपके पास यहाँ दो तरीके है एक तो हो गया एलओसी जो कि हम अभी देख ही चुके थे एक आपके पास होता है आई एल आई एल में क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर नंबर होते हैं जैसे जीरो वन टू और आप इन कॉलम का नाम भी रख सकते हैं जैसे कि आपने रख दिया है नेम यहाँ पर आपने रख दिया सपोज एज और इसका आपने नाम रख दिया सपोज की मार्क्स तो आप इसको अगर नेम एज और मार्क्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते तो आप क्या लिख देंगे एलओसी और अगर आप इन नंबर के थ्रू एक्सेस करना चाहते तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर आई एल ठीक है बस इतना सा डिफरेंस है आई एल ओसी करके आप उसके इंडेक्स जीरो से लेकर के आप जहां तक आपके पास डेटा है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं तो इसी को अपन थोड़ा एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं ये पहले अपन देखते हैं एल ओ सी एज और मार्क्स वाला ये मैं आपको दिखाई चुका था ठीक है मैं इसको भी कर देता है एक बार कमेंट एक बार फिर इसी को फिर से देख लेते हैं दोस्तों दो कॉलम आ रहे हैं क्या हमारे पास एग्जेक्टली आ रहे अब मैं यहाँ पर दोस्तों केवल स्नेहा और भव्य का लेना चाह रहा हूँ मार्क्स और उनका नाम ठीक है लाइक वंशिका का नहीं लेना चाह रहा हूँ या ऐसे अगर आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं ठीक है ठीके? आपको बस क्या करना है इस वाले में जाकर के आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन से मतलब रो से आपको डेटा लेना जैसे वन ऑफ टू अगर आप लिखते हैं ठीक है मैं लिख देता हूँ एक से लेकर के दो तक जो कि आप एक रेंज बना रहे आप चला करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो गया है वन और टू जो दो इंडेक्सेस आपके पास है जीरो वाला आपके पास नहीं आया है ठीक है तो आप ऐसा कर सकते हैं आप पर्टिकुलर रो भी बता सकते हैं और पर्टिकुलर कॉलम्स बता करके भी डेटा स्पेसिफाई पर आप कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा इसी काम को करने के लिए एक और तरीका है आपके पास वो क्या है आप आई को भी यूज कर सकते हैं आई में क्या है आपके पास जैसे एज और मार्क्स लिखा है ठीक है तो एज और मार्क्स जैसे कि नेम था जीरो फिर एज और ये आपके पास मार्क्स तो वन और टू तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर दोस्तों मैं इसी की बात करता हूँ ठीक है मैं इसी को ले लेता हूँ सपोज कि एक बार यहाँ इसको मैं कर देता हूँ कमेंट ठीक है और इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ फिर से इसको भी कमेंट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अब देखिए यहां पर हमने क्या करा था जो नेम था हमारा वो नेम तो क्या था अपना जीरो इंडेक्स पे और जो मार्क्स है अपने पास में वो मार्क्स का है दोस्तों आपके पास में सपोज टू के इंडेक्स पे है तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा आई एल ओ सी क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसके क्या बता रहे हैं लोकेशन मतलब आप उसके कॉलम का नाम नहीं बता करके इंटीजर कॉलम का आप यहाँ पर बता रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ इसको एक बार यहाँ पर सेव करता हूँ रन करता हूँ एक बार कमेंट हटाई देता हूँ ठीक है आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास में तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा सारा का सारा डेटा ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पर ये चाह रहे थे या जो भी आपने देखा था जीरो से लेकर के टू तक जो कॉलम आ गया और इस तरीके से आपने इसको, इसको स्पेसिफाई कर दिया है कौन सी रोल्स कौन सा कॉलम आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं ठीक है ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको अभी बताया था तो इसमें क्या होगा ऑल रोज आ जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया एग्जाम्पल देखा होगा आपने जैसे जीरो और इसका ऐसे अगर अपन देखे तो यहाँ पर अपन ये भी स्पेसिफाई कर सकते कि कौन सी रो से ठीक है आपको डेटा यहाँ पर लेना है तो जैसे अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे मैं लिखता था तो वन ऑफ टू इसको सेव करता हूँ मैं इसको रन करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ठीक है अब भव्या का डेटा आया है अब इसमें दोस्तों इसने टू का डेटा नहीं दिखाया क्यों नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कहा से शुरू करना है ठीक है यानी कि ये या आपके पास क्या है स्टार्टिंग वैल्यू और ये आपके पास स्टॉप स्टॉप का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास जैसा आप रेंज में देखते हैं टू मतलब आपने बता दिया है जैसे स्लाइसिस में भी हम लोग देखते हैं तो ये क्या करता है आपके पास में टू मतलब उसको इंक्लूड नहीं करेगा एक्सक्लूड आपके पास रहेगा तो वन से लेकर के बेसिकली वन तक आपको दिखाएगा इन केस अगर आप यहाँ पर जाकर के थ्री लिख देते हैं तो क्या होगा आप देखेंगे इसको अगर आप रन करेंगे तो वन और टू आपके सामने डेटा आ चुका है और अगर आप इसको हटा करके करेंगे तो क्या आता है आपके पास में जितना भी डेटा है वन के बाद वो सारा का सारा आपके पास आ जाएगा और अगर आप पहले भी नहीं बताते ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग क्लास इलेवेंथ में पढ़ चुके हैं रेंज स्लाइसेस जो हम लोग बात करे थे तो जीरो से लेकर लास्ट तक जितने भी रोज है वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा लेकिन कॉलम आपके पास दो ही रहने वाले हैं ये आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पर ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं सिर्फ आपको दो कॉलम्स के सारे के सारे डेटा लेना है और इन दो कॉलम में से भी आपको पर्टिकुलर कोई रोज का डेटा आपको ले रहा है तो वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं ठीक है ऐसे ही यहाँ पर आपके पास था स्पेसिफाई रो एंड कॉलम यूजिंग एल तो आप यहाँ पर एल को यूज करके ये भी बता सकते हैं कि कौन सी रो से कौन से कॉलम से आपको डेटा लेना है ठीक है तो आप क्या कह रहे हैं स्पेसिफिक रो है आपके पास स्पेसिफिक कॉलम है आपके पास यहाँ से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं मैं काम कर देता हूँ दोस्तों इसको भी एक बार मैं कॉपी करके यहाँ कमेंट कर देता हूँ फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं तो देखिए एक अपन ने अभी क्या देखा था यहाँ पर आई एल ओ सी एक देख रहे आप अपन लोकेशन अब इसमें आपको क्या क्या बताना है तो इसके अंदर हम लोग ये बता सकते हैं कौन सी रो और कौन सा कॉलम जैसे मैं लिख देता हूँ वन और मैं इसके आगे जाकर लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज की नेम ठीक है तो ये मैं बता सकता हूँ फर्स्ट रो मतलब जिसकी रो नंबर वन है और उसका नाम क्या है अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो दोस्तों ये अपने पास है रो रो नंबर नंबर मतलब यहाँ इंडेक्स को लेकर के बात कर रहा हूँ और उसमें जो नेम है वो अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पर भव्या आ रहा है ठीक है ऐसे ही अगर हम लोग चाहते हैं सपोज कि मैं जीरो लिख देता हूँ तो वो क्या दिखा देगा अपने को यहाँ पर स्नेहा मैं अगर मार्क्स देखना चाहता हूँ एज देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर वो भी देख सकता हूँ तो मैं सिंपल सा जाके मार्क्स लिख देता हूँ आप देखेंगे उसके मार्क्स 98 एट जो की जीरो पर है तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसी टाइप से इसी काम को करने के लिए हमारे पास क्या है आई एल ओ सी भी है तो आई एल ओ सी हम लोग जान ही चुके होंगे इतनी देर में मैं बस ये कह रहा था कि आपको इसमें क्या करना होता है ये मार्क्स की जगह आपको क्या करना है कॉलम का नंबर बता देना जैसे कि सपोज मैं कर देता हूँ जीरो ठीक है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो आपका डेटा पड़ा है वो ये आपको प्रिंट करेगा बट एल की जगह क्या लगाना पड़ जाएगा आपको यहाँ पर आई एल ओसी आप इसको सेव करेंगे रन करेंगे आप देखेंगे ये कॉलम नंबर जीरो वन रा टू इसमें आपको इसका डेटा डिस्प्ले करा देना है क्लियर हो चुका होगा ये भी ठीक है तो हमने यहाँ पर देख लिया यहाँ के कैसे हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम से डेटा ले सकते हैं पूरे कॉलम से अगर दोस्तों लेना चाहते हैं वो हम लोग देख चुके हैं कैसे लेते ठीक है मल्टीपल कॉलम से अगर आपको डेटा लेना है वो हम लोग देख चुके हैं मल्टीपल कॉलम में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के ये वाली रो आपके सामने आ जाए वो हम लोग देख चुके हैं और ये भी मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग यहाँ एक पर्टिकुलर कॉलम पर्टिकुलर रो से भी डेटा लेना चाहते तो ले सकते हैं आई होप दोस्तों इसमें कहीं आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए नेक्स्ट अगर अब हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास यही सारे के सारे कोड जो मैंने आपको भी लिख करके बताया थे वो पूरा एक एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपने पास आता है कि सेलेक्टिंग इंडिविजुअल वैल्यूज अब इंडिविजुअल वैल्यूज को सेलेक्ट करने के लिए क्या हो गया आपके पास जैसा कि मैं आपको भी बता भी रहा था कि हम लोग यहाँ पर लोकेशन बता सकते हैं ठीक है तो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू तो हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं तो यू कैन सेलेक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम Using the following method, first आपके पास using square bracket. आपको क्या करना है है पर पर के अंदर जाकर के ये लिखना है, स्नेया, स्नेया की एज. अब पर जो मैं ये लिखना हूं, की एज क्या है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये जो नेम है अपने पास में ठीक है जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देख भी रहे तो दोस्तों ये जो नेम है इसको आपको क्या करना पड़ेगा सेट अंडर स्कोर इंडेक्स आपको लिखना पड़ेगा म और उसके बाद लिखना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू अगर आप ये लिखेंगे तो आप यहाँ एक्सेस कर पाएंगे एलओसी के थ्रू भी नहीं तो फिर आप आई एल के थ्रू भी इसको ले सकते हैं वैसे मैं आपको दिखा भी चुका था कि आप पर्टिकुलर अपना रो या कॉलम नंबर बता करके भी ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पर यह नहीं पता है कि स्नेहा का रो नंबर क्या है ठीक है बस मुझे देखना है स्नेहा की एज क्या मुझे देखना भव्य की एज क्या है या फिर सपोज वंशिका के मार्क्स कितने आए है या फिर मुझे कुछ और बच्चों के नाम पता है बस मुझे ठीक है और मैं उनकी मार्क्स या एज देखना चाहता हूँ इस केस में दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा इंडेक्स थोड़ा चेंज करना पड़ जाएगा अगर पता है कि रो नंबर वन रो नंबर टू रो नंबर थ्री तब तो कोई इश्यू नहीं है आप अभी देख ही चुके थे अभी हम लोग जस्ट पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो हम लोग देख चुके थे कि रो नंबर आपके पास जिसका इंडेक्स वन है उसकी एज क्या है लेकिन इसमें को ये नहीं पता चल है तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कॉलम है, है जिससे एक बार देख ले ये जो है, जिसमें हमने यहाँ पर क्या मैंशन कर रखा है नेम ये सारे के सारे नेम है तो मैं किसी का भी नाम स्पेसिफाई करके उसकी एज उसके मार्क्स उसका एड्रेस या उसका फोन नंबर एक्सेस कर सकता हूँ बट उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ जाएगा एक छोटा सा काम वो ये था कि आपको अपने डीएफ के अंदर सेट इंडेक्स करना पड़ेगा नेम को ठीक है फिर आप यहाँ पर उसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं तो इसी को हम लोग एक बार करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं दोस्तों ये सारी चीजें मैं एक बार हटा देता हूँ ठीक है हम लोग को क्या करना पड़ेगा एक तो पूरा डेटा आ रहा है साथ साथ में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर डीएफ डॉट तो मैं लिखता हूँ डीएफ डॉट सेट ठीक है सेट के बाद हम क्या लिख देंगे सेट अंडर इंडेक्स ठीक है ये भी हमने लिख दिया अब इसमें हम क्या पास कर देंगे दोस्तों यहां पर वो कॉलम बताएंगे जिसको आप यूज करेंगे तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा हम इसमें जाकर के लिख देते हैं एक तो नेम जो कि हमने यहाँ पर ऊपर स्पेसिफाई कर रखा है ये रहा अपने पास नेम ठीक है अब जो नेम अपने पास है इसमें आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉमा और फिर आप लिख देंगे देखें क्या लिखा है इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू ठीक है तो मैं लिख देता हूं इन प्लेस इक्वल्स टू True, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ट्रू में होगा ध्यान रखिए सिंगल कोट गलती से भी नहीं लगा देना है।, है तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख सकता हूँ सी और एल ओसी के अंदर आप, आप जाकर के बता सकते हैं किसका नाम किसकी एज किसके मार्क्स आप देखना चाहते हैं तो मैं इसमें जाकर के लिख देता हूँ स्नेहा जो है ठीक है उसका अपन को क्या देखना है दोस्तों सपोज की उसके अपन को देखने हैं मार्क्स उसके मार्क्स कितने हैं अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप इसको सेव करें रन करें आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास में स्नेहा के मार्क्स आ गए हैं नाइनटी अब मुझे उसका एक्चुअल में रो नंबर मुझे याद नहीं है मतलब पता भी नहीं है अगर मैं यहाँ पर भव्या की एज देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाके क्या लिख दूंगा सिंपल सा है मैं जाके लिखता हूँ एज और इसमें जाके क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर भव्या ठीक है इस तरीके से अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ अपने पास क्या आ रहा है एटीन क्या आपके पास की इस ऐसे बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा दोस्तों, दोस्तों अपने पास यहाँ पर जैसा मैं कह रहा था आप यहाँ पर आई एल ओ सी को भी यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर इसी को मैं इसी रो को एक काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूं एक बार और फिर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आई में आपको पता है कि आपको क्या बताना होगा इसके अंदर आपको उसकी रो के इंडेक्स ठीक है तो आई में जाता हूँ मैं लिख देता हूँ वन कोमा वन वन कॉमा वन का मतलब क्या हो गया आपके पास में की जो भविया है ठीक है उसकी एज कितनी अगर आप ये देखना चाहें वन ऑफ वन तो इस केस में क्या होगा इस केस में दोस्तों ये क्या करेगा भविया तो ठीक है लेकिन क्योंकि ये क्या बन गया आपके पास कंप्लीटली एक इंडेक्स ठीक है

तो आप देखेंगे इस बार ये कुछ और ही दिखा रहा है क्या दिखा रहा है रो नंबर वन का ये हो गया आप कॉलम नंबर वन ठीक है तो मतलब ये ये था कॉलम कॉलम है वन. अगर आपने यहाँ पर इंडेक्स सेट कर रखा है तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अब ये इंडेक्स जीरो नहीं हो क्योंकि इंडेक्स जीरो ये वाला बन जाएगा और ये इंडेक्स वन बन जाएगा कब बनेगा बार बार कह रहा हूँ अगर आपने सेट इंडेक्स कर रखा है तो ठीक है ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से इसी तरह से दोस्तों अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर तो अपने पास आता है कि इसी काम को जैसे अभी हमने कैसे देखा है यहाँ पर हमने यहां देखा था एल या फिर आई एल अब हम लोग क्या यूज करें रहे यहाँ पर ए टी यानी कि एट को भी आप यूज कर सकते हैं सेम टू सेम काम होगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डी एफ डॉट एल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ इसी एग्जाम्पल को यूज कर रहा हूँ ठीक है मैं इसको एक बार यहां पर करता हूँ पहले कमेंट मैं इसी को इसी वाले को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर बस मैं जाकर के एल की जगह जाकर लिख देता हूँ एट रन करके देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है ये भी आपको 18 दिखा रहा है ये भी आपको 18 दिखा रहा है मतलब भव्या की एज आपको ये डिस्प्ले कर रहा है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अभी आप क्या लिख रहे हैं एक तो एल ओ सी चल जाएगा और दूसरा क्या आपके पास एट ए भी चल जाएगा इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जैसा हम लोग यहाँ देख रहे थे अहा पर जो था आपके पास आई एल ओ सी ऐसे हम लोग यहाँ पर आई एट भी कर सकते हैं ठीक है तो इसको भी सेम टू सेम आप यूज कर सकते हैं बस आप यहां पर उसका रो और कॉलम इंडेक्स जो भी आपको बताना है आप बता सकते हैं तो आप देखेंगे ये क्या कर रहा है यहाँ पर 97 ये आपको डिस्प्ले करवा रहा है ठीक है दोनों ही केस में आई होप दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा कि जैसा एल वैसे सी वैसी एट है जैसे आई एल ओ सी आई एट है बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप यहाँ पर ठीक है आप यहाँ पर ऐसे बब्या या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं नेम तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा नेम को एक बार अपना इंडेक्स सेट करना पड़ जाएगा ठीक है ये आपको आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुका होगा इसी का एग्जाम्पल फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट पूरा प्रोग्राम यहाँ पर मैंने मैंशन कर रखा है इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है और लास्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं बुलियन कंडीशंस को लेकर के मतलब मुझे यहाँ पर वो डेटा डिस्प्ले करा दो जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा है ठीक है तो सेवनटीन वाले नहीं आने चाहिए उन स्टूडेंट्स के मार्क्स डिस्प्ले कर दो जिनके मार्क्स अपने पास सपोज इस एग्जाम्पल में तो नहीं लेकिन जिनके मार्क्स अपने पास एटी फाइव परसेंट ज्यादा है बस वही डेटा मुझे यहां पर देखना है तो यहाँ अपन क्या कर देंगे इसके लिए एक बुलियन कंडीशन लगा देंगे समटाइम यू नीड टू सेलेक्ट रोज और कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम फ्रॉम ऑन अ कंडीशन तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं सिंपल सा है आप यहाँ पर जो अपना कह सकते हैं कंडीशनल जो भी आपके ऑपरेटर्स से आप अप्लाई करवा सकते हैं ठीक है रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ पर आप अपने अप्लाई करवा सकते हैं लेकिन दोस्तों आप लिखेंगे कि आप लिखेंगे जैसे कि डी एफ डीएफ के अंदर जो अपनी एज है ठीक है और इज अगर आपके पास इज ग्रेटरटीन है तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास या तो आता है ट्रू या फिर आता है फॉल्स ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ठीक है लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि इसको कंप्लीटली अपन को प्रिंट कराना है वैल्यूज के साथ तो फिर आपको इसको ऐसे कहना पड़ेगा कि जो डीएफ का ट्रू है बस वो प्रिंट करा दो ये आपको दोस्तों कंप्लीटली क्या देगा या तो देगा ट्रू या देगा फॉल्स तो अगर आपको सिर्फ वही पर प्रिंट कराना है जो कि ट्रू है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक है तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूँ कमेंट सारी सारी चीजें आपने अच्छे से देख ली होगी मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ अब मुझे यहाँ पर क्या करना है सिंपल सा प्रिंट, है। प्रिंट करना है क्या प्रिंट करना है देखें आप मैं जाके प्रिंट कर रहा हूँ डीएफ का ठीक है मैं जाके लिख देता हूँ एक बार डीएफ और डीएफ के अंदर आप क्या लिखेंगे आप जाकर के लिख सकते हैं जैसे कि एज ठीक है

इसको फिर से अपन रन कर लेते हैं आप देखेंगे क्या आपको दिखा रहा है ये ये दिखा रहा है दोस्तों ये फॉल्स है ये ट्रू है ये फॉल्स है तो आप यहाँ पर जाके क्या करेंगे इसको अगर आप चाहते हैं कि वो सारी ट्रू वाली वैल्यूज ही आपको प्रिंट करनी है तो आपको जाके लिखना पड़ेगा ऐसी डी और डीएफ के अंदर जो जो आपके पास ट्रू है कंप्लीट आपको ट्रू या फॉल्स देगा ठीक है तो जो ट्रू है वो आपके पास वैल्यूज सारी के सारे प्रिंट कर दे इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे आपको ये डिस्प्ले करके दिखा देगा वो कंप्लीट रो जिनकी एज सत्रह साल से ज्यादा है क्या कर रहा है दोस्तों अच्छे से समझ सकते हैं आप आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा हर एक चीज को प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ठीक है हेलो फ्रेंड्स क्लास ट्वेल्थ आईपी में आज हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को लेकर के इस चैप्टर में हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ डेटा फ्रेम को लेकर के दोस्तों जो हम लोग अपना एक डेटा फ्रेम बना चुके हैं अगर हमको रिक्वायरमेंट हो कि हम उसके बाद में यानी कि लास्ट में हम लोग चाहते हैं एक और कॉलम ऐड करना तो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। एक से ज्यादा कॉलम ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर एक रो ऐड करनी है लास्ट में हम वो भी कर सकते हैं बीच में भी करना चाहे तो कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आपको एक से ज्यादा रो एड करनी तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से अगर अगर हमारे रिक्वायरमेंट रहती है कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो को डिलीट करें तो वो भी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं दोस्तों इंडेक्सेस को थोड़ा चेंज करना तो हम लोग यहाँ पर वो भी कर सकते हैं रिनेमिंग कर सकते हैं अपने कॉलम्स को करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो हम लोग कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर रो और कॉलम पे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे एडिंग मॉडिफाइंग डिलीटिंग और रीनेमिंग कॉलम्स एंड रोल्स ठीक है तो एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो डेटा फ्रेम हम लोग बना चुके हैं उस डेटा फ्रेम के अंदर दोस्तों मैं चाहता हूँ की कुछ ऐड करना है मुझे कोई कॉलम तो पहला जो टॉपिक है अपने पास वो क्या है यहाँ पर मॉडिफाइंग कॉलम या फिर एडिंग तो आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं मॉडिफाई करना चाहते तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन है जैसे सम वैल्यूज फॉर ऑल रोज जैसे कि मेरे पास ये कॉलम ऐड कर रहा हूं मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर फाइव ऐड हो जाए ऐसे इसमें भी फाइव ऐड हो जाए इसमें भी फाइव ऐड हो जाए तो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग रोज के लिए उस कॉलम में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो तो हम वो भी कर सकते हैं जैसे इसमें सेवन हो जाए इसमें एट हो जाए इसमें नाइन हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों कुछ और तरीके भी जैसे आप एट को यूज कर सकते हैं आप एलओसी को यूज कर सकते हैं, साथ में आप असाइन फंक्शन को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ लेकिन इसको हम लोग एक बार पहले प्रैक्टिकली करते हैं समझ समझ के देखिए मैं यहाँ पर अपना एक पाइथन एक बार शुरू कर देता हूँ

अब उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग सपोज डी एफ एक वेरिएबल है जिसमें मैं क्या लिख दूंगा पी डी डॉट डेटा फ्रेम ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा जाकर के इसमें जाके लिख दूंगा डेटा फ्रेम और दोस्तों इस डेटा फ्रेम के अंदर मैं पास कर दूंगा मेरा डेटा जो मैं यहाँ अभी इस पे डालने वाला हूँ इसके बाद में मैं जाके यहाँ पे क्या कर देता हूँ सिंपल सा प्रिंट कर देता हूँ अपने डी एफ को जो भी मेरा डेटा है वो आ जाएगा फिलहाल दोस्तों अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बन जाएगा अगर हम इसमें कुछ डेटा डालना चाहते हो तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं क्या करना है दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पर दो कॉलम ले रहे हैं एक ए और एक बी ठीक है तो मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ सपोज ए इस तरीके से और यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर दूंगा साथ साथ में मैं पास कर देता हूँ बी और इसमें भी एक लिस्ट मैं पास कर देता हूँ जैसे दोस्तों इसमें लिख देता हूँ वन टू और थ्री तीन रोज यहाँ पर ले लेता हूँ और बी वाले कॉलम में जाके लिख देता हूं सपोज की फोर फाइव और सिक्स ठीक है अब डेटा को हम लोग देखना चाहते हैं सेव कर देता तो, हूँ रन कर देता तो हूँ आप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका होगा दो कॉलम होंगे हमारे पास एक है ए एक है बी अगर आप चाहें तो दोस्तों इसका इंडेक्स भी बदल सकते तो इंडेक्स के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं जाकर के सिंपल सा इंडेक्स इक्वल्स टू और यहाँ पर हम लोग पास कर सकते हैं जैसे कि ए कर देता हूँ मैं आर वन ठीक है इसी टाइप से मैं एक और लेता हूँ आर टू सपोज और इसी टाइप से मैं लेता हूँ आर थ्री इस तरीके से हम लोग इसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं मैं सेव कर लेता हूँ

तो वो कैसे करेंगे दोस्तों इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक तरीका है हम लोग लिख देंगे डीएफ ऑफ सी ठीक है अगर सी एड होता तो दोस्तों वो मॉडिफाई हो जाता लेकिन अगर मॉडिफाई उसमें नहीं है तो फिर ये एड कर देगा मैं इसमें देखे क्या लिख दूंगा डीएफ ऑफ सी इस तरीके से मुझे मैंशन करना पड़ेगा सी और सी की जो वैल्यू है दोस्तों मैं कर देता हूँ सपोज कि सेवन अगर मैं इसके बाद फिर से प्रिंट करता हूँ मैं चाह के यहाँ लिख देता हूँ डीएफ तो आप देखेंगे कि इस बार जो आपका कॉलम नंबर सी वो यहाँ एड हो चुका है तो पहले हमने ए और बी रखा था लेकिन अगर आप देखेंगे तो सी है और वैल्यू डाला है सेवन 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 लेकिन अगर दोस्तों हम चाहते है डिफरेंट टाइप के वैल्यूज लेना तो हम वो भी कर सकते हैं जैसे मैं लिख देता हूँ डीएफ ठीक है और इसके अंदर आप जो भी कॉलम लेना चाहते हैं आप वो भी यहाँ मैंशन कर सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ सपोज भी तो एक लिस्ट बना करके हम लोग लिखना चाह हम तो वैल्यू है हमारे पास एट नाइन और टेन इसका मतलब है कि हम एक इस तरीके से भी कर सकते सभी के अंदर एक ही वैल्यू आ जाए और हम ऐसा भी कर सकते हैं सभी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आए तो हम लोग अभी यहाँ पर यही देख रहे थे क्या बताया था मैंने आपको कि सेम वैल्यूज भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी हो सकती है अब हम लोग यहाँ बात करेंगे add, और असाइन को लेकर के तो एट का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर आप एक और अगर कॉलम ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं लिखेंगे डी एफ डॉट एट ठीक है तो ऐड करके आप यहाँ पर पास कर सकते हैं इसके साथ साथ हम लोग एलओ और असाइन को भी देखेंगे अब ये जो एट है दोस्तों डी एफ डॉट एट इसके अंदर हमको बताना है जाकर के सिंपल सा एक तो कॉलन और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे कॉमा ये जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके पास रो को लेकर के और उसके बाद कॉमा के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अपना कॉलम जैसे कि मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ ई ठीक है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी दोस्तों वो भी हम लोग मैंशन कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर के लिए लिख देता हूँ इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन इसको फिर से सेव से करके दोस्तों अगर हम लोग रन करें तो आप देखेंगे इसके अंदर एक और कॉलम ऐड हो चुका है 11, 12 और 13। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं हमारे तो पास एक और तरीका है वो है हमारे पास यहाँ पर एल ओ सी एल ओ सी का मतलब क्या होता है लोकेशन आप ये बता सकते हैं सबसे लास्ट में आपको जाकर के यानी कि सारे रोज में आपको डेटा चाहिए और जो आपको कॉलम का नाम चाहिए इ के बाद लेता हूं, एफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर सब कुछ सेम टू सेम है बस हमने कॉलम चेंज किया है और हम यहाँ पर वैल्यूज बदल देते हैं जैसे कि सपोज मैं कर देता हूँ ट्वेंटी वन इसको कर देता हूँ ट्वेंटी टू और इसको कर देता हूँ ट्वेंटी थ्री सेव करके रन करेंगे आप देखेंगे इसमें हमारे पास एम भी आ चुका है एक और कॉलम हमने एड कर दिया है इसी तरीके से दोस्तों एक और ऑप्शन है आपके पास वो है आपके पास असाइन तो आपको क्या लिखना होता है आप लिखते हैं डी एफ इक्वल्स टू डी एफ डॉट असाइन ठीक है आप लिख देंगे असाइन और असाइन में आप अपना कॉलम और उसकी वैल्यू

तो आप चाहे तो एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अगर प्रैक्टिकली खुद करके देखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है इसी तरीके से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम चाहें तो एक रो को भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में अभी हमने तीन रो ली है कॉलम तो मैंने आपको बता दिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रो को यहाँ पर ऐड करने वाले है एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर जाकर के जो आपने देखा होगा सी इसको एक बार मैं वापस रन करता हूँ आप देखेंगे पर सी की वैल्यू है यहाँ पर सेवन 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 अगर मैंने एफ की जगह सी लिख दिया होता कहीं पर भी चाहे ई e में चाहे जी में तो जो पहले से आपका सी है अब वो मॉडिफाई हो जाएगा अब ये ऐड नहीं होगा इस चीज को ध्यान रखेगा अगर पहले से हमारे पास वो कॉलम है तब तो क्या हो जाएगा उसके अंदर मॉडिफाई हो जाएगा और अगर हम यहाँ पर ऐड करना चाहते तो वो कॉलम लिखेंगे जो हमारे पास अभी तक यहाँ अवेलेबल नहीं है जैसे कि एफ तो आप देखेंगे C की वैल्यू वही रहेगी और एक नया कॉलम F हमारा ऐड हो चुका है ठीक है तो जो आप ऐड करते हैं वैसे ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर वो आपके पास कॉलम या रो नंबर जो भी आपके पास पहले से अवेलेबल है तो उसको ये क्या कर देगा मॉडिफाई अदरवाइज ऐड कर देगा अब हम क्या बात करें यहाँ पर मॉडिफाई करना है या ऐड करना है रो को देखिए रो को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे एल को लेकर के बात करेंगे एक और तरीका होता है एट लेकिन एट में हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रो के एक पर्टिकुलर कॉलम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने यही मेंशन किया इन पांडास यू टिपिकली यूज एलओसी टू टू अ डेटा फ्रेम वाइल ठीक है इज अ प्राइमरली यूज फॉर एक्सेसिंग और मॉडिफाइंग अ सिंगल वैल्यू एट स्पेसिफिक रो एंड कॉलम्स इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई एक रो है और उस रो का कोई कॉलम है आपके पास जैसे मुझे यहाँ पर इस कॉलम में कोई चेंजेस करना है तो मैं ऐड को यूज कर सकता हूँ ठीक है लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ एड इज नॉट यूज फॉर एडिंग रोज तो एड के थ्रू आप चेंजेस तो कर सकते हो लेकिन मॉडिफाई यहाँ पर जो है एड जो है वो आप नहीं कर सकते मॉडिफाई आप कर सकते हैं ठीक है तो इसी को हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इसमें एक नई रो को भी एड कर सकते हैं तो आपका एग्जाम्पल वही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जैसा अभी हम लोगों ने अपने यहाँ पर रो और कॉलम डाल रखे थे मैं काम कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर ये यह दो ही रो या दो ही कॉलम रखता हूँ बाकी सब हटा देता हूँ ठीक है इसको अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो अभी हमारे पास ए और बी दो कॉलम्स आ चुके हैं अब मैं इसके अंदर रो नंबर थर्ड पे यानी कि जीरो वन और टू जो अपने पास आ गया है अब यहाँ पर मैं एक और रो लेना चाह रहा हूँ वो कैसे हम लोग यहाँ लेंगे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ एल ऑफ फोर सपोज जो भी आप लिखना चाहे तो मैं यहाँ पर जाकर के क्या कर देता हूँ सिंपल सा मैं जाकर लिख देता हूँ जैसे आपने डी ले रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर डी एफ डॉट ठीक है लोकेशन बता देंगे आप और यहाँ पर आप बताएंगे रो नंबर तो यहाँ पर मैं जाकर के लिखने वाला हूँ थ्री ठीक है और थ्री के बाद मैं यहाँ पर जाकर के वो वैल्यू लिख दूंगा जो उस रो में आने वाली है जैसे कि मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पर सपोज की ट्वेल्व और मैं लिखना चाह रहा था थर्टीन तो एक ए के अंदर एड हो जाएगा ट्वेल्व और बी में एड हो जाएगा थर्टीन अगर हम यहाँ पर जाकर के फिर से प्रिंट करेंगे अपने डी को तो आप देखेंगे कि ये वाली रो आपके पास में एड हो चुकी है ट्वेल्व और थर्टीन ठीक है इस तरीके से ऊपर वाले में नहीं है आपके पास लेकिन यहाँ हम लोग उसको ऐड कर चुके हैं आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा अब इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ इसमें ऐड किया है हम लोग चाहते हैं एक और तरीके से ऐड करना तो हम लोग यहाँ पर लैन को भी यूज कर सकते हैं मैं क्या लिख दूंगा डी एफ डोट एल ओ सी ठीक है और एल के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पास कर दूंगा कि जो लैन है किसकी डी की डी की लैन का मतलब है ये इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है ये बताता है लेंथ बताता है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जैसे वन टू थ्री फोर यानी कि जीरो वन टू और टोटल तो तो कितनी रोज कि अब अपने पास यहाँ तक चार हो चुकी है तो मैं ऐड क्या कर रहा हूँ फोर पे कर रहा हूँ ठीक है फोर क्यों क्योंकि जीरो वन टू और थ्री तो हो चुका है तो फोर इसलिए मैं यहाँ पर ये मेंशन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप चाहे तो लिस्ट में कोई वैल्यूज डाल सकते हैं जैसे 22 और 23 आप देखेंगे दोस्तों ये वाली रो भी इसके अंदर हो चुकी है इसी के साथ साथ अपने पास एक और था जो की था एट तो एट के थ्रू क्या करते हैं हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो आप यहाँ पर एट यूज कर सकते हैं उसमें आप पहले रो और फिर अपना कॉलम बताकर के वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं क्या लिख देंगे डी ठीक है और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मेरी रो नंबर कौन सी है सपोज की टू और उसका कॉलम नंबर क्या है दोस्तों सपोज की बी जिसकी वैल्यू मैं क्या करना चाह रहा हूँ 500 ठीक है तो जो बी कॉलम है ठीक है उसके अंदर भी आपके पास जिसकी आ, इंडेक्स नंबर जिसका टू है आपके पास उसको ये मॉडिफाई कर देगा यहाँ देखते हैं एक बार खैर तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया डी एफ डॉट एट और यहाँ पर हमको पास करना था ठीक है ब्रैकेट हम लोग जो यहाँ यूज कर रहे थे वो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा इस तरीके से ठीक है इसको मैं सेव करके रन करता हूं आप देखेंगे यहां पर उसने क्या कर दिया है फाइव हंड्रेड इसको कर दिया है ठीक है तो हमने इस तरीके से एक को हम लोग मॉडिफाई कर सकते लेकिन अगर एक से ज्यादा आप इसमें ऐड करने की कोशिश करें तो फिर ये ऐड नहीं कर पाएगा ठीक है ये मैंने बता दिया मॉडिफाई कैसे करते हैं इसी टाइप से दोस्तों आप यहां पर जो है वो मल्टीपल रो को भी ऐड अगर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं मल्टीपल रो मल्टीपल रो के लिए हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है एक है यहाँ पर कॉन्केट यानी कि आप दो कह सकते डेटा फ्रेम को जोड़ना चाह रहे हैं कर सकते सकते हैं हैं या फिर आप अंडरस्कोर फंक्शन को भी यूज ले सकते हैं। अब इसके लिए क्या करूंगा मैं एक और डेटा फ्रेम बना दूंगा जिसका डेटा दोस्तों में डी में एड करने वाला हूँ कुछ इस एग्जाम्पल के साथ ठीक है तो देखिए मेरे पास ये तो हम लोग इसमें ऐड करके देख ही चुके थे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग इसको एक बार सेव करके देखते हैं अभी हमारे पास एक डेटा है ए बी और उसकी इंडेक्स है जीरो वन टू इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर एक और मैं बनाना चाह रहा हूँ अपना एक डेटा फ्रेम ठीक है तो मैं सिंपल सा इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पेस्ट और जो डेटा मैं यहाँ डाल रहा हूँ ठीक है वो मैं एक डिक्शनरी प्रोवाइड कर देता हूँ और डिक्शनरी में जा लिख देता हूँ ए और जिसकी वैल्यू आप जो भी लिखना चाहें जैसे कि मैं लिख देता हूँ सपोज के फिफ्टी और सिक्सटी इसी टाइप से दो मैं डाल देता हूँ सपोज डेटा और एक मैं कर देता हूँ बी और बी की जो वैल्यू है दोस्तों वो मैं यहाँ कर देता हूँ सपोज की सपोज की सेवेंटी और एटी ठीक है और इसका नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पर डी एफ जो था इसके साथ रख देता हूँ डी एफ टू अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ डी एफ टू को तो आप देखेंगे दोनों हम लोगों ने एक एक करके प्रिंट कर लिया है ये हमारा डी एफ है और ये हमारा डी एफ टू है अब डी एफ और डी एफ टू को अगर दोस्तों आपको यूज करना है आप चाहते हैं इनको आपस में जोड़ना है कॉन्डेट करना है तो फिर वो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको कहा है दो फंक्शन होते हैं एक है आपके पास अपेंड और एक है आपके पास कॉन्केट ठीक है तो आप यहाँ पर देखिएगा जरूर आपकी बुक के अंदर दोस्तों मेंशन हो हो सकता है कि केवल अपेंड लिखा लेकिन यहाँ पर हमारा क्या चलेगा अंडरस्कोर अपेंड चलेगा इसके अंदर हम लोग यहाँ पास कर देंगे डी एफ टू ठीक है क्या लिखेंगे डी एफ टू और ये जो डीएफ टू है वो किस में आके ऐड हो जाएगा डी एफ के अंदर तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर जाकर के लिख देंगे डी एफ इक्वल्स टू डी एफ डॉट ठीक है और हमारे फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पर अंडर स्कोर अपेंड इस तरीके से हम लिख देंगे ठीक है अपेंड और अपेंड के अंदर जाके हमको यहाँ पास करना है जो हम लोग लेना चाह रहे हैं जैसे डी एफ टू तो हमारा डी एफ टू आ जाएगा और इसके साथ हम लोग लिख देंगे एक और वर्ड दैट इज इग्नोर अंडर स्कोर ठीक है क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ इग्नोर अंडर स्कोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा अगर दोस्तों हम लोग फिर से जाकर के देखें ठीक है मैं यहाँ जाकर के प्रिंट करता हूँ किसको डीएफ को तो ये क्या करेगा जो पहले डीएफ था जिसमें तीन रिकॉर्ड थे और अभी एक और डीएफ टू बना दिया आपने जिसमें दो रिकॉर्ड तो दोनों मिलकर के डीएफ में आ गए और डीएफ में हमारे पास हो गए कुल मिला गया, फाइव तो आप देखेंगे कि जो हमने लास्ट लिया उसमें हमारे पास फाइव रोज आ चुकी है पहले ये तीन है और उसके बाद ये दो और आ चुके हैं ठीक है समझ में आ गया होगा आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं तो हमारे पास एक और तरीका है यहाँ पर बस हम एक फंक्शन यूज करने वाले हैं और वो फंक्शन का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा वो नाम है हमारे पास कॉनकेट ठीक है तो हम लोग यहाँ पर कॉनकेट कर सकते हैं ठीक है और कॉनकेट के अंदर हम लोग यहाँ पी डॉट कॉन्केट कर देंगे तो सिंपल सा है जाकर लिख देता हूँ यहाँ पर पीडी ये पीडी डॉट कॉन्केट क्यों है क्योंकि ये पंडास का फंक्शन है ठीक है और इसमें हम पास कर देंगे अपने दोनों यानी कि एक मैं बता रहा हूँ डी के अंदर आपको क्या चाहिए डी ठीक है तो इस फंक्शन के अंदर लिख दूंगा मैं डीएफ के अंदर चाहिए डीएफ टू इस तरीके से मेंशन कर दूंगा और इग्नोर इंडेक्स तो आपका रहेगा और ये कंप्लीट डेटा आपका आ रहा है दोस्तों तो ये हमारा डेटा आ जाएगा डी के अंदर डी इक्वल्स टू पी अगर हम फिर से देखिए प्रिंट करके इसको सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा वैसे ही डेटा आ रहा है जैसा कि अभी हमारा यहाँ ऊपर भी अपेंड में भी आ रहा था ठीक है तो अपेंड की जगह आपको क्या लिखना है अंडर अपेंड और यहाँ आपके पास फंक्शन का नाम क्या है कॉनकेट ठीक है ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर मल्टीपल रोज भी ले सकते हैं अगर हमारे पास पहले से कोई डेटा फ्रेम है जिसने मल्टीपल रोज पड़ी है वो लेना है तो वो ले सकते हो अगर आप कॉलम्स लेना चाहते हैं हालांकि इसमें हमने मल्टीपल कॉलम्स ले चुके थे लेकिन अगर आप मल्टीपल कॉलम लेना चाहे तो हमारे पास में क्या था एलओ हम देख चुके थे एटमी हम लोग देख चुके थे ठीक है अब देखिए अगर अब अगर हम लोग अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हम यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहते हैं एक सिंगल सेल तो वो भी हम लोग कर सकते हैं कैसे एलओसी एट के थ्रू साथ साथ में हम लोग यहाँ एट और आई एलोसी को भी एक कर काम करता हूं ठीक है आप देखेंगे हमारा ए और बी का डेटा आ गया मैं चाहता हूँ दोस्तों को फाइव हंड्रेड को बना दो थ्री हंड्रेड बना दो कुछ भी आप चेंज करना चाहें तो आपको बस उसका इंडेक्स पता होना चाहिए ठीक है तो पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पर चेंजेस करके देखते हैं चार फंक्शन हम लोग यहाँ दोस्तों यहाँ यूज करने वाले बेसिकली चार अलग, अलग अलग आपके पास एक्सेसर है एक होता है दोस्तों आपके पास यहाँ पर उसका नाम है एल एक है एट एक है आई एल ओ सी और एक है आई एट जैसे अगर मैं एल की बात करता हूँ तो हमारे पास इंडेक्स है जीरो वन टू यहाँ पर है सपोज ए बी सी अब अगर हम बात करें इंटरनली तो ये अपने आप में ये भी क्या है हमारे पास में न्यूमेरिक है और ये भी आपके पास क्या न्यूमेरिक है बने आपने इसका नाम ए बी सी ऐसा भी रखा हो तो अगर आप चाहते हैं कॉलम का नाम जो आपने इंडेक्स या कॉलम में दे रखा तो है तो आप क्या लिखेंगे एल और अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर आई एल सेम टू सेम जैसे एल में होता है आप एट भी यूज कर सकते हैं और जैसे आई एल में होता है वैसे आप आई एट को भी यूज कर सकते हैं एक एक करके देखते हैं दोस्तों जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जाकर के लिखा है ठीक है वो क्या है डी एफ डॉट एल ओ सी रो और कॉलम बता दिए और वैल्यू चेंज कर दी है तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिख देता हूँ ठीक है मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर डी एफ डॉट ठीक है तो ये रामाण डीएफ डॉट एनओ सी और इसके अंदर आपको जाकर के बता देना रो जो भी आपकी ठीक है और कॉलम आपका जो भी है और उसकी वैल्यू आप क्या करना चाहते हैं तो मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पर है मैं लिख देता हूँ सिक्स हंड्रेड ठीक है मैं इस तरीके से इसकी वैल्यू कर देता हूँ सिक्स हंड्रेड ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे जो रो नंबर जैसे ये आपके पास है जीरो देन वन देन टू तो टू और उसका कॉलम कौन सा है बी अगर हम इसके चेंज कर लेने के बाद में दोस्तों फिर से जाके क्या लिखेंगे प्रिंट ऑफ डी तो पहले मैं आपको पुराना डेटा दिखाऊंगा और उसके बाद नया डेटा तो ये वाला हमारा जो डेटा है यहाँ पर ठीक है ये वाला डेटा है हमारा पुराना और उसके बाद जो मैंने चेंज करके फिर दिखाया है तो ये क्या हो गया जिसकी रो नंबर क्या है टू रो नंबर टू का मतलब इसका इंडेक्स टू है और ये हमारा कॉलम है बी तो आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं ठीक है ठीके? इसी तरीके से जैसे आप यहाँ पर एल को यूज करें दोस्तों आपके पास एक और तरीका है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसको एट को भी ऐट में जाकर के मैं सपोज इसको कर देता हूँ वन ठीक है और इसके अंदर कर देता हूँ सपोज फाइव हंड्रेड मैं इसको कर देता हूँ सपोज कि मैं हाँ ठीक है ठीक है तो मैं इसको कर देता हूँ रो नंबर वन और इसका कॉलम में रख देता हूँ सपोज बी इस तरीके से सेव करते रन करेंगे आप देखेंगे इसको मैंने कर दिया फाइव हंड्रेड जबकि ये था आपका अभी सिक्स हंड्रेड ठीक है ये समझ में आ गया होगा आपको आप ऐट यूज कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पर यूज़ करा था

और ऐसे ही दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ सपोज कि जीरो और जीरो कर देता हूँ सपोज यानी कि पहली वैल्यू जो वन लिखी है उसको मैं कर देता हूँ वन हंड्रेड ठीक है इसको सेव करके रन करेंगे आप देखेंगे ये जीरो जीरो हो गया आपके पास में और ये आपके पास जीरो और वन हो चुका है ठीक है तो ये आपके पास जीरो जीरो और ये आपके पास जीरो वन जो भी आप वैल्यू डालोगे वैसे आपके पास आ जाएगी तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा है कि हम लोग यहाँ पर एल यूज कर सकते हैं आई एल ओ सी भी कर सकते हैं एड भी कर सकते हैं और आई एड को भी यूज़ कर सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा एक सिंगल सेल को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इसी टाइप से हम बात करेंगे कि अगर कर हम किसी ग्रोप को डिलीट करना चाहें तो कैसे कर देंगे ठीक है तो हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों इन सभी को एक बार हटा देता हूँ मैं यहाँ पर कुछ और डेटा ले लेता ले हूँ जैसे वन टू थ्री था सपोज फाइव सिक्स सेवन इतना डेटा ले लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे ही कर देता हूँ सपोज कि मैं करता हूँ एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ऐसे ही ठीक है तो मैं इसको वापस करेक्ट कर देता हूं इसका आउटपुट आता है इंडेक्सेस में शायद कुछ इश्यूज हुआ होगा तो वन टू थ्री फोर नहीं डाल रहा है सपोज मैं इसको फोर करके इक्वल लेंथ कर देता हूँ दोनों की सेव करके रन करेंगे दोस्तों अब मैं सपोज दोस्तों इस वाली रो को डिलीट करना चाहता हूँ रो नंबर फोर जिसका इंडेक्स नंबर क्या है फोर है तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक मैथड है हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं ड्रॉप को किसको करते हैं ड्रॉप को तो अगर आप चाहते हैं एक सिंगल कॉलम को डिलीट करना वो कैसे करेंगे सिंगल रो को करना वो कैसे करेंगे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे हम यू डिलीट कर सकते हैं अपने एक कॉलम को तो कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको क्या लिखना होता है डेल स्टेटमेंट है ठीक है आपको क्या यूज करना है दोस्तों डेल स्टेटमेंट आप जाएंगे आप लिख देंगे डेल डी एफ ऑफ ए ठीक है तो मैं आ जाता हूँ और जाकर लिख देता हूँ यहाँ पर डेल ठीक है तो हमने क्या लिख दिया डेल डेल के बाद हम लोग जाके क्या लिख देंगे डी एफ डी एफ के अंदर क्या लिख देंगे हमारा जो भी कॉलम जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं चाहे वो ए हो चाहे बी हो और फिर उसके बाद हम अगर हम लोग फिर से डी एफ करके देखेंगे तो दोस्तों हमारा जो कॉलम था वो डिलीट हो चुका है बी अगर हम बी की जगह यहाँ जाके क्या लिख देंगे ए आप देखेंगे क्या डिलीट हो जाएगा इस बार ए डिलीट हो जाएगा बी हमारा रह जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा तो अगर आप चाहते हैं किसी कॉलम को डिलीट करना तो आप ऐसे कर सकते हैं और अगर आप एक रो को डिलीट करना चाहें तो फिर आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे एक फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम क्या है ड्रॉप इसमें हम इंडेक्स यानी कि एक वैल्यू बताना चाहते हैं या सिक्वेंस ऑफ इंडेक्सेस बता सकते हैं जैसे कि फाइव सिक्स नाइन टेन ऐसी वैल्यू भी पास कर सकते हैं जैसे अगर आप देखें तो हमने लिखा है ड्रॉप ऑफ वन इसका मतलब है जो रो नंबर वन है ठीक है नहीं रिकॉर्ड नंबर जिसका वन है जिसका इंडेक्स वन है वो डिलीट हो जाए और जिसमें हमने लिखा वन और टू इसका मतलब दो आपके पास में रोज डिलीट हो जाएंगी तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर जाकर के और इसमें अगर आप लिखते हैं वन तो आप इसको एक बार देखिये सेव करके रन करता हूँ दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है जीरो और जीरो के बाद सीधा क्या आ रहा है टू आ रहा है ठीक है जबकि हमारे पास यहाँ पर ये रो थी लेकिन अब ये रो गायब हो चुकी है क्यों हमने इसको ड्रॉप कर दिया डिलीट कर दिया है ठीक है इसी टाइप से अगर आपको लगता है एक से ज्यादा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं क्या करना होगा इसके लिए हम यहाँ पर जाकर के एक लिस्ट पास कर देंगे सपोज कि दोस्तों मुझे यहाँ पर रो नंबर टू फिर उसके बाद फोर और या फाइव या सिक्स को मुझे डिलीट करना है ठीक है सेव करता हूँ रन करता हूँ इसको एक बार फिर से कोड को तो आप देखेंगे इस बार हमारे पास जीरो वन थ्री और फोर ही बची है जबकि इसमें टू डिलीट हो चुकी है और फाइव सिक्स भी हमारे डिलीट हो चुकी है क्योंकि हमने यहां पर स्टेटमेंट लिखा को डिलीट कर देना है ठीक है आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कोड लिखा हुआ है ये मैं आपको बता चुका हूं अब अगर हम लोग चाहें इसमें कोई कंडीशन के हिसाब से डिलीट करना तो दोस्तों हम लोग वो भी कर सकते कैसे तो हम लोग यहाँ जाकर लिख देंगे यहाँ पर df एफ इक्वल्स टू ठीक है जिसको आपको डिलीट करना है अब देखिए इसमें क्या डिलीट करना चाहते हैं हम तो हम चाहते हैं इसमें कंडीशन लिखी है बस वो आपके पास रहे तो दोस्तों ये आपको क्या देगा फॉल्स देगा बाकी ये ये सारे आपको क्या देगा ट्रू देगा तो ये जो आपने लाइन लिखी है ये वाली इतनी ये आपको क्या देता है या तो ट्रू या फॉल्स अब जब आपने इस ट्रू या फॉल्स को लिखा इस डी के अंदर इसका मतलब है कि वो वैल्यू हमको देनी है जो डी में क्या आ रही है आपके पास में ट्रू आ रही है तो जो ट्रू आ रही है मतलब ये क्या कर देगा ऑटोमेटिकली इस फाइव को यहाँ से डिलीट कर देगा फिफ्टीन टेन एटीन और ट्वेंटी टू इस इस्पल के हिसाब से तो आप कंडीशन के हिसाब से भी अगर डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं क्या लिखा है मैंने डीएफ इक्वल्स टू डी एफ ठीक है डीएफ इक्वल्स टू डी एफ

और इसमें जो जाएगा ट्रू वो आपका डेटा इसमें रहने वाला है ठीक है इसका मतलब है इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन यहाँ से डिलीट हो जाएंगे ये आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अगर मैं इस कोड को सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन है ठीक है उससे पहले का डेटा चला गया क्यों चला गया है क्योंकि कंडीशंस के हिसाब से ये क्या हो रही है आपके पास फॉल्स हो रही है तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपको देता है ट्रू या फॉल्स मैंने लिखा डी एफ इक्वल्स टू डी एफ ऑफ ट्रू

कंडीशन के हिसाब से भी डिलीट कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे पास आता है रीनेम। अगर हमने अपना कोई कॉलम बना रखा है जिसका नाम ए और बी दे रखा है।, तो है।, तो है जैसे डी एफ डॉट कॉलम्स इक्वल टू एल्फाबीटा और आप चाहे तो यहाँ एक फंक्शन यूज कर सकते हैं is, तो हम दोनों देख लेते हैं पहले मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ कि इन सभी को एक बार फिर से हटा देता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर एक बार इसको हटा देता हूँ

अब एक की जगह क्या, क्या लिखा है मार्च और बी की जगह क्या लिखा आ जाएगा अप्रैल सिंपल सा है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक की जगह मार्च और बी की जगह अप्रैल लिखा आ चुका है ठीक है इसी तरीके से जैसे अभी हमने इसको करा अब हमारे पास एक और तरीका अगर मैं वापस रन करूँगा अभी सेम आएगा वैसे ए और बी की ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है कमेंट बना दिया है लेकिन एक और तरीका है आपके पास वो क्या है हमारे पास है दोस्तों वो है रिनेम हम रिनेम फंक्शन को यूज कर सकते हैं तो मैं लिखता हूँ डी एफ इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा डी एफ इक्वल्स टू डी एफ डॉट रिनेम और इसके अंदर जाकर के मैं पास कर सकता हूँ अपने कॉलम्स तो मैं लिख दूंगा कॉलम्स ठीक है और कॉलम्स जो है ये हम लोग पास कर देंगे एक डिक्शनरी में जैसे जो हमारा ए है उस ए की जगह हम लोग यहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ सपोज की मई ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मे और इसी टाइप से मैं दूसरा लिख देता हूँ बी बी की जगह हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं मे के बाद सपोज जून मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ सेव करें रन करें आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया मे और जून आ चुका है ठीक है ए और बी की जगह सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा अब इसी काम को करने का हमारे पास एक और तरीका होता है मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूं देखिए अभी आपने क्या करा डीएफ इक्वल्स टू डी एफ डॉट रिनियम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना डीएफ के बट इसके लिए फिर आपको यहाँ पर जाकर के लिखना पड़ जाएगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्या लिख देंगे आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू इस तरीके से आपको लिखना है सेव करें रन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास क्या रहा आ रहा है मे और जोन आ रहा है ठीक है मतलब नया डेटा जो आपने यहाँ डाला है वो अब आपका आना शुरू हो गया तो आपके ऊपर है आप यहाँ पर कॉलम्स यूज करें आपके ऊपर आप रिनेम यूज करें अगर रिनेम कर रहे हैं तो आपके पास एक तरीका है डीएफ इक्वल्स टू डी एफ कर सकते हैं एक तरीका डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन उसके लास्ट में आपने क्या देखा होगा इन प्लेस इक्वल्स टू टू ठीक है ये भी आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग यहाँ पर रिनेम कर सकते हैं ऐड कैसे कर सकते हैं रो और कॉलम को बता चुका हूं ठीक है मल्टीपल रो को आप लेना चाह रहे हैं मल्टीपल कॉलम लेना चाह रहे हैं डिलीट में आपको बता चुका हूँ डेल और डिलीट आप ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं रेनेम भी मैं आपको यहाँ भी बता चुका हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपके पास सही था रिनेम के लिए ठीक है अगर आप रिनेम करना चाह रहे हैं कॉलम को तो भी हमने यहाँ देखा है कॉलम जिसमें रिनेम या कॉलम यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो रिनेम करना है रोज को तो आपके पास यहाँ पर क्या है एक तो हम लोग यूज कर सकते हैं इंडेक्स या दूसरा हमारे पास क्या है रिनेम हम कर तो हम लोग यहाँ पर क्या दोस्तों, को फिर से एक बार कर लेते हैं अब मेरे पास यहाँ कॉलम्स है इसको हटा देता हूँ आप देखेंगे कॉलम्स जो है वो तो है ए और बी और रो क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर मैं सपोज इनको ए बी सी या कुछ और करना चाहता हूँ तो वो भी हम लोग कर सकते हैं ठीक है थीके? तो मैं वो भी करके देख लेता हूँ क्या करना होगा दोस्तों तो मैं इसको एक बार करता हूं बंद मैं यहाँ आ जाता हूं और यहाँ आ जाने के बाद हमको क्या लिखना है या तो मैं लिख दू डीएफ डॉट इंडेक्स ठीक है इंडेक्स इक्वल्स टू और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं जो भी हमारे हैं जैसे कि मैं यहाँ लिखना चाह रहा था लाइक संडे ठीक है मैं लिखना चाह रहा था मंडे मैं लिखना चाह रहा था ट्यूजडे ठीक है इसी टाइप से ट्यूजडे के बाद लिख देता हूँ वेनसडे फिर मैं लिखना चाह रहा थर्सडे ठीक है इसी टाइप से मैं लिखना चाह रहा था फ्राइडे और मैं लिखना चाहता यानी कि सैटरडे तो हमारे जो डेटा है जा करके फिर से क्या लिख देता हूँ प्रिंट ऑफ डी एफ आप सेव करें रन करेंगे आप देखेंगे ये जो अभी आपके पास जीरो लिखा आ रहा था इसके जगह क्या लिखा गया आपके पास संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे इस तरीके से तो एक तो तरीका हो गया आप इंडेक्स बता सकते हो दूसरा मैंने आपको क्या कहा आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं रिनेम भी बता सकते हैं तो रेनेम के लिए आप सिंपल है अगर आपने कोई वैल्यू लिख रखी है पहले से तो आप उसको भी यहाँ पर चाहे तो चेंज कर सकते हैं जो भी आपका इंडेक्स है आप बताएं ए बी या सी की जगह आपको क्या चेंज करना है आप उसको भी यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं तो रेनेमिंग भी दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ठीक है इसका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको भी यहाँ पर बताया था तो इसको आप चाहे तो एक बार देखें खुद भी प्रैक्टिकल करें यही सारी चीजें मैं आपको भी बता चुका हूँ तो इस तरीके से दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सारी बातें करनी है कंप्लीट हमारा चैप्टर खत्म हो गया है सारे टॉपिक्स को हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस कर चुके हैं अब आपकी तरफ से दोस्तों मुझे चाहिए कुछ इनपुट आपको सारी चीजें समझ में आई है कमेंट सेक्शन में दोस्तों बस आपके कमेंट्स का मैं वेट करता हूँ क्योंकि बहुत बार दोस्तों मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है मैं जो वीडियो बना रहा हूं आप देखे भले मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं कितने आ रहे और मैं जो मेहनत कर रहा हूं इंप्रूव होना चाहिए तो आप एक बार इसको देखें अच्छे से वीडियोस देखें आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली आप करके देखिए जैसे जैसे दोस्तों आप प्रैक्टिकली चीजें देखेंगे वीडियोस को देखेंगे समझेंगे 100 परसेंट दोस्तों आपका रिजल्ट बहुत से बहुत अच्छा आने वाला है तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए चैप्टर के साथ तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए थैंक यू